आई थिंक इन सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग सभी को पता है चलिए पहले तो मैं कुछ पुराने वर्ड्स आप लोगों से पूछना चाहती हूँ ये जज करने के लिए कि आप में से कितने स्टूडेंट्स को वर्ड का मीनिंग पता है एक वर्ड मैंने लिखा यहाँ पे मुझे उस वर्ड का आप लोग मीनिंग बताएंगे एंड वर्ड इज इम्प्लेकेबल इस वर्ड का क्या मीनिंग है सेरेनिटी इस वर्ड का क्या मीनिंग है Lucid, इस ड का क्या मीनिंग है पोस्टल्यूड ऑब्सक्योर हेजी और डिवोर इन सारे वर्ड्स के मीनिंग्स क्या हैं? जल्दी से स्टूडेंट्स मुझे बता दीजिए कितने क्या क्या मीनिंग्स हैं पोस्टल्यूड पोस्टल्यूड का मीनिंग क्या होता है कल भी क्लास में पढ़ा था स्पीच आफ्टर अपले किसी भी नाटक के बाद की जो स्पीच होती है उसको हम बोलते हैं पोस्टल्यूड ऑब्सक्योर और हेजी का मीनिंग क्या है समथिंग विच इज नॉट क्लियर ऐसी चीज जो क्लियर नहीं है समथिंग विच इज एम्बिगुअस समथिंग विच इज वेक राइट इम्प्लेकेबल का मीनिंग क्या है जिसको शांत नहीं किया जा सकता अ पर्सन हु कैन नॉट बी प्लेकेटेड अ पर्सन हु कैन नॉट बी मेड काम डाउन सेरेनिटी का मीनिंग क्या है पीस हार्मनी ट्रैंक्लिटी ल्यूसिड का मीनिंग क्या है क्लियर पेल्यूसिड क्रिस्टल क्लियर सभी के सभी को बच्चों के वर्ड्स याद हैं विक्रम सिंह मनोरंजन सोनू सुश्री गरिमा सभी के आंसर्स एकदम सही हैं एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आप लोग वर्ड के मीनिंग्स याद करते हुए चल रहे हो ऐसे करते करते टॉप थाउजेंड वर्ड्स हो जाएंगे और वोकेबलरी में आपका एक भी मार्क कहीं भी नहीं जाएगा सो अस स्टार्ट विद टूडेज वर्ड्स आज के वर्ड्स से हम स्टार्ट करते हैं एक बार हम इसे रब कर देते हैं सो so, पहला वर्ड है हमारा डिबोर हमारा एक रूट वर्ड होता है और वो रूट वर्ड क्या होता है वी ओ आर ई वोर वी ओ आर ई वोर जो हमारा रूट वर्ड होता है इस रूट वर्ड का मीनिंग होता है टू ईट किसी चीज़ को खाना डी का मीनिंग मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कल की क्लास में आप लोगों को याद हो थ्री इडियट्स में जब वो लोग किसी की शादी में जाते हैं तो याद है आप लोगों ने अगर देखी हो वो मूवी अपनी प्लेट्स को ऊपर तक भर लेते हैं सो so इफ आई से रैंच वॉज डिवोरिंग डिवोरिंग डिवोर डिवोर का मीनिंग क्या हो गया डिवोर का मीनिंग होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा ग्रीडली खाना या लालच पनीर से खाना किसी चीज़ को ऐसे खाना कि जैसे बरसों से खाना मिला ही नहीं है दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दी वर्ड डी वोर डी वोर का मीनिंग होता है टू ग्रीड ईट ग्रीडली एकदम सही अगला वर्ड है हमारा ओमनी वोरस स्टूडेंट्स केवल थर्टी स्टूडेंट्स वॉचिंग है प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि ज़्यादा स्टूडेंट्स आ सकें फैकल्टीज़ का मोटिवेशन भी बना रहे सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो सभी लोग और जो, जो लोग शेयर करते जा रहे हैं प्लीज कॉमेंट भी कर दीजिएगा सो दैट आई कैन थैंक यू फॉर शेयरिंग वीडियो अगला वर्ड है हमारा ओमनी वोर तो और पैन मैंने आपको बताया भी था के पिछले पार्ट में दो रूट वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग सेम होता है ओमनी और पैन ओमनी का मीनिंग भी क्या होता है ओमनी का मीनिंग भी ऑल होता है पैन का मीनिंग भी ऑल होता है तो ओमनी वोरस ओमनी वोरस का मीनिंग क्या हो गया वन हु ईट्स एवरीथिंग ऐसा इंसान जो सब कुछ खा ले ईट्स एवरीथिंग का मतलब क्या है ईट्स एवरीथिंग का मतलब क्या है वो फ्लैश भी खाता हो वो ग्रास भी खाता हो वेजिटेबल्स भी खाता हो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ओमनी वोरस बोलते हैं थैंक यू सुशीला फॉर शेयरिंग द वीडियो ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं ओमनी वोरस फॉर एग्जाम्पल मैन मैन इज ओमनीवरस हम लोग ओमनी वोरस है आई एम नॉट ओमनीवर्स आई डू नॉट ईट मीट मतलब आई एम अ वेजिटेरियन बट अगर मैं जनरल टर्म की बात करूं तो ह्यूमन बींग्स या इंसान क्या होते हैं इंसान क्या होते हैं दे आर ओमनीस दे कैन ईट फ्लैश ऑल्सो दे कैन ईट मीट ऑल्सो एंड दे कैन ईट फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रास ऑल्सो थैंक यू हर्ष यादव थैंक यू फॉर शेयरिंग दीडियो थैंक यू वेरी मच अगला वर्ड हमारा आता है ओमनी सी एनी वन ऑफ यू टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ये वर्ड कुछ मिलता जुलता लग रहा है बचपन से इसे पढ़ते हुए आ रहे हैं साइंस 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 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोसाइंस सी एन से कौन सा मिलता जुलता, जुलता वर्ड मिल रहा है साइंस साइंस का मीनिंग क्या होता है नॉलेज तो अगर मैं बोलूँ इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो बोल सके कि वो ओमनी है उसको सारी की सारी नॉलेज है गॉड इज ओमनी आइंस्टीन को हम बोल सकते थे ओमनी बट क्या पता उन्हें डांस करना आता हो या नहीं आता हो omniscient का मीनिंग क्या हो गया ओमनी का मीनिंग क्या हो गया वन हु इज ऑल हुएबल ऐसा इंसान जिसको सारी की सारी नॉलेज है वन हु हैज़ कंप्लीट नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग या वन हु इज ऑल नॉलेजिएबल जिसके पास सारी की सारी नॉलेज है उस वर्ड का मीनिंग क्या हो गया या उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं उस वर्ड को हम ओमनीसिएंट बोलते हैं एक बार स्टूडेंट्स जल्दी से इसे नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद वी विल मूव अहेड राइट सोनू आमिर विक्रम सुश्री बीजे लाइव एकदम सही आप सभी के आंसर्स एकदम 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 सही है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड नाउ अगले वर्ड पे आते हैं और हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओमनी पोटेंट कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड पोटेंट पोटेंट वर्ड का मीनिंग क्या होगा कहाँ से आया ये पोटेंट वर्ड डू यू हैव द पोटेंशियल क्या तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है पोटेंशियल पोटेंट पोटेंट का मीनिंग क्या हो गया कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी पोटेंट का मीनिंग क्या हो गया पोटेंट का मीनिंग होता है पावर पोटेंट का मीनिंग होता है कैपेसिटी पोटेंशियल भी यहां से बना है कि उस वो बंदे के अंदर बहुत पोटेंशियल है मतलब उस बंदे के अंदर बहुत कैपेसिटी है इस काम को करने की पोटेंट का मीनिंग है पावर तो ओमनी पोटेंट का मीनिंग क्या हो गया omnipotent का मीनिंग क्या हो गया One who is all powerful, ऐसा इंसान जो बहु सर्वशक्तिमान शक्तिमान है जिसके पास सारी की सारी पावर्स है कैन यून गिव एन एग्जाम्पल मेरे एग्जाम्पल दे सकते हैं ओमनी का कोई एग्जाम्पल लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सुपरमैन स्पाइडरमैन बैटमैन शक्तिमान और ये वाला एग्जाम्पल तो मैं कैसे बोल रही बाहुबली भाई दिखाते हैं ना सारी पावर्स है बाहुबली में छलांग भी मार सकता है दिमाग भी बहुत तेज है लड़ाई भी हज़ार लोगों से कर सकता है तो क्या हो गए ये सारे के सारे लोग ऑल ऑफ देम आर ओमन सारे के सारे लोग हमारे ओमन हो गए बट एक्चुअल में तो कोई नहीं होता ना अगर रियल लाइफ की बात करें तो भगवान के अलावा कोई भी ओमन नहीं है हाँ मूवीज़ में बन सकते हैं कृष्ण याद आ गया मुझे इन सभी के बाद सारे के सारे ओमन हैं मोहम्मद आमिर सिंह मैम आम एवेंजर्स राइट एवेंजर्स ओमनी इम्पोर्टेंट रियल लाइफ में नहीं होते सारे के सारे हमारे वर्चुअल लाइफ में हैं वर्चुअल लाइफ में तो हम भी बन जाते हैं कभी कभी रात को सपना ऐसा देख रहे होते हैं कि सौ लोगों से लड़ाई कर रहे हैं और सबको ऐसे एक बार हाथ उठाया और सबको ऐसे उठा के फेंक दिया ओमनी इम्पोर्टेंट बट एक्चुअल लाइफ में नहीं होते हैं अगला वर्ड इस वर्ड का मीनिंग तो आप ही लोग मुझे बताओगे अगर मैं बोलूँ गॉड इज ओमनी अगर मैं बोलूँ एयर इज ओमनी प्रेजेंट का मीनिंग क्या हो गया ओमनी का मीनिंग है ऑल प्रेजेंट का मीनिंग है सब जगह सो ओमनी का मीनिंग क्या हो गया क्या मैं बोल सकती हूँ वन विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर ऐसी चीज जो सर्व जगह उपस्थित है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं वन विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर ऐसी चीज जो सब जगह उपस्थित है दैट इज ओमनी प्रेजेंट अच्छा अब एक वर्ड बताओ मैंने एक वर्ड चलो पहले तो इस वाले वर्ड का मीनिंग बताओ फिर मैं एक वर्ड पूछूंगी आप लोगों से जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था ना वन टू सी आप में से कितने लोग बता पाते हैं पहले यूबिक क्वेश्चन का मीनिंग बताओ अगर मैं आपको बोलूं यूबिक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दो से तीन बार आया भी हुआ है और जो हमारा ये यूबिक वर्ड है ये ओमनी प्रेजेंट का ही सिनोनिम है यूबिक्वेश सिनोनिम ऑफ द वर्ड ओमनी प्रेजेंट तो यूबिक्वेश का मीनिंग भी क्या हो गया बिल्कुल सेम वन विच इज प्रेजेंट एवरी वेर आई कैन से गॉड इज यूबिक्वेश आई कैन से एयर इज यूबिक्वेश आई कैन से गॉड इज ओमनी प्रेजेंट आई कैन से एयर इज ओमनी प्रेजेंट ये सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है ऐसी चीज जो सब जगह उपस्थित है कर कर में विद्यमान हा डमनी पोट ओमनी प्रेजेंट एंड यू चलिए अब एक वर्ड का मीनिंग आप लोग मुझे बताओगे यू से ही वर्ड है इसलिए पूछ रही हूं इंपॉर्टेंट वर्ड है मैं पिछले वाले पार्ट में बताया था इसका मीनिंग यूटोपियन यूटोपियन का मीनिंग क्या होता है यूटोपियन सोसाइटी पेंटिसोक्रेसी मीन्स यूटोपियन सोसाइटी वेयर द स्टेटस ऑफ एवरी पर्सन इज इक्वल सो स्टूडेंट्स टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड यूटोपियन इस यूटोपियन वर्ड का मीनिंग क्या होता है यूटोपियन का मीनिंग क्या हुआ कोई भी नहीं बता पा रहा है हाँ चलो शिवानी राव ने मुझे एकदम सही आंसर बता दिया है यूटोपियन का मीनिंग क्या हो गया इमेजिनरी इमेजिनरी का मीनिंग क्या होगा किस चीज में इंफेंटसी सपनों में इन ड्रीम्स यूटोपियन का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये दो वर्ड्स तो मैंने खुद से इतनी बार एग्जाम्स में देखे हैं यूटोपियन एग्जामिनर को क्या लगता है ये बहुत डिफिकल्ट वर्ड है किसी बस बच्चे को आते नहीं होंगे तो बहुत कम बच्चे ही होंगे जो मार्क्स स्कोर कर पाएंगे बट हमें तो सारे के सारे वर्ड्स पता है हम तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड इन सीरीज में पढ़ लेंगे अब ये जो अगला वर्ड है ना ये बड़ा अच्छा वर्ड है दिस इज अ ग्रेट वर्ड एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ओमनी बस अच्छा किसी ने मारुति की ओमनी देखी है मारुति की पहले एक गाड़ी आती थी ओमनी किसी ने देखी है मैं क्वेश्चन इज उस वो जो मारुति मेरी ड्रॉइंग तो अच्छी नहीं है नहीं तो मैं अपनों को बना के दिखा दी कैसी वो ओमनी होती थी प्लीज ड्रॉइंग को मैं जाना मेरे बचपन से ड्रॉइंग बहुत ज़्यादा खराब है मुझे हमेशा एफ ग्रेड मिलता था ड्रॉइंग में बट समझाने के लिए अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ सो so, हाँ मारुति की मारुति की एक ओमनी गाड़ी आती थी तो कोई मुझे बता सकता है कि ये उसको ओमनी क्यों बोलते थे कुछ भी काम करना हो कुछ भी काम करना हो लोगों को इधर से उधर ले जाना हो मिठाइयों को इधर से उधर ले जाना हो बहुत सारे लोगों को एक जगह भर लेना हो और सबसे ज्यादा तो ये यूज होती थी किडनैपिंग में पुरानी मूवीज अगर आप देखो गेट खुला किरनाप किया गेट बंद और चल दी सब हाँ एकदम सोनू ने एकदम सही बोला कि एकदम किडनैपिंग में ये गाड़ी यूज होती थी इस रीजन क्या था ओमनी बोलने का क्योंकि इसका पूरा नाम था ओमनी बस ओमनी बस इंग्लिश में एक ओमनी बस इंग्लिश में एक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है अ वहीकल टू अकोमोडेट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक बार एस बी क्लर्क के पेपर में यह वर्ड आया भी था अ वेहकल टू अकोमोडेट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऐसा वेहकल जिसमें बहुत सारे लोग एक बार में आ जाएं उस वेकल को हम क्या बोलते हैं उस वेकल को हम ओमनी बस बोलते हैं चलो अविनाश थैंक यू फॉर शेयरिंग द वीडियो सफारी याद आ गया है राजू कुमार को प्रिंसिप बोल रही है किडनैपिंग कार थी ये एकदम सही किडनैपिंग कार थी पर आज के टाइम में ये कार नहीं आती चलिए अगले वर्ड पे आ जाते हैं हाँ जी मैं एकदम प्योर वेजिटेरियन हूँ इनफैक्ट आई डू नॉट ईट अनियन एंड गार्लिक ऑल्सो मैं अनियन और गार्लिक भी नहीं खाती हूँ What इज द रीज़न फॉर दिस इस चीज़ का रीज़न क्या है इट इज़ बिकॉज आई एम फ्रॉम अ वेरी रिलीजियस प्लेस एंड दैट प्लेस इज मथुरा मैं मथुरा से हूँ बेसिकली बहुत रिलीजियस प्लेस है हमारे घर में मुझे याद नहीं कभी भी प्याज भी आई होगी कभी भी नहीं आती चलिए अगले वर्ड पे आते हैं हाँ स्टूडेंट्स मुझे पता है आप लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत आई थिंक एक या दो दिन से हिंदू का पेपर और हिंदू की वकैब नहीं मिल रही है कल से या परसों से एकदम टाइमली मिलना स्टार्ट हो जाएगा आर्टिकल भी मैं एकदम टाइमली बताना स्टार्ट कर दूंगी कुछ इश्यूज थे यहाँ पे पिछले हमारी टीम में जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा था बट कल से आपको पेपर भी मिलेगा कैबलरी भी मिलेगी और आर्टिकल भी मिलेगा कि कौन सा आर्टिकल आपको रीड करना है चलिए वापस आ जाते हैं अपने अगले वर्ड पे एंड हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आर नेक्स्ट वर्ड इज़ हर्बीवोर वोर वोर हमारा नेक्स्ट वर्ड है हर्बीवोर वोर काउस गोट्स ये सारे के सारे क्या हैं ये सारे के सारे हर्बीवोर्स वोर्स हैं हर्बीवोर वोर का मतलब क्या है वन विच ईट्स ओनली प्लांट्स ऐसा इंसान या ऐसा जानवर या कुछ भी ऐसा जो केवल और केवल प्लांट्स खाता है जो फ्लैश को हाथ भी नहीं लगाता जो फ्लैश से बहुत दूर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम हर्बीवोर वोर बोलते हैं वी कॉल सच अ थिंग एज हरबी वोर हर्भी वोर का मतलब क्या है वन विच ईट्स ओनली प्लांट्स ये तो बहुत कॉमन वर्ड है हम बहुत बार से ये वर्ड पढ़ते आ रहे हैं चलिए अगले वर्ड पे आते हैं अगले वर्ड का मीनिंग मुझे कौन बता सकता है कारनी वोर कार्नी वोर वोर का मीनिंग क्या है वोर वोर का मीनिंग है टू ईट और अब हमारा अगला रूट वर्ड जो हमने पढ़ा है दैट इज कार्नी कारनी जो हमारा रूट वर्ड होता है उस रूट वर्ड का मीनिंग होता है फ्लैश कार्नी का मीनिंग होता है फ्लैश वोर का मीनिंग है टू ईट तो कार्निवोर का मीनिंग क्या हो गया वन विच ईट्स ओनली फ्लैश जो केवल और केवल फ्लैश खाए फॉर एग्जाम्पल लायन फॉर एग्जाम्पल टाइगर जो कुछ और खाए ना उसे फ्लैश ही खाता हो प्लांट्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स कुछ भी नहीं खाए दैट पर्सन इज नोन एज कार्निवोर। चलिए अगला वर्ड आप लोग मुझे बताइए अगले वर्ड का मीनिंग क्या होगा फ्रूजीवोर नाम से आप लोग आराम से मुझे बता सकते हैं कि फ्रूजी वोर का मीनिंग क्या होगा फ्रूजी 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 से रिलेटेड कौन सा वर्ड लग रहा है फ्रूट्स फ्रूजी से रिलेटेड कौन सा वर्ड लग रहा है फ्रूट्स तो फ्रूजी वोर का मीनिंग क्या हो गया वन विच ईट्स ओनली फ्रूट्स जो केवल और केवल फ्रूट्स खाए बहुत बहुत सारे लोग हैं जो फ्रूजी हैं जो लोग मतलब स्पेशली माउंटेन्स पे जाके जो लोग तपस्या करते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं वो तो अपनी डाइट केवल फ्रूट्स पे आ जाते हैं जब जा वो बहुत स्पिरिचुअलिटी को अटेन करने वाले होते हैं ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं ऐसे लोगों को हम फ्रूज और सॉरी फ्रूजी बोर बोलते हैं वी कॉल देम फ्रूजी बोर अगले वर्ड पे आते हैं हमारे अगले दो वर्ड्स हैं एक वर्ड है प्रीडेटर और एक वर्ड है स्कैवेंजर अगर मैं आपसे बोलूं कार्निवोर्स जो हमारे होते हैं हमारे जो कार्निवोर्स होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं वी हैव टू टाइप्स ऑफ कार्निवोर्स कार्निवोर्स का मतलब क्या है जो लोग फ्लैश खाते हैं अब ये कार्निवोर्स अगर दो टाइप के हैं पहला फॉर एग्जाम्पल लायन फॉर एग्जाम्पल टाइगर दूसरे फॉर एग्जाम्पल वल्चर फॉर एग्जाम्पल ईगल क्या आप लोग मुझे डिफरेंस बता सकते हो कि इन दोनों तरह के कार्निवोर्स वो में क्या डिफरेंस है एक मैंने आपको टाइप क्या बोला लायन और टाइगर दूसरा टाइप क्या बोला वल्चर और ईगल हमें देखते ही डिफरेंस समझ में आ रहा है और क्या वो डिफरेंस है डिफरेंस ये है कि ये जो हैं ये फ्रेश फी मीट खाते हैं ये अपना शिकार खुद करके लोग मार के खाते हैं लेकिन ये जो होते हैं ये सड़ा हुआ और गला हुआ फ्लैश खाते हैं ये लोग सड़ा हुआ और गला हुआ फ्लैश खाते हैं ये लोग अपना शिकार खुद करके खाते हैं इन लोगों को क्या बोलते हैं इन लोगों को प्रीडेटर्स बोलते हैं सॉरी इन लोग क्यों बोल रहे मैं जानवर बोलना चाहिए इन एनिमल्स को क्या बोलते हैं इन एनिमल्स को प्रीडेटर्स बोलते हैं और इन एनिमल्स को स्कैवेंजर्स बोलते हैं उनको प्रीडेटर्स बोला इनको स्कैवेंजर्स बोला तो क्या डेफिनेशन हो गई लिख लेते हैं एक बार प्रीडेटर्स क्या हो गए पता आई रियली एंजॉइंग यू नो रबिंग ऑन दिस बोर्ड बोर्ड को ऐसे रब करना ना बड़ा मजा आता है वो चलो मीनिंग क्या थोड़ा सा यहाँ से भी रब कर देते हैं जिससे कि हमारे पास स्पेस हमें मिल जाए प्रीडियस का मतलब क्या हो गया वन क्या हुआ वन विच रन एंड कैचेस इट्स ओन प्रे ऐसा जानवर जो रन भागता है और अपना शिकार खुद पकड़ता है प्रे का मीनिंग क्या होता है शिकार कैच इट्स ओन प्रे इनको हम क्या बोलते हैं वी कॉल देम प्री डेटर्स और स्कैवेंजर्स कौन से होते हैं स्कैवेंजर्स कौन से होते हैं वन विच फीड्स ऑन वो लोग जो किस पर फीड करते हैं वो लोग जो रॉटन सड़ा हुआ एंड डिकेइंग फ्लैश गले हुए फ्लैश पर फीड करते हैं उनको हम स्कैंजर्स बोलते हैं वन विच फीड्स ऑन रॉटन एंड डिकेइंग फ्लैश दे आर स्कैंजर्स और जो अपना शिकार खुद पकड़ के भाग के करते हैं दे आर नोन एज प्री डेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं कहने को बहुत सिंपल वर्ड्स हैं बट पैसे में बहुत बार मिल जाते हैं राजू कुमार इतने सारे फ्रूट्स भेज रहे हैं नहीं, राजू कुमार फ्रूट्स नहीं भेज रहे सुशीला चाहर बहुत सारे फ्रूट्स भेज रहे हैं इतना सभी को क्लियर है अब अगले वर्ड की तरफ हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड इज पैरासाइट्स पैरासाइट क्या होता है बहुत बार ह्यूमन बॉडीज में क्या होता है ये फिर तीन वर्ड्स करते हैं चलिए लेट्स डू थ्री वर्ड्स थोड़ी सी आपको ऐसा लगेगा ये वोकेबलरी की क्लास नहीं हो रही है बायोलॉजी की क्लास हो रही है लेकिन है ये वोकेबलरी की ही टर्म्स थोड़े बायोलॉजिकल हैं जो हमारे यूज होते हैं चलिए हमारे ना तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक होते हैं हमारे पैरासाइट्स एक होते हैं हमारे कमेंस और एक होते हैं हमारे म्यूचुअलिस्टिक इसका मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल भी दूंगी एंड आप लोग एकदम उस एग्जांपल से एकदम रिलेट कर पाओगे कि किसको क्या बोलते हैं और इन सारे के सारे एनिमल्स को हम बोलते क्या हैं इन सारे के सारे एनिमल्स को हम सिम्बायोटिक बोलते हैं चलो रूट वर्ड्स की हेल्प से समझेंगे इन सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है बहुत अच्छे एग्जांपल से समझेंगे आप लोग अपने रियल लाइफ से भी उस एग्ज़ाम्पल को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे सिम्बायोटिक सिम और एस वाई एन सिन एस वाई एम सिम और एस वाई एन सिम ये हमारे रूट वर्ड्स होते हैं जिसका मीनिंग होता है टुगेदर बायो हमारा एक वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है लाइफ तो कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी कि सिम्बायोटिक का मीनिंग क्या हो गया मैंने आपको दोनों वर्ड्स बता दिए मैंने आपको सिम का मीनिंग बताया सिम का मीनिंग क्या है टुगेदर बायो का मीनिंग क्या है लाइफ तो सिम्बायोटिक का मीनिंग क्या हो गया सिम्बायोटिक का मीनिंग हो गया वो ऑर्गेनिजम्स जो एक साथ रहते हैं सिम्बायोटिक का मीनिंग क्या हो गया ऑर्गेनिजम्स दैट लिव टुगेदर वो ऑर्गेनिजम्स जो एक साथ रहते हैं उन ऑर्गेनिज़म्स को हम क्या बोलते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं क्लियर अब जो ऑर्गेनिजम्स साथ में रहते हैं उसमें तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं पहले ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं पैरासाइट्स पैरासाइट Parasite क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर कीड़े चले जाते हैं वो कीड़ा वो जो वर्म है आपकी बॉडी के अंदर स्टे कर रहा है आप और वो साथ में रह रहे हो आप जो फूड इनटेक कर रहे हो आप जो खाना खा रहे हो वो फूड वो पैरासाइट को जा रहा है आपकी बॉडी को नुकसान हो रहा है उस पैरासाइट को फायदा हो रहा है आपकी बॉडी को नुकसान हो रहा है पैरासाइट को फायदा हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म पे नेगेटिव इफेक्ट है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे पॉजिटिव इफेक्ट है किसका एग्जाम्पल हुआ किसका एग्जाम्पल हुआ पैरासाइट का दूसरा एग्जाम्पल कमेंसल कमेंसल में क्या होता है बहुत बड़ी जो मछली होती है ना आपने कभी देखा होगा उसके साइड में छोटी छोटी मछलियाँ अटैच्ड होती हैं तो जब वो बड़ी मछली कोई शिकार करती है तो मेन मेन पार्ट तो वो खा लेती है जो बाकी का टूटा हुआ पार्ट इधर उधर इधर उधर, उधर फैल जाता है वो छोटी वाली मछलियाँ जाके खा लेती हैं तो हो क्या रहा है दो बॉडीज हैं साथ में रह रही हैं। एक के ऊपर तो पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है उन छोटी मछलियों का तो फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे वाले पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है किस, उसके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है वो क्या हो गया वो क्या हो गया दैट इज कमेंसल वो हमारा कमेंसल हो गया तीसरा म्यूचुअलिस्टिक म्यूचुअलिस्टिक का मतलब क्या होता है दोनों का ही फायदा हो रहा है फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जहाँ पे बफ्लोज होती हैं जहाँ पे बफलोज होती हैं वहाँ पे ऊपर ना क्रोज भी होते हैं बफलो की बॉडी पे ना छोटे 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 से इंसेक्ट्स होते हैं अब क्या होता है क्रो उन इंसेक्ट्स को खाता रहता है तो उसको तो फूड मिल रहा है बफलो की क्लीनिंग हो रही है बॉडी की बफलो को भी फायदा क्रो को भी फायदा कौन से ऑर्गेनिजम्स हो गए म्यूचुअलिस्टिक अब ये समझ में कैसे आएगा समझ में आएगा रिलेशनशिप की हेल्प से जब लोग रिलेशनशिप में होते हैं तो बहुत सारे लोगों की जो रिलेशनशिप होती है वो एक दूसरे के ऊपर पैरासाइट होते हैं एक का ही फ़ायदा हो रहा है दूसरे वाले का नुकसान हो रहा है बहुत बार रिलेशनशिप कैसी होती है कमेंसल होती है एक को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा और दूसरे वाले का नुकसान हुए जा रहा है और बहुत बार रिलेशनशिप कैसी होती है म्यूचुअलिस्टिक होती है दोनों का ही फायदा हो रहा है दोनों को ही अच्छा लग रहा है क्या चीज समझ में आई हाँ ऐसा फील हो रहा है मौसमी ने बोला है कि मैम ई वी एस क्लास चल रही है ई वी एस क्लास नहीं है बच्चे ये वोकेबलरी क्लास है ना ही बायोलॉजी क्लास है ना ही ई वी एस क्लास है दिस इज वोकेबलरी क्लास मेरा मकसद क्या था मेरा मकसद था आपको इन वर्ड्स के मीनिंग्स बताना पैरासाइट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बहुत बार आता है पैरासाइट का मीनिंग क्या होता है पैरासाइट का मीनिंग होता है ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को जब के ऊपर फीड जब करता है उसको जब धीरे धीरे खत्म करता रहता है उसको हम पैरासाइट बोलते हैं बहुत बार हम ऐसे भी बोलते हैं करप्शन इज लाइक इन इंडिया करप्शन जो है इंडिया में पैरासाइट है धीरे धीरे वो इंडिया को खत्म करता हुआ जा रहा है चलिए समझ में आया अगला और जबकि लास्ट वर्ड हमारा बचा है दैट इज कैनेबल कैनेबल का कोई मुझे मीनिंग बता सकता है कैनेबल हाउ many ऑफ यू कैन टेल मी द मीनिंग ऑफ द वर्ड कैनेबल कैनेबल का मीनिंग क्या होता है फूड से ही रिलेटेड है क्योंकि खाने की ही तब से हम बात कर रहे हैं आज किसी को भूख तो नहीं लग रही इतनी सारी हमने खाने 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 की बात कर ली ऐसा तो कोई नहीं कि भाई मैम अब बस मैं क्लास नहीं अटेंड करे हम जा रहे हैं बाहर कुछ स्नैक्स लेके आते हैं मोहम्मद आमिर ने मुझे आंसर बोला है कि कैनिबल जो है मैन ईटर है नहीं बच्चे कैनिबल एग्जैक्टली मैन ईटर नहीं होता है कैनिबल का मीनिंग होता है जब वो, वो इंसान जो अपनी खुद की स्पीशीज को खा ले वन ईट्स वंस ओन स्पीशीज ऐसा इंसान जो अपनी खुद की स्पीशीज को खाता हो मैन मैन को खाता हो लाइन लाइन को खाता हो एंट एंट को खाती हो उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम कैनेबल बोलते हैं मौसमी ने मुझे एकदम सही बोला है सेम प्रजाति के लोगों को खाना फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे आदिवासी हैं हमारे जो मैन को ही खाते हैं मतलब दैट सिविलाइज्ड उन्होंने बिल्कुल भी प्लांटेशन या बिल्कुल भी सिविलाइजेशन वहाँ पर नहीं आया है तो वो मैन को ही मार के खा जाते हैं फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ भी आई थी एंडमन एंड निकोबर आइलैंड्स में एक आइलैंड है जहाँ पे कोई भी ह्यूमन जाता है तो वहां पे वहां के लोग इतने अनसिविलाइज हैं कि वो एक दूसरे को पहचानते भी नहीं है एक दूसरे को जानते भी नहीं है एंड दे कीप ऑन हंटिंग ईच अदर वो एक दूसरे को हंट करते रहते हैं दैट इज कैनेबल सुशीलाई सिंह यस मैम फीलिंग हंग्री थोड़ी सी देर की और बात है थोड़े से वर्ड्स और पढ़ लो फिर जाके आराम से अपना डिनर करना आप लोग चलिए अगले वर्ड की तरफ आते हैं अब हमारे बहुत सारे वर्ड्स हैं गौर में अच्छा इस नाम से एक आइसक्रीम आती है किसी ने खाई है एक गौरमे के नाम से एक आइसक्रीम आती है मैं पूरे 500 हंड्रेड में नहीं पूरे थाउजेंड वुकैब्स आपको यहाँ पे करवाने वाली हूँ और दिस थिंग ऑल्सो आई कैन से कि एग्ज़ाम में इन हज़ार वकीब्स के अलावा कोई भी वर्ड नहीं आने वाला है इतना इतना श्योरिटी के साथ मैं बोल सकती हूँ एग्ज़ाम्स में इन हज़ार वर्ड्स के अलावा कोई और वर्ड किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा और ये सीरीज में मोस्ट प्रोबेबली ये वाली 500 वर्ड्स वाली सीरीज तो 10 अगस्त तक कंप्लीट कर दूंगी अगले 500 वाली सीरीज़ 20 या 22 तक कंप्लीट कर दूंगी तो इस मंथ के एंड तक जब आप आई बी दे रहे होगे आई बी क्लर्क दे रहे होगे आपकी वोकेबलरी इतनी स्ट्रांग होगी कि आपका कोई भी वर्ड मिस नहीं होगा हाँ चलो ये सारे के सारे वर्ड्स अगर मैं बोलूँ आपको एक जैसे हैं इस नाम से एक आइसक्रीम आती है किसी ने भी नहीं खाई गौर में एड भी बहुत अच्छा आता है इस आइसक्रीम का हाँ मैंने आइसक्रीम खाई अगर आप जाओगे भी किसी को शायद ये आइसक्रीम आई थिंक अमूल की आती है या क्रीम बल की आती है बोलना गौर में चाहिए ही गिव यू दैट आइसक्रीम इस नाम से एक आइसक्रीम भी आती है तो सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है ग्लुटिन की अगर मैं बात करूँ इफ़ आई टॉक ऑफ ग्लुटिन हमने एक वर्ड पढ़ा था डी पहले तो मुझे इस वर्ड का मीनिंग बताओ हमने एक वर्ड पढ़ा था डीवोर 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 वर्ड का मीनिंग क्या था डिवोर वर्ड का मीनिंग क्या था डीवोर वर्ड का मीनिंग था टू ईट ग्रीडली लालची पने से खाना तो ग्लुटन का मीनिंग अगर मैं लिखू वन हु डिवोर्स ऐसा इंसान जो डिवोर करता है ऐसा इंसान जो लालच पने से खाता है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम ग्लूटन बोलते हैं तो उसका मीनिंग क्या हो गया ग्लूटन अविनाश सिंह मैम हाउ बॉज द टेस्ट टेस्ट अच्छा था और ऑब्वियसली अच्छा था आई एम अ लवर ऑफ़ चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम्स मतलब मैं कितनी भी चॉकलेट कितनी भी आइसक्रीम खा सकती हूँ बट आइसक्रीम्स मैं अवॉइड करती हूँ द रीज़न बींग माई थ्रोट मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है इसकी वजह से आइसक्रीम मैं दूर भागने की कोशिश करती हूँ बट अगर अगर वेंडर, मुझे कोई वेंडर दिख जाता है, I'll definitely go and take an ice cream. क्या मैं कह सकती हूँ वाला जो वर्ड है ये जो हमारा वर्ड है ग्लुटिन ये हमें जो मीनिंग दे रहा है वो कौन से सेंस में दे रहा है ये जो हमें मीनिंग दे रहा है वो नेगेटिव सेंस का मीनिंग दे रहा है बट ये सारे के सारे वर्ड्स जो है नीचे के कैकॉन से गोरमे एपिक्योर कनाइश्योर और गैस्ट्रोनोम ये और इसमें से सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड ये है अब इसका मीनिंग बताऊंगी सबसे ज़्यादा इसे इसे ना चार पांच बार स्टार मार्क कर लो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत बार आगे भी एग्जाम में पूछा जाएगा इन सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग होता है वन हु हैज अ वेरी फाइन टेस्ट ऐसा इंसान जिसका बहुत ज़्यादा फाइन टेस्ट होता है बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है ग्लूटिन क्या होगा उसको कचौड़ियाँ भी मिल रही है ना तो पचा, दस में पचासों बहुत ज़्यादा हो गई दस पंद्रह बीस खाता जाएगा खाता जाएगा खाता जाएगा वो ऐसे खाएगा जैसे उसे बरसों से खाना मिला ही नहीं है ही विल जस्ट फोकस ऑन ईटिंग इट बट 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 ये जो सारे वर्ड्स हैं कौन कौन से सारे वर्ड्स हैं में या पिक्योरकनॉइश और गैस्टोनोम ये लोग खाएँगे तो अच्छी चीज़ खाएँगे इनके टेस्ट बर्ड्स इतने ज़्यादा सेंसिटिव एंड डेलिकेट होते हैं कि ये जिस चीज़ पे हाथ रखेंगे वो अच्छी ही होगी इसीलिए उस आइसक्रीम का जो नाम था वो गौरमे है उस आइसक्रीम का जो नाम है वो गौरमे है नेट पे सर्च भी करोगे ना गौरमे आइसक्रीम इसको इसमें टी साइलेंट रहता है इसका जब प्रोनउंसिएशन करते हैं इसका मीन इसमें ना टी साइलेंट होता है इनका जो टेस्ट बर्ड्स है वो बहुत अच्छे होते हैं इनको अच्छा खाना पसंद है ये लोग बेकार खाना सड़ा हुआ खाना नहीं खा सकते दे विल इफ दे विल ईट दे विल ईट गुड फूड दे विल कीप ऑन ट्राइंग न्यू रेस्टोरेंट्स दे विल कीप ऑन ट्राइंग न्यू प्लेसेस और तब तक उनका एपेटाइट सेटिस्फाई नहीं होगा जब तक उन्हें एक बहुत अच्छा खाना नहीं मिल जाता अब इन सभी वर्ड्स में एक स्पेशल वर्ड जो है द स्पेशल वर्ड इज़ कनायश्योर इस कनायश्योर का मीनिंग क्या है ये हमारा स्पेशल वर्ड है और इस कनाश्योर का मीनिंग दो चीज़ों से रिलेट करता है अभी हमने फूड की तो बात कर ही ली कि ऐसा इंसान जो अच्छे फूड का लवर हो ऐसा इंसान जिसका बहुत अच्छा टेस्ट हो साथ की साथ साथ ही साथ इसमें आर्ट भी आ जाता है ऐसा इंसान जिसे आर्ट का बहुत अच्छी नॉलेज हो आर्ट का बहुत अच्छा टेस्ट हो फॉर एग्जाम्पल वो पिक्चर को देख के बता पाए कि ये कि पिकासो है या ये एक नॉर्मल पिक्चर है इस पिक्चर की वर्थ कितनी है ये डांस फॉर्म कितना ज़्यादा वर्थ है वो सारी की सारी चीज़ें बता पाए इसका मतलब है ये फूड और आर्ट दोनों के लिए ही हम कनाशर यूज़ करते हैं जबकि बाकी के सारे वर्ड्स जो होते हैं वो हम केवल और केवल फूड के लिए यूज़ करते हैं क्या ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है क्या ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है कि बाकी के सारे वर्ड्स केवल अच्छे फूड के लिए हैं, लेकिन कनोइ्योर जो वर्ड है वो फूड के लिए भी है और वो साथ की साथ आर्ट के लिए भी है चलिए अगले वर्ड पे हम लोग आ जाते हैं और अगला वर्ड है हमारा वोरेशियस रेपेशियस और रेवेनियस ये तीनों वर्ड भी बहुत ज़्यादा फूड से ही रिलेटेड हैं इन वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है इन वर्ड्स का मीनिंग भी एक्सट्रीमली हंगरी होता है वोरेशियस रेपेशियस एंड रेविनस इन सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है इन सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हंगरी ऐसा इंसान जिसे बहुत ज़्यादा हंगर हो किसी चीज का फॉर एग्जाम्पल ये जो वोरेशियस वर्ड है ना ये सबसे ज़्यादा यूज किस चीज़ के लिए होता है मैंने बोला ही इज़ अ वेशियस रीडर मैंने एक सेंटेंस लिखा ही इज अ वोरिशियस रीडर इसका मतलब क्या है उसके अंदर ना हंगर है बुक्स को पढ़ने का उसे जैसे ही जो भी कोई उसे जैसे ही जो भी कोई बुक मिलती है ना वो उस बुक को ले आता है और उस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देता है ही हैज हंगर ऑफ रीडिंग द बुक्स आई होप ये वर्ड सभी को सारे के सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है चलिए अगले वर्ड पे आते हैं अगला वर्ड है हमारा कार्नल एंड कार्नेज अभी हमने एक वर्ड पढ़ा कार्नी कार्नि वो जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कार्नी हमने वर्ड पढ़ा था और कार्नी वर्ड का मीनिंग क्या पढ़ा था हम लोगों ने कार्नी वर्ड का मीनिंग हम लोगों ने पढ़ा था फ्लैश राइट right? कार्नी का मीनिंग होता है फ्लैश तो कार्नल कारनी और जितने भी वर्ड्स हैं जो हमारे कार्नी से आते हैं उन सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग भी फ्लैश से रिलेटेड होना चाहिए या फिर बॉडी से रिलेटेड होना चाहिए कार्नी का मीनिंग फ्लैश से भी रिलेटेड होना चाहिए बॉडी से भी रिलेटेड होना चाहिए चलिए इन वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं इसके लिए पहले हम जरा हल्का सा यहाँ पे स्पेस ले लेते हैं कारनल कार्नेज कार्नल का मीनिंग क्या होता है समथिंग विच इज रिलेटेड टू बॉडी ओनली ऐसा चीज़ जो केवल केवल बॉडीली है सिर्फ बॉडी से रिलेटेड है जिसका किसी और से कुछ भी मीनिंग नहीं है कोई भी वास्ता नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं कार्नल कार्नल मीन्स बॉडीली समथिंग विच इज़ रिलेटेड कम्प्लीटली टू द बॉडी ऑफ समट इज़ कार्नल अगला वर्ड जो है हमारा कार्नेज अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि हिटलर ने क्या किया था हिटलर ने बहुत सारे प्रिजनर्स को एक चैम्बर में बंद किया था वहाँ पर नाइट्रोजन गैस छोड़ दी थी और सारे के सारे लोग एक बार में ही मर गए थे सारे के सारे लोग ऊपर चले गए थे और अगर मैं आपको बोलूँ कि हिटलर कमिटेड अ कार्नेज कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी द मीनिंग ऑफ द वर्ड कार्नेज क्या आप में से कोई भी मुझे कार्नेज वर्ड का मीनिंग बता सकता है कार्नेज वर्ड का मीनिंग क्या हो गया कार्नेज वर्ड का मीनिंग क्या हो गया किलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बहुत सारे लोगों को एक ही समय पे मार देना बहुत सारी बॉडीज को एक ही समय पर डिस्ट्रॉय कर देना दैट इज कार्नेज उसको हम क्या बोलते हैं कारमिज बहुत सारे लोगों को हिटलर ने एक ही समय में मार दिया था हिटलर को हम क्या बोल सकते हैं कहना से कि जो हमारा हिटलर था वो क्या था हिटलर वॉज अ मिसिनथ्रॉपिस्ट हिटलर जो था वो एक मिसिनथ्रॉपिस्ट था मिसिनथ्रॉपिस्ट का मतलब क्या है वन हु हेट्स ह्यूम्स ज्यादा नहीं रूटवर्ड्स करे थे मिस का मीनिंग क्या होता है मिस का मीनिंग होता है टू हेट किसी से नफरत करना एंथ्रोपो एंथ्रोपो का मीनिंग क्या होता है एंथ्रोपो का मीनिंग होता है मैन या फिर ह्यूमंस या फिर मैन काइंड मिसेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या हो गया ऐसा इंसान जो लोगों से नफरत करता हो हिटलर क्या था हिटलर एक मिसेंथ्रोपिस्ट था उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा था उन्होंने कार्नेज कमिट किया था एकदम सही सुश्री ने बोला ही वॉज अ केयरलेस पर्सन वो एक बहुत केयरलेस पर्सन था बहुत स्टोन हार्टेड पर्सन था वेयर एज मदर टेरिसा और जहां पर मदर टेरिसा जो थी वो कौन थी अगर हिटलर मिसन था कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी मैं मदर टेरिसा के लिए क्या यूज कर सकती हूँ इफ हिटलर वॉज मिसेन्थ्रॉपिस्ट कैन आई से कि जो मदर टेरिसा थी शी वॉज फिलेन्थ्रॉपिस्ट हिटलर अगर मिसेथ्रॉपिस्ट था मदर टेरिसा फिलोपिस्ट थी फाइल भी एक रूट वर्ड होता है जिस रूट वर्ड का मीनिंग होता है लव फाइल इज ऑल्सो रूट वर्ड विच मीन्स लव एंथ्रोपो इज अ रूट वर्ड विच मीन ह्यूमन बींग्स फिल्मिस्ट का मीनिंग क्या हो गया फिल्म का मीनिंग हो गया वन हु हुव ह्यूमन बींग्स मदर टेरिसा वॉज अ फिल्म थ्रोपिस्ट वेर एज अटलर वॉज अंथ्रॉपिस्ट बहुत सारे बच्चों ने मुझे आंसर दे दिया है सोनू मुखर्जी और आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट समझ में आया सभी को आई होप सभी को ये क्लासेस हेल्पफुल हो रही हैं आप लोगों की वोकैबुलरी जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है स्टूडेंट्स मैंने ना आई वुड से मैंने अपनी लाइफ के दो या ढाई साल कम्प्लीटली वो की रिसर्च में दिए हैं वो को मैंने इतना अच्छे से रिसर्च करके पढ़ा है समझा है एंड आई थिंक अगर मेरी ये नॉलेज जो मैंने गेन की है अपने इतना इतने टाइम में अगर आप लोगों को कुछ भी हेल्प कर रही है देन आई विल बी वेरी ग्रेटफुल मतलब मुझे बहुत अच्छा फील होगा तो एक बार कॉमेंट करके आप लोग बता दीजिए कि क्या ये सारी क्लासेज जो मैं ले रही हूँ वो की जो अपनी नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और उस वे में जो आपका एग्जाम में आप हेल्प होने वाली है इज दिस फ्रूटफुल क्या ये जो नॉलेज है ये फ्रूटफुल है कितने स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हाँ मैम हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो रही है इसका पीडीएफ जो मैं यहां पे पढ़ा रही हूं इसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी इंग्लिश विद निमिशा बंसल टेलीग्राम ग्रुप पे चैनल पे अकेडमी स्टूडियोज वॉल्ट टेलीग्राम चैनल पे मैं इनके पीडीएफ भी शेयर करती रहूंगी जिससे कि आप लोगों को भी पीडीएफ मिलते रहें चलिए आगे बढ़ते हैं लेट अस मूव अहेड अगले वर्ड पे आते हैं और जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट वर्ड है इनकारनेट अगर मैं आप लोगों से बोलूँ चलिए थैंक यू वेरी मच गौतमी प्रिंसी आमिर दिशा पुरुषोत्तम मौसमी चलिए थैंक यू आई आई एम really रियली वेरी मतलब वेरी जब वेरी हैप्पी कि आप लोगों के नॉलेज आपको अच्छी लग रही है क्लास और आप लोगों को बेनिफिशियल लग रही है ये क्लास चलिए अगले वर्ड पे आते हैं और जो हमारा अगला वर्ड है वो है इनकारनेट अगर मैं बोलूँ लॉर्ड कृष्णा सॉरी लॉर्ड विष्णु इनकार्नेटेड एज लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड विष्णु ने कृष्णा का अवतार लिया लॉर्ड विष्णु इनकारनेटेड एज कृष्णा। इनकारनेटेड का मतलब क्या हो गया वॉट डू यू मीन बाई इनकारनेट इनकारनेट का मीनिंग क्या हो गया टू टेक बॉडी फॉर्म या टू टेक फ्लैश फॉर्म कोई स्पिरिट भगवान तो स्पिरिट है गॉड इज स्पिरिट कोई स्पिरिट जब फ्लैश की फॉर्म लेती है कोई स्पिरिट जब बॉडी की फॉर्म लेती है तो उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम इनकारनेट बोलते हैं ही इनकारनेटेड एज दिस लॉर्ड शिवा व इनकारनेटेड एज दिस गॉडस पार्वती इनकारनेटेड एज दिस अगले वर्ड पर आते हैं हमारा अगला वर्ड है कार्नेशन कार्नेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है कार्नेशन का मतलब होता है जो बॉडी जो फ्लैश होता है ना अगर आप देखोगे तो इस फ्लैश के कलर्स होते हैं और उन कलर्स को हम क्या बोलते हैं उन कलर्स को हम कार्नेशन बोलते हैं कार्नेशन का मतलब क्या है कलर्स ऑफ फ्लैश फ्लैश का जो कलर होता है या फ्लैश के जो अलग अलग कलर्स होते हैं वी कॉल देम इनकारनेशन अब वो कौन सा पर्टिकुलर कलर होता है द मोस्ट प्रोमिनेंट कलर इज रेडिश पिंकिश सबसे और प्रोमिनेंट कलर जो होता है फ्लैश का वो कौन सा होता है वो हमारा रेडिश पिंकिश कलर होता है सो इन कार्नेशन सॉरी कार्नेशन मीन्स कलर्स ऑफ ह्यूमन फ्लैश यहां भी आया कार्न एकदम एकदम कार्न ही अभी चल रहा है कार्न का मीनिंग ही क्या होता है कार्नी कार्निंग का मीनिंग होता है बॉडी या फिर फ्लैश अगले वर्ड की तरफ आते हैं और हमारा अगला वर्ड है कार्निवल ये वर्ड तो आप लोगों को बहुत पॉपुलर लग रहा होगा दशहरा कार्निवल होता है होली कार्निवल न्यू ईयर कार्निवल गोवा में न्यू ईयर कार्निवल होता है कितने लोगों ने जाके अटेंड किया है कितने लोगों ने गोवा का न्यू ईयर कार्निवल अटेंड किया मतलब इट इज़ आई थिंक मस्ट टू अटेंड मतलब इट्स अ वेरी वेरी जॉयफुल इन्वायरमेंट चलो वापस यहाँ पे आ जाते हैं नहीं तो हम अपने टॉपिक से थोड़ा सा भटक जाएंगे कार्निवल तो पहले वैसे कार्निवल का पहले मैं मीनिंग बता देती हूं कार्निवल का मीनिंग होता है मैरी मेकिंग कार्निवल का मीनिंग क्या होता है मैरी मेकिंग मैरी मेकिंग का मतलब क्या है मैरी का मतलब क्या है खुशियां मनाना खुशियां मनाना का मतलब क्या हो गया एक तरह से हम इसको कैसे लिख सकते हैं फेस्टिवल कार्नीवल इज़ मेरी मेकिंग या फिर फेस्टिवल अब आप लोग पूछोगे मैम ये कार्नी से कैसे रिलेटेड है तो देखो तो जब इंग्लिश बन रही थी ना तो जहाँ पे बन रही थी वहाँ पे क्या होता था कोई भी इंसान अगर बहुत खुश होता था वो महोत्सव बना रहा होता था वो फेस्टिवल बना रहा होता था तो वो फ्लैश खाता था फ्लैश खा रहे हैं मतलब खुश हैं नहीं खा रहे हैं मतलब दुखी हैं फ्लैश खा रहे हैं है, मतलब खुश हैं नहीं खा रहे हैं दुखी हैं जब ये चीज़ दूसरी कंट्रीज़ में जाती गई जाती गई तो जब भी खुश हो रहे हैं उसको क्या बोलने लग गए उसको कार्निवल बोलने लग गए जब भी पार्टी करने लग गए उसको क्या बोलने लग गए उसको कार्निवल बोलने लग गए भले ही फ्लैश खा रहे थे या नहीं खा रहे थे ऐसे ऐसे धीरे 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 ये वर्ड

कार्निवल सिनेमा भी है अच्छा जी कहाँ पर है अमोल चलिए अगले वर्ड पे आते हैं अगला वर्ड है हमारा मैसेकेर और उसका भी अगला वर्ड है जीनोसाइट अगर मैं बोलूं मैसेकेयर और जीनोसाइड अभी पढ़ के आए हैं थोड़ी देर पहले कार्नेज हिटलर ने कार्नेज कमिट किया था हिटलर ने मैसेकेयर किया था हिटलर ने जीनोसाइड किया था मतलब क्या था बहुत सारे बहुत सारे लोगों को एक बार में ही मार देना किल एन एंटायर स्पीशीज पूरी पूरी प्रजाति का ही नाश कर देना किल अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना Kill an entire species, species या फिर kill a large number of people क्या हो गया मैसे हो गया या फिर हमारा जीनोसाइड हो गया जलिया वाला बाग मैसे हिंदी में क्या बोलते हैं जलिया वाला बाग हत्याकांड हत्याकांड मैसे हत्याकांड पूरी की पूरी प्रजाति को ही उड़ा देना जीनोसाइड एक और वर्ड अभी हमने क्या पढ़ा था इसका मीनिंग क्या था जल्दी से याद कीजिए क्या था कारनेज तीनों के तीनों वर्ड्स आपस में सिनोनिम्स हैं तीनों के तीनों वर्ड्स एकदम सिमिलर हैं चलिए अब ये वर्ड्स हम कल की क्लास में करेंगे ये वर्ड्स हमारे रूट वर्ड्स से रिलेटेड हैं कॉर्ट जिसको हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं नाउ इट इज द टाइम फॉर अ क्विज अब हमारा एक क्विज का टाइम आ जाता है सो दिस इज द क्विज इट्स टाइम फॉर वोकेबुलरी क्विज नाउ हम वर्ड्स रूट वर्ड्स की हेल्प से भी सीखते हैं हम वर्ड्स क्विज की हेल्प से भी सीखते हैं ओवरऑल मिला के ये दोनों की दोनों चीज़ें हमारी वोकेबलरी को स्ट्रांग करती हैं सो दिस इज अ क्विज एंड दिस इज क्वेश्चन दिस इज अ डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री डायरेक्शन पढ़िए फिर मैं हर क्वेश्चन के लिए टाइमर दूंगी आप लोगों को क्या बताना है सिनो नेम बताना है यू हैव टू टेल आ सिनो नेम ट्राई दिस क्वेश्चन एंड हियर इज अ थर्डी सेकेंड टाइम ऑफ यू ओके टाइम इज़ अप कितने स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है एबरेशन एबरेशन का मीनिंग क्या होता है कुछ ऐसा चल रहे थे ऐसे चले गए कोई इस काम सीधा सीधा चल रहा था ऐसे चलना चाहिए था चला कैसे ऐसे चल गया एबरेशन एबरेशन का मीनिंग क्या होता है कोई चीज़ डाइवर्ट हो गई कोई चीज़ सही से नहीं चली थोड़ा सा चेंज आ गया इसका मतलब डिस्क्रेशन का मीनिंग भी वही होता है इसेंट्रिसिटी का मीनिंग भी वही होता है आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर योर आंसर्स ये दोनों आंसर्स क्यों नहीं है डाइवर्शन का मीनिंग क्या होता है ये डाइवर्ट होना नहीं होता डाइवर्शन का मीनिंग डाइवर्शन का मीनिंग होता है अम्यूजमेंट एंटरटेनमेंट ट्रांसग्रेशन का मीनिंग क्या होता है प्रोफाइलिंग कुछ मॉरल वैल्यूज ना होना मॉरल वैल्यूज़ को उसे चेंज हो जाना कोई लिंक ही नहीं है आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर डी चलिए अगले क्वेश्चन अच्छा किसी का भी सही नहीं निकला ये आंसर चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं ये आई वॉन्ट टू सी कितने बच्चों का सही निकलता है एंड दिस इज योर टाइम ओके सो योर टाइम इज अप नाउ लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ एंट्रेंचिंग अच्छा बच्चे कुछ बोल रहे हैं क्या आप वन एंड टू बोले अच्छा वन एंड थ्री ऑप्शन नहीं है कुछ गड़बड़ हो गई क्या वन एंड थ्री अच्छा सॉरी 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 तो यहाँ पे हमारा आंसर ही नहीं, नहीं है तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है कुछ क्या आंसर होगा वन एंड थ्री विल बी दी आंसर चलिए यहाँ पे देखिए एंट्रेंचिंग एंट्रेंचिंग का मीनिंग क्या होता है किसी चीज को सेटल डाउन करना किसी चीज को स्टैब्लिश करना किसी चीज को सेटल डाउन करना किसी चीज को स्टैब्लिश करना इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग भी एकदम यही होता है फर्स्ट और सेकेंड हमारे आंसर्स हो गए सी डिसलॉजिंग डिस इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है किसी को पोजीशन से हटा देना पोजीशन से निकाल देना तो कोई लिंक ही नहीं है आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड हमारा आंसर है कितने बच्चों का सही निकला अंशुल, सुश्री सोनू आप सभी का आंसर एकदम 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 सही है चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ एंड हियर इज योर टाइम ओके सै टाइम इज अपड प्रून विटेड तीनों वर्ड्स का मीनिंग एक ही होता है किसी चीज़ को काट देना पेयर्ड का मीनिंग भी वही होता है किसी चीज़ को काट देना इस चीज़ का मीनिंग इस वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज़ को एम्पलीफाई करना बढ़ा देना तो सिमिलर कौन से हो गए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इसका मतलब क्या है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर सो श्री मौसमी आपका आंसर एकदम सही है आशीष रा आपका आंसर भी एकदम सही है चलिए दिस इज द नेक्स्ट डायरेक्शन फॉर फोर टू सिक्स अब यहाँ पे क्या बताना है ऑपोजिट बताना है वहाँ पे सिनोनिम्स बताने थे यहाँ पर आप लोगों को एंटोनिम्स बताने हैं सो दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द टाइमर कितने स्टूडेंट्स ने सही बताया दें थ्रेश होल्ड थ्रेश होल्ड का मीनिंग क्या होता है ऐसी चीज़ जो आप किसी पॉइंट पे पहुंच गए हो वहाँ से आपके लिए अच्छा अच्छा चीना स्टार्ट होगा थ्रेश होल्ड लेवल पे हम पहुंच गए हैं मतलब हम एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं अब अगर मैं ऑपोजिट की बात करूँ तो वर्ज का मीनिंग क्या होता है उसका एज उसके किनारा ब्रिंक का मीनिंग भी क्या होता है उसका किनारा पोर्टल तो कम कस्टमर पोर्टल्स होते हैं एम्प्लॉय पोर्टल्स होते हैं पोर्टल तो एकदम ही अलग वर्ड है हाँ नादिर जो हमारा वर्ड होता है उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है नादिल का मीनिंग होता है लोएस्ट पॉइंट और थ्रेश का मीनिंग क्या है एक तरह का हाइएस्ट पॉइंट तो इसका आंसर क्या हो गया द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ओनली फोर्थ सही आंसर हमारा क्या है ऑप्शन नंबर बी ओनली फोर्थ बहुत सारे बच्चों का एकदम सही निकला है Let's move to the next question now and here is your timer. सो योर टाइम इज अप पैग्ड का मीनिंग क्या होता है पैग्ड का मीनिंग क्या होता है किसी चीज़ को नोट करना किसी चीज़ को डिस्कवर करना किसी चीज़ को ढूंढ के निकालना किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना तो ये सारे तो सिनोनिम्स हैं हमें तो एंटेनिम बताना है एंटेनिम क्या हो गया ओवरलुक किसी चीज़ को अनदेखा कर देना किसी चीज़ को इग्नोर कर देना सो राइट आंसर क्या हो गया राइट right आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया ओनली सेकेंड पैग्ड का ऑपोजिट क्या हो गया ओवर सो so स्टूडेंट्स हम लोगों ने पांच क्वेश्चंस करे हैं आज के सेशन में क्विज में जल्दी से मुझे अपना स्कोर बता दीजिए आप लोगों का स्कोर क्या रहा है स्कोर मतलब टू प्लस होना चाहिए जल्दी से मुझे आप सभी लोग अपना स्कोर सो हियर वी आर अगला वन सिक्सटी टूथ वर्ड पे हम हैं वन सिक्सटी वन वर्ड्स हम ऑलरेडी रूट वर्ड्स की हेल्प से समझ चुके हैं वो हमारे माइंड में बैठ चुके हैं और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम आराम से उनको कर पाएंगे वन सिक्सटी टूएथ वर्ड पे हम आगे बढ़ जाते हैं और ये जो वर्ड है हमारा दिस वर्ड इज़ कॉर्पोरल अब यहाँ के लिए जो रूट वर्ड हम पढ़ने वाले हैं द रूट वर्ड इज़ कॉर्प क्या है हमारा वर्ड द रूट वर्ड इज कार्प और इस कॉर्क का मीनिंग होता है बॉडी अगर आप लोगों को याद हो हमने एक और रूट वर्ड पढ़ा था जिसका मीनिंग बॉडी या फ्लैश था कौन सा वर्ड था वो हमने एक और जो वर्ड पढ़ा था जिसका मीनिंग बॉडी या फ्लैश था वो कार्नी था कार् कॉर्क दोनों ही दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है बॉडी और फ्लैश सिमिलरली पैन और ओमनी दोनों ही दोनों रूट वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है ऑल तो एक ही मीनिंग वाले एक से ज्यादा रूट वर्ड्स भी हो सकते हैं चलिए सारे के सारे वर्ड्स देखते हैं पहला वर्ड जो है हमारा फर्स्ट वर्ड इज कॉर्पोरल कॉर्पोरल का मीनिंग क्या होता है आपने कभी सुना होगा आर्मी में एक रैंक होती है कॉर्पोरल इट इज अ रैंक इन आर्मी कॉर्पोरल जो है एक रैंक होती है आर्मी में पहला मीनिंग तो इसका यही है दूसरा मीनिंग जो है कॉर्पोरल का वो क्या है बॉडिली बॉडी से रिलेटेड मटेरियलिस्टिक स्टिक या मटेरियल से रिलेटेड ऐसी चीज़ जो टैंजिबल है टैंजिबल का मतलब क्या है जिसको आप टच कर सकते हो वो वर्ड क्या है द वर्ड इज़ कॉर्पोरल कॉर्पोरल का मीनिंग क्या है जो मटेरियल है मटेरियल नाउन है जिसको आप टच कर सकते हो जिसको आप फील कर सकते हो जिसकी अपनी खुद की एक बॉडी है उसको हम क्या बोलेंगे कॉर्पोरल क्या सोल को या आत्मा को मैं कॉर्पोरल बोल सकती हूँ नहीं मैन इज मैन को मैं कॉर्पोरल बोल सकती हूँ बट सोल को मैं कॉर्पोरल नहीं बोल सकती हूँ सेम वर्ड कॉर्पोरियल इसका भी मीनिंग एकदम सेम होता है इसका भी मीनिंग होता है बॉडीली जो बॉडी का हो जिसके पास अपनी खुद की बॉडी हो अच्छा कोई मुझे इसका एक सिनोनिम बता सकता है हमने पिछली क्लास में एक वर्ड किया था जिसका मीनिंग सेम था बिल्कुल जिसका मीनिंग बॉडीली था कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी दैट वर्ड वो कौन सा वर्ड था यस yes. कौन मुझे बता सकता है वो वर्ड क्या था वो वर्ड था हमारा कार्नल कार्नल का मीनिंग भी बिल्कुल वही था कार्नल का मीनिंग भी बिल्कुल वही था कॉर्पोरल का मीनिंग भी बिल्कुल वही है कॉर्पोरियल का मीनिंग भी बिल्कुल वही है टैंजिबल का मीनिंग भी बिल्कुल वही है ऐसी चीज़ जिसके पास अपनी खुद की बॉडी हो खुद की बॉडी होना मतलब क्या है कॉर्पोरियल? तो क्या ये दोनों वर्ड्स याद हो गए सभी को कॉर्पोरल और कॉर्पोरियल चलिए स्टूडेंट्स ओनली ट्वेंटी सेवन स्टूडेंट्स आर वॉचिंग राइट ना प्लीज शेयर दिस वीडियो और जो जो शेयर करता जाए कॉमेंट करता जाए आई विल थैंक हिम फॉर शेयरिंग दीडियो तो जल्दी से शेयर कर दो और कॉमेंट कर दो कि येस मैम हमने शेयर कर दिया है और जितने स्टूडेंट्स ने लाइक नहीं किया है अभी तक वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगले वर्ड पे आते हैं एंड आर नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉर्पस्कल हमारे बॉडी में आर होते हैं डब्ल्यू होते हैं वॉट आर दे वो क्या होते हैं दे आर रेड ब्लड सेल्स दे आर वाइट ब्लड सेल्स आर का मतलब क्या होता है सॉरी कॉर्पस्कल का मीनिंग क्या होता है इट इज़ अ बॉडी सेल ये एक तरह की बॉडी की सेल है बॉडी सेल को हम क्या बोलते हैं बॉडी सेल को हम कार्प्यूस्किल बोलते हैं आर बी सी डब्ल्यू बी सी आर अ काइंड ऑफ कार्प्यूस्किल्स हाँ मुझे दिव्या ने अविनाश ने एकदम सही बोला है लास्ट क्लास में हमने वर्ड करा था कार्नल वही उसका एकदम मीनिंग है कार्नल कॉर्पोरियल, कॉर्पोरल सभी वर्ड्स का मीनिंग एकदम सेम है चलिए अगले वर्ड पे आते हैं एंड आर नेक्स्ट वर्ड इज कॉर्प्यूलेंट मैन कार्प्युलेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है फैट मोटा बहुत बड़ी बॉडी होना फैट इंसान को हम क्या बोलते हैं फैट इंसान को हम बोलते हैं कार्प्यूलेंट अब सबसे ज्यादा कार्प्युलेंट वर्ड कहाँ यूज होता है एक सेंटेंस में यूज होता है अगर मैं एक सेंटेंस लिखू ही हैज अ अप्युलेंट बैंक बैलेंस मैंने एक सेंटेंस लिखा ही हैज अ अंट बैंक बैलेंस मतलब क्या हो गया वर्ड इज द मीनिंग ऑफ इट थैंक यू प्रवेंद्र फॉर शेयरिंग द वीडियो गुड इवनिंग किशन सिंह ओके सो कॉर्प्युलट का मीनिंग क्या हो गया ही हैज अ अलेंट बैंक बैलेंस उसके पास मोटा तगड़ा बैंक बैलेंस है मतलब उसके पास बहुत पैसा है कॉर्प्युलेंट का मीनिंग क्या हो गया फैट बहुत मोटा हिंदी में भी हम बोलते हैं उसके पास मोटा पैसा है इंग्लिश में कैसे बोलते हैं ही हैज अ कॉर्पुलेंट बैंक बैलेंस चलो अगले वर्ड पे आते हैं कॉर्प्स अ वेरी कॉमन वर्ड कॉर्प्स क्या होता है कॉर्प कॉर्प रूट वर्ड है रूट वर्ड का मीनिंग है बॉडी तो कॉर्प्स का मीनिंग क्या हो गया कॉर्प्स का मीनिंग होता है अ फैट बॉडी सॉरी फैट बॉडी क्यों लिख दिया मैंने कॉर्प्स का मीनिंग होता है अ डेड बॉडी मृत शरीर शव को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं कॉर्प्स बोलते हैं कॉर्प्स का मीनिंग क्या है अ फैट बॉडी एक मृत शरीर देख लो जितने भी वर्ड्स हैं कॉर्प के कुछ ना कुछ हर वर्ड का रिलेशन किस चीज से है हर वर्ड का रिलेशन बॉडी से है चलिए लेट द नेक्स्ट वर्ड नाउ अगला वर्ड है कॉर्पस अभी हमने एक वर्ड क्या पढ़ा अभी हमने वर्ड पढ़ा कॉर्प्स स्पेलिंग देखना बहुत ध्यान से सी ओ आर पी एस सी इस कॉर्प्स का मीनिंग क्या था अ डेड बॉडी एक मरा हुआ शरीर लेकिन इस कॉर्पस का मीनिंग क्या होता है सी ओ आर पी यू एस इस कॉर्पस का मीनिंग होता है अ बॉडी ऑफ राइटिंग्स अ बॉडी ऑफ राइटिंग्स का क्या मतलब है सारी की सारी लिखी हुई चीज़ों को मिला के एक बॉडी बना देना फॉर एग्जाम्पल आपके फादर सपोज बहुत सारी पोएम्स लिखते थे आपने क्या किया उनकी सारी पोएम्स को उठाया और एक बुक बना दी तो वो क्या हो गया वो क्या हो गया इट इज़ अ कॉर्पस या फिर इसको मैं और अच्छे से लिखूं तो ऐसे लिख सकती हूँ अ कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स राइटिंग्स का कलेक्शन राइटिंग्स के कलेक्शन को राइटिंग्स की बॉडी को हम क्या बोलते हैं हम क्या बोलते हैं कॉर्पस बोलते हैं थ्री हंड्रेड करोड़ कॉर्पस राइट चलिए ब्लैक मनी ओके कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स किसी चीज़ के कलेक्शन को क्या बोला जाता है कॉर्पस बोला जाता है चलिए अगले वर्ड पे आते हैं अगला वर्ड है कॉर्पस डिलाईसिटाई अब ये जो तीन वर्ड्स लिखे हुए हैं ना स्टूडेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इन वर्ड्स को हम बोलते हैं वी कॉल दीज वर्ड्स एज फॉरन वर्ड्स इन वर्ड्स को हम फॉरेन वर्ड्स बोलते हैं और फॉरेन वर्ड्स इनको क्यों बोलते हैं क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स नहीं है लेकिन ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होते हैं कॉर्पस डिलाइसिटाई का मीनिंग कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि नैनी वन आफ यू टेल मी द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉर्पस डिलाइसिटाई कॉर्पस डिलाइसिटाई का मीनिंग होता है वो सारे कह सकते हैं एविडेंस या वो सारे सबूत जो शो कर रहे हैं कि कोई क्राइम हुआ है फॉर एग्जाम्पल एक मर्डर हुआ किन किन चीजों ने शो किया कि वो मर्डर हुआ है एक चाकू मिला रिस्पेक्ट खून लगा हुआ है एक डेड बॉडी मिली तो ये दोनों मिलके क्या हो गए ये दोनों मिलके कॉर्पस डिलाई हो गए कॉर्पस डिलाई का मीनिंग क्या हो गया द मीनिंग इज बॉडी ऑफ एविडेंस विच शोज ज बीन कमिटेड ये एविडेंस की वो बॉडी है जो शो करती है कि हमारा जो क्राइम हमारा तो किसी का किसी का क्राइम तो होना ही नहीं चाहिए ये वो बॉडी है जो शो करती है कि क्राइम जो है हुआ है उसको हम कॉर्पस डाये बोलते हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरी वन डेड बॉर्डर की सोलो क्या बोलते हैं सीओ आर पी एस ई होता है कॉर्पस और ये क्या है सी ओ आर पी यू एस है चलो अगले क्वेश्चन पे अगले वर्ड पे आते हैं अगला वर्ड है हमारा हेबियास कॉर्पस ये वर्ड तो ऐसा है जो हर स्टूडेंट को पता ही पता होना चाहिए हेबियास कॉर्पस क्या मीनिंग है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी की बॉडी को आप बिना किसी लॉ के अनलॉफुली कैद करके नहीं रख सकते इसी के ऊपर दिल्ली में बहुत सारे केसेस भी हुए थे जहाँ पे बहुत सारे लोगों को इम्प्रिजनमेंट हुआ था क्या होता था वो अपने घर पे डोमेस्टिक सर्वेंट्स रखते थे घर पे नौकर रखते थे और जब वो वर्क के लिए जाते थे काम के लिए जाते थे कहीं घूमने फिरने जाते थे तो वो उनको लॉक कर जाते थे घर पर तो मतलब एक तरीके से क्या हुआ आपने उनकी बॉडी को कैद करके रख लिया है आपने किस रिट को वायलेट किया है आपने कौन सा चीज को वायलेट किया है हेबियस कॉर्पस को आपने वायलेट किया है हेबियस कॉर्पस का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले तो इनको हम बोलते क्या है इनको हम बोलते हैं रिट रिट का मतलब क्या है एक तरह का लॉ तो हेबिया कॉर्पस क्या हो गया ये एक रिट है जो क्या कहता है कि अ बॉडी किसी की बॉडी को आप अ बॉडी कैन नॉट बी अनलॉफुली डिटेंड आप किसी की बॉडी को बिना किसी रूल लॉ के कैद करके नहीं रख सकते दैट इज हेबिया कॉर्पस और ये सारे के सारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अच्छा कितने लोगों के ऊपर से जा रहे हैं ये वर्ड्स या कितने कितने को को ऐसा लग रहा है कि हां, कितने को ऐसा लग लग रहा रहा है है, 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 है है, कि कि मैम 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 हो 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 रही 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 धीरे-धीरे रोज़ एक-एक घंटा बच्चों हम रोज नए नए वर्ड्स पढ़ रहे हैं रूट वर्ड्स की हेल्प से पढ़ रहे हैं तो याद करने में भी आसान है चलो अगली बार पे आते, अगले वर्ड अगला वर्ड है एसपर डी कॉप्स कॉप्स का मतलब क्या होता है का मतलब होता है एकता में शक्ति एस्परिट डी कॉप्स को हम कह सकते हैं वी कैन कॉल एस्परिट डी कॉप्स एज यूनिटी इज स्ट्रेंथ क्या बोल सकते हैं एकता में शक्ति यूनिटी इज स्ट्रेंथ मतलब जब बहुत सारी बॉडीज एक साथ मिलके काम करें किसी ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए फॉर एग्जाम्पल यहां अन अकेडमी स्टूडियोज वॉल्ट में हम सारे के सारे टीचर्स मिलके काम कर रहे हैं कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए व्हाट इज इट इट इज एस्पिरेट डी कॉप्स एस्परेट डी कॉप्स को क्या मैं लिख सकती हूं टीम वर्क एस्परट डी कॉप्स क्या है एक तरह का टीम वर्क है एक तरह का यूनिटी इज स्ट्रेंथ है एकता में शक्ति की हम बात कर रहे हैं दैट इज एस्पिरिट डी कॉम्स हाँ वर्क टूगेदर अच्छा बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं हाँ मैम हेल्पफुल हो रही हैं वेरी हेल्पफुल थैंक यू सुजाता सिंह फॉर शेयरिंग वीडियो चलिए अगले वर्ड पे आते हैं अगला वर्ड है हमारा कॉरपोरेशन ये तो सभी ने सुना है भाई वाटर कॉरपोरेशन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पावर कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन का मीनिंग क्या होता है कॉरपोरेशन का मीनिंग क्या होता है कॉरपोरेशन को हम बोल सकते हैं एक तरह का फर्म है या एक तरह की बिजनेस यूनिट है या एक तरह की सोशल यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम कॉरपोरेशन बोलते हैं हाँ जी एकदम इसका पीडीएफ आपको डेफिनेटली मिलेगा इसके तुरंत बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल और ग्रुप पे अन अकेडमी स्टूडियोज वर्ल्ड के टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ डी मैं शेयर कर दूंगी पूरा का पूरा पी आप सभी को मिलेगा इसका सो so, कॉरपोरेशन क्या है यूनिटी इज ब्रेन यूनिटी इज स्ट्रेंथ ताकत है यूनिटी हम सब अगर मिलकर काम करते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है जितना कि हम अकेले अकेले काम करते हैं तो बात भी एकदम सही है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड पे आते हैं अगला वर्ड है इनकॉर्पोरेट किसी चीज़ को किसी चीज़ में इनकॉर्पोरेट करना ये चीज आज से मुझ में इनकॉर्पोरेट हो चुकी है कि मैं रोज सुबह जल्दी उठूंगी इनकॉर्पोरेट का मीनिंग क्या हो गया इनकॉर्पोरेट का मीनिंग क्या हो गया टू मेक अ पार्ट या टू मेक समथिंग द पार्ट ऑफ अ बॉडी किसी भी चीज को किसी का पार्ट बना देना फॉर एग्ज़ाम्पल आज से आर्टिकल ये कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट होता है या इस डेट को ये वाला आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन एक पूरी की पूरी बॉडी है उसका एक और पार्ट हमने क्या बना दिया आर्टिकल फॉर so एग्जाम्पल आर्टिकल 377 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट कर दिया थैंक यू लखन हाँ फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम्स के लिए भी आई विल ब्रिंग क्लासेज डोंट वरी पहले हम सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स कर लें उसके बाद हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स की भी क्लासेस लेके आएंगे चलिए अगले क्वेश्चन पर आते आए हैं अगला वर्ड है कॉर्प्स अब हमने मतलब तीन कॉर्प्स पढ़ लिया अगर आपने देखा हो तो तीनों कॉर्प्स एक जैसे नहीं लग रहे सी ओ आर पी एस सी सी ओ आर पी यू एस और तीसरा कॉर्प्स क्या है सी ओ आर पी एस इस सी ओ आर पी एस का क्या मतलब है ये नॉर्मली हम फोर्सेस के लिए यूज करते हैं आर्मी फोर्सेस को हम कॉप्स बोलते हैं कॉप्स का मीनिंग क्या होता है फोर्सेस फोर्सेस का मीनिंग क्या होता है आर्मी हो सकती है बहुत सारे सोल्जर्स एक साथ दैट इज कॉप्स हाँ सारे के ऐसा करूँगी आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी अभी से क्लासेस लेना स्टार्ट किया है पिछली वाली क्लासेस आप लोगों ने नहीं ली हैं शायद तो व्हाट आई विल डू इज सेवन पार्ट्स हैं सातों के सातों पार्ट्स का मैं पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी आई विल शेयर दी ऑल द पार्ट्स पीडीएफ मैम पीडीएफ मोबाइल में डाउनलोड नहीं होता हाँ वो शायद इसलिए नहीं होता क्योंकि वो पीपीटी पी फॉर्म में होता है आपके मोबाइल में डब्लू होना चाहिए एप्लीकेशन होनी चाहिए उस पीपीटी को देखने की तो कोई भी अपने फ़ोन में पीपीटी को देखने की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो आपको आराम से दिख जाएगा कोई भी दिक्कत नहीं होगी फिर भी नहीं होता है तो बोल देना कि मैम पी फॉर्मेट में मत दो पी डी में दो तो मैं पी फॉर्मेट में भी शेयर कर दूँगी बट वो हो जाना चाहिए सभी स्टूडेंट्स का चलिए अगले वर्ड पे आते हैं अगला वर्ड है नॉमिनेट लोग अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट होते हैं नॉमिनेट नॉमिनेट का मीनिंग क्या हो गया नॉमिनेट नॉमिनेट का मीनिंग हो गया टू नेम समवन फॉर समथिंग किसी चीज़ को किसी चीज़ के लिए नाम किसी का नाम देना टू नेम समवन फॉर समथिंग देखो यहाँ पे अब जो हमारा अगला रूटवर्ड आया है वो एन ओ एम और एन वाई एम आया है नेक्स्ट वर्ड जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ एन ओ एम एंड एन वाई एम एन ओ एम और एन वाई एम नेम का मीनिंग क्या होता है इन दोनों ही वर्ड्स का मीनिंग होता है नेम एन ओ एम एन वाई एम दोनों के दोनों वर्ड्स का मीनिंग है नेम तो नॉमिनेट का मीनिंग क्या है उसने उसको नॉमिनेट किया उसने उसको नॉमिनेट किया नॉमिनेट का मतलब क्या है किसी को नाम देना किसी को नाम करना किसी चीज़ के लिए अच्छा अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से रिवॉर्ड्स के लिए लोग नॉमिनेट होते हैं या अवार्ड्स के लिए लोग नॉमिनेट होते हैं चलो इस क्वेश्चन का आंसर देखने कौन बताता है जो भी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन का आंसर बताएगा उसको मेरी तरफ से एक चॉकलेट एंड द क्वेश्चन इज कि रिवॉर्ड और अवार्ड के बीच में क्या फ़र्क होता है वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवॉर्ड एंड अवार्ड आपका बैंक का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ आपका एकदम एस क्लर्क क्लियर हो गया आपका आई बी क्लियर हो गया आप एकदम ऑफिसर बन गए अन अकेडमी ने आपको इस चीज़ को हासिल करने के लिए क्या दिया रिवॉर्ड दिया या अवार्ड दिया कितने बच्चे बताएंगे अन अकेडमी ने इस चीज के लिए आपको रिवॉर्ड दिया या अवार्ड दिया कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए हो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ अन अकेडमी ने क्या दिया है रिवॉर्ड दिया है या अवार्ड दिया है तो रिवॉर्ड और अवार्ड में फर्क क्या है चलो एक और एग्जांपल देती हूँ एक और सिनेरियो देती हूँ अगला सिनेरियो क्या है कि आप लोगों को आप कहीं जॉब कर रहे हो आपने कोई काम किया जो एम्प्लॉयर को बहुत पसंद आया उसकी कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद हुआ और खुश होकर उसने आपको कुछ दिया वो रिवॉर्ड हुआ या वो अवार्ड हुआ कंफ्यूज हो गए सारे के सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो चुके हैं कंप्लीटली बट अब हम अगर समझाएंगे रिवॉर्ड अवार्ड अब एकदम क्लियर हो जाएगा अवार्ड किसी इंसान को तब दिया जाता है जब वो अपनी फील्ड में कुछ अचीव करता है और सामने वाला इंसान उसे उसकी फील्ड में अचीव करने के लिए खुश होकर कुछ देता है फॉर एग्जाम्पल जितने भी बड़े बड़े होते हैं जितने भी बड़े अवार्ड्स होते हैं फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं पद्म भूषण अवार्ड है क्योंकि वो इंसान अपनी फील्ड में कुछ करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ खुश होकर देती है दैट इज वाई ऑल ऑफ देम आर अवार्ड्स अब रिवॉर्ड क्या होता है रिवार्ड होता है कि आपने सामने वाले के लिए कुछ किया आपने अपने लिए कुछ नहीं किया सामने वाले के लिए कुछ किया तब उसने खुश होकर के आपको कुछ दिया पहला केस है अवार्ड का जब आपने अपने लिए कुछ किया सामने वाले ने खुश होकर आपको कुछ दिया दूसरा केस है रिवॉर्ड का जब आपने सामने वाले के लिए ही किया सामने वाले का ही डेटा मैनेज किया और उसने आपको खुश होकर दिया वो क्या होता है रिवॉर्ड तो अब अगर आप अपना अपनी रैंक लेके आते हो आपका सिलेक्शन हो जाता है आप बैंक मैनेजर बन जाते हो तो अन में खुश होकर आपको अवार्ड देगी या रिवॉर्ड देगी आपने आपने अपने लिए किया है अपनी फील्ड के लिए किया है खुद जॉब सिक्योर की है तो अब इस केस में अन अकेडमी आपको क्या देगी अन अकेडमी आपको अवार्ड देगी इज दिस थिंग क्लियर कि अवार्ड और रिवॉर्ड में क्या डिफरेंस है शिवानी ने बोला गिवन फॉर आर सर्विस फॉर गुड थिंग्स इज रिवॉर्ड यस हम किसी और के लिए जब काम करते हैं तो वो हमें रिवॉर्ड देता है जब हम अपने लिए काम करते हैं तो सामने वाला हमें अवार्ड देता है इज़ दिस डिफरेंस क्लियर क्या ये डिफरेंस सारे के सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है ना हो मैम अब आंसर बहुत सारे बच्चों का चेंज हो गया अब मैम अन अकेडमी हमें अवार्ड देगी डेफिनेटली देगी इनफैक्ट आई विल ऑल्सो गिव यू सर्टन काइंड ऑफ अवार्ड्स अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है अगर सीरियसली अगर आप लोगों का एकदम सिलेक्शन हो जाता है दिस थिंग आई एम प्रोिसिंग यू गाइज मैं आपको यहाँ पे अपने स्टूडियो पर बुला के आई विल टेक योर इंटरव्यू मैं आप लोगों का इंटरव्यू लूँगी बट बट द्वाइंट इज बोट पॉइंट यही है कि आप लोगों का सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा वी विल डेफिनेटली कॉल यूर एंड वी विल टेक एन इंटरव्यू एंड वी विल शेयर इट एवरी एंड वी विल गिव यू अर सेंस ऑफ अचीवमेंट अचीव तो आपने ही किया है बट वी विल ट्राई टू शेयर इट एंड इनफैक्ट आई विल बी वेरी हैप्पी विद दैट

एकदम प्री क्लियर कर लो मेंस क्लियर कर लो इंटरव्यू क्लियर कर लो फाइनल जॉइनिंग लेटर आपके हाथ में आए एंड देन 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 उसके बाद वी विल मीट डेफिनेटली वी विल मीट आई विल बी इंटरव्यूइंग यू एंड यू विल बी योर स्टार्ट विद मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं लेटेस्ट मूव आइट अच्छा से कितने स्टूडेंट्स ने फिर ये वाली आइसक्रीम ट्राई करी किसी ने ये वाली आइसक्रीम ट्राई करी फिर इसके बाद आई होप ऐसा बोल के मैं इस वर्ड का मीनिंग आप लोगों को रटवा दूंगी गौरमे का मीनिंग क्या है गौरमे का मीनिंग क्या हो गया वन हु हैज़ अ वेरी फाइन टेस्ट ऐसा इंसान के बहुत फाइन टेस्ट है जो कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाएगा इट शुड बी वेरी नाइस तभी वो उस चीज़ को खाएगा गौरमे आकाश के सेंटेंस से ही मुझे ये वर्ड याद आया क्रिस्टल क्लियर शिवम सैनिक चलिए आगे बढ़ते हैं लेटस मूव अ हेड अगला वर्ड जो है हमारा दैट इज नॉमिन क्लेचर नॉमिन क्लेचर शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पढ़ा था केमिस्ट्री में नॉमिन क्लेचर करके कुछ नॉमिन क्लेचर क्या होता है सिस्टम ऑफ नेमिंग किसी चीज़ को हम नाम कैसे देते हैं उसका सिस्टम क्या होता है किसका नाम क्या रखना है अभी हम इंडिया में तो क्या करते हैं किसी का भी नाम कुछ भी रख देते हैं राम श्याम बलराम घनश्याम, बट ये चीज़ सब्जेक्ट्स में तो नहीं होती है केमिस्ट्री में कंपाउंड्स का नाम सोच समझ के रखा जाता है तो नॉमिनक्लेचर सिस्टम ऑफ नेमिंग किसी चीज़ का नाम देना थैंक यू मनोरंजन बॉ सच अ वंडरफुल कॉमेंट एंड आई वुड लव टू आई वुड लव टू रीड यूर एक्सपीरियंसिस जब आप लोगों का हो जाएगा सिलेक्शन एंड मतलब जिस दिन रिजल्ट आया होगा उस दिन आई विल भी मतलब मैं इतनी उससे वेट कर रही होंगी कि कब मेरे स्टूडेंट्स का कॉमेंट आएगा या मैसेज आएगा मेरे पास या टेलीग्राम पर मैसेज आएगा येस मैम वी हैव क्लियर आर एग्जाम एंड आई वॉन्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल रेगुलरली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं बिल्कुल अपना हंड्रेड परसेंट दे रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका सिलेक्शन रिएक्शन डेफिनेटली डेफिनेटली होगा लेकिन बस एक चीज की जरूरत है वो क्या है कि इस मेहनत को कम मत पड़ने देना अगर ये मेहनत किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे नीचे जा रही है ना कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेना कोई मोटिवेशनल स्पीच देख लेना या खुद से सेल्फ मोटिवेट हो जाना बट वो जो ग्राफ है ना वो ऐसे ही होना चाहिए वो ग्राफ कभी भी नीचे नहीं आना चाहिए भले ही पेस कम हो स्पीड कम हो ऊपर जाने की बढ़ने की लेकिन वो ग्राफ जो है कभी भी नीचे डाउन फॉल किसी उस ग्राफ में बिल्कुल भी, भी नहीं होना चाहिए जब तक सारे एग्जाम्स नहीं हो जाते मुझे बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था जब एस बी आई क्लर्क का प्री का रिजल्ट आया था और बहुत सारे बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ था एंड आई गॉट मैसेजेस लाइक मैम आई एम वेरी डिप्रेस्ड अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं मेरा क्लर्क का प्री नहीं निकला है तो वन थिंग उस समय भी मैंने उन लोगों को रिप्लाई किया था और आज भी जो भी जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल ऐसा फील करते हैं उनके लिए आज भी मेरा वही रिप्लाई है बच्चे एक ही नौकरी नहीं है बहुत सारी नौकरियां हैं आप लोग क्या करते हो यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ इस ग्राफ को नीचे ले जाते हो फिर आपको टाइम लगता है यहाँ पे ऊपर चढ़ने में नहीं हुआ सिलेक्शन कोई बात नहीं है तो बहुत सारी जॉब्स हैं ये ग्राफ तो ऊपर ही जाना चाहिए साल के अंत तक इतनी सारी वैकेंसीज जा आ जाएंगी कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली हो ही जाएगा बस डिप्रेस होने की या परेशान होने की बिल्कुल भी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इनफैक्ट बहुत सारी लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में केवल एक ही जॉब थी एस क्लर्क की उसका प्री नहीं निकला तो खत्म हो गया सब कुछ अब अगले साल ही देना है नहीं बहुत सारे एग्जाम्स हैं अभी आईबीपीएस पीओ आएगा अभी आईबीपीएस क्लर्क आएगा दोनों एग्जाम्स अभी अपकमिंग में है ईपीएफओ का परसों का एग्जाम है बस मेहनत को अपने बोलते हैं ना उस जज्बे को कम मत होने दो, बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होने की जरूरत है अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा किसी एग्जाम में हाँ एंड के ईयर में मैं आप लोगों से पूछूंगी किस किस में हुआ सिलेक्शन तब मुझे खुशी होगी अगर एक में भी हुआ होगा तो बट अभी के लिए ना ही डिप्रेस होने की जरूरत है ना ही बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत है अभी अभी केवल और केवल फोकस इस चार्ट पे होना चाहिए कि क्या ये चार्ट मेरा ऊपर जा रहा है या थोड़ा सा नीचे आ रहा है अगर नीचे आ रहा है तो वही एकदम मोटिवेट हो जाओ और वहीं उस चार्ट को ऊपर ले आओ एक्चुअली मैम हम स्टूडेंट्स को एज भी मैटर कर जाती है इसलिए डिप्रेशन में चले जाते हैं हम स्टूडेंट्स वही एज मैटर करती है आई अग्री मैं उस बात से अग्री करती हूँ बट पॉइंट वह नहीं है एज मैटर करती है आई आई अग्री बट कब तक करेगी या एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके ही तो करेगी एंड आई थिंक बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे यहाँ पे जो अभी बिल्कुल वर्ज पे नहीं होंगे वो कहीं बीच में होंगे हाँ कल से है ईपीएफओ थर्टी फर्स्ट को आई थिंक परसों है ईपीएफओ अच्छा कल भी है किसी का ईपीएफओ का एग्जाम अगर कल भी ई का एग्जाम है देन आई 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 विल बी टेकिंग अ क्लास आज मैं एक स्पेशल क्लास लेने वाली हूँ अन अकेडमी पे अन अकेडमी पे एक स्पेशल क्लास लेने वाली हूँ पूरा, पूरा का पूरा इंग्लिश का सेक्शन कैसे करना है किसकी क्या स्ट्राटेज सब कुछ उसमें डिस्कस करूंगी थोड़ा सा मोटिवेशनल सेशन भी होगा इफ़ यू फाइंड टाइम देन यू कैन कम एंड अटेंड दैट क्लास एंड दैट क्लास विल बी हेल्ड एट 9 पी एम टूडे आज रात को नौ बजे एक डिस्कशन हम करेंगे कि इंग्लिश को कैसे सुधारा जाए इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया जाए सो so स्टूडेंट्स नाइन पी एम अन अकेडमी दिस क्लास फॉर एवरी वन हर किसी के लिए क्लास है जरूरी नहीं है कि आपने प्लस सब्सक्रिप्शन ले रखा हो यू शुड कम एंड यू शुड डेफिनेटली अटेंड दिस क्लास चलिए चलिए आगे बढ़े हैं अब हम नाइन पी को क्लास है नौ बजे आज रात को नौ बजे क्लास है जिसमें हम पूरा पूरा इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे मैं कुछ पढ़ाऊंगी नहीं उस क्लास में पहले ही बता दे रही हूं आई वोट टीच एनी पॉइंट आई वोट टीच एनी टॉपिक आई वुड बी कवरिंग द ओवरऑल स्ट्रैटेजी एंड वुड बी टेलिंग यू हाउ टू इम्प्रूव योर मार्क्स एंड योर इंग्लिश यस माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू मेरी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हमेशा और हमेशा है चलिए तो नेक्स्ट वर्ड पे हम आ जाते हैं अगला वर्ड है हमारा कॉग्नोमिन कॉग्नोमिन का मीनिंग आपको शायद सबको पता हो बहुत अच्छे से पता है अच्छा मैं एक वर्ड लिख रही हूँ अगर कोई हिंट दे रही हूँ मैंने लिखा पप्पू एंड इफ आई से ये मेरे एक दूर के पड़ोसी का कॉग्नोमिन है पप्पू लालू छोटू कॉग्नोमैन का मीनिंग क्या हो गया वट इज द मीनिंग ऑफ दर्ड कांग्नोमैन काग्नोमैन का मीनिंग क्या हो गया सबका घर पर कुछ ना कुछ काग्नोमैन होता है जिससे उनके पेरेंट्स उनके रिश्तेदार उनके रिलेटिव उन्हें बुलाते हैं आई ऑल्सो हैग्नोमैन यू मस्ट ऑल्सो बी हैग्नोमैन काग्नोमैन का मीनिंग क्या हो गया वॉट डू यू मीन बाई कॉग्नोमैन कॉग्नोमैन का मीनिंग इजने कहा से आ रहे हैं वर्ड्स एनओ एम एन वाई एम दोनों ही दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है दोनों ही दोनों वर्ड्स का मीनिंग नेम है दोनों हमारे रूट वर्ड्स हैं कॉग्नोमेन का मीनिंग क्या हो गया निक ने हाँ अमृता चिहाते ने एकदम सही बोला है निक नेम रंजीत सभी ने सही बोला है निक ने अगले वर्ड पे आते हैं मिस नॉमर देखो मिस एक रूट वर्ड होता है जिसके दो मतलब होते हैं एक मिस का मतलब होता है टू हेट किसी चीज से नफरत करना एक मिस का मतलब होता है गलत या फिर रॉन्ग मिस नॉमर का मीनिंग क्या हो गया मिस का मीनिंग है रॉन्ग नॉम का मीनिंग है नेम तो मिस नॉमर का मीनिंग क्या हो गया मिस नॉमर मीन्स रॉन्ग नेम गलत नाम को हम क्या बोलते हैं गलत नाम को हम मिस नॉमर बोलते हैं दैट मीन्स रॉन्ग नेम गलत नाम। अगला वर्ड है हमारा एनोनिमस जल्दी से मुझे बताइए किसी वर्ड के आगे अगर ए लगता है इन लगता है अन लगता है डिस लगता है क्या मीनिंग होता है किसी भी वर्ड के आगे ए लगे इन लगे अन लगे डिस लगे व्हाट इज द मीनिंग द मीनिंग इज नो हमारा जो मीनिंग है वो नो है नॉनिमस निम का मीनिंग नेम है ए का मीनिंग नो है तो कहना ऐसे इसे अनोनिमस का मीनिंग क्या हो गया अनॉनिमस का मीनिंग हो गया नो नेम कोई भी नाम नहीं होना किसी भी चीज का अगर कोई भी नाम नहीं है दैट मीनस इट इज अनोनिमस इट इज एनोनिमस एनोनमस का मीनिंग क्या हो गया नो no, नेम अच्छा एक और वर्ड पहले ये वाला देख लेती हूँ सिमिलर लग रहा है स्यूडो स्यूडो का मीनिंग क्या होता है अगर कोई साइंस का स्टूडेंट हो यहाँ पे तो स्यूडो गैसेस होती थी हीलियम आर्गन नियॉन क्रिप्टन ये सारी की सारी स्यूडो गैसेस थी स्यूडो का मीनिंग क्या होता है स्यूडो वर्ड का मीनिंग होता है फॉल्स ये एक्चुअल में गैसेज नहीं थी ये गैसेस जैसी लगती थी स्यूडो वर्ड का मीनिंग क्या होता है फॉल्स और नेम का मीनिंग है नाम तो सियडोनिम का मीनिंग क्या हो गया इज फॉल्स नेम झूठा नाम अब मेरा एक क्वेश्चन आप सभी से कि सियडोनिम और मिसनोमर के बीच में क्या डिफरेंस है वॉट इज द डिफरेंस हा इनर्ट गैस भी कहते थे उन्हें एकदम सही बात वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन स्यूडोनिम एंड मिसनॉमर स्यूडोनिम और मिसनॉमर के बीच का डिफरेंस क्या है कोई बता सकता है अगर मैं राजीव भाटिया को अक्षय कुमार बोलूँ इफ आई कॉल राजीव भाटिया एज अक्षय कुमार देन आई कैन से अक्षय कुमार जो है वो एक स्यूडोनिम है और अगर मैं शाहरुख खान को गलती से सलमान खान बोल दूँ तो मैं कह सकती हूँ कि सलमान खान जो है वो मिस नॉमर है क्या डिफरेंस समझ में आया इज द डिफरेंस क्लियर एक्चुअल नाम क्या है राजीव भाटिया है बट नाम पॉपुलर क्या है अक्षय कुमार सच है अक्षय कुमार सच है लेकिन एक्चुअल क्या था राजीव मतलब अक्षय कुमार इसका काइंड ऑफ स्यूडोनि लेकिन अगर गलती से गलत बोल दिया तो वो क्या होता है देन दैट बिकम्स मिस नॉमर हाँ, कोड भी होता है राइट आई थिंक यहाँ पे कंप्यूटर साइंस से बीटेक वाले स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे समझ में आए इतने वर्ड्स लेट्स अच्छा एक वर्ड हमारा यहाँ पे रह गया है और जो वर्ड हमारा रह गया दैट इज इग्नोनिमस इग्नोनिमस नाम से कोई ऐसा खास रिलेशन नहीं है इग्नोनिमस वर्ड का मीनिंग होता है किसी का नाम खराब कर देना नॉम और निम का मीनिंग क्या था नेम एक का मीनिंग क्या है एकदम ही नाम खराब कर दिया घर वाले कभी कभी बोलते भी है ना तू हमारे घर का नाम खराब कर रहा है तू हमारे घर का नाम खराब कर रहा है घर का नाम खराब कर देना मतलब क्या ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देना घर वालों के लिए एम्बेरसिंग कैसी सिचुएशन क्रिएट कर देना घर वालों के लिए शेमफुल बहुत ही खराब सिचुएशन अगर हम किसी अपने के लिए क्रिएट कर देते हैं तो हम वो वो वर्ड क्या है इग्नोनिमिनस अगर किसी इंसान को मैं बोल रही हूँ कि वो इग्नोनिमिनस है ही इज इग्नोनीमनस इसका मीनिंग क्या हो गया कि उसने ऐसे कोई काम किए हैं जिसकी वजह से उसका नाम एकदम खराब हो चुका है एम्बेलसिंग टास्क उसने अपनी लाइफ में किए हैं इग्नोर नेम नहीं है अच्छा रंजीत कुमार कह रहे हैं इग्नोर नेम नहीं डार्क नेम मतलब नाम ही एकदम खराब कर दिया किसी चीज़ का कि किसी इंसान का इतने वर्ड्स क्लियर हैं वन एटी अच्छा मतलब तो हमने इतनी क्लासेस में हमने चार पांच क्लासेस में वन एटी वर्ड्स कर लिए मतलब हमारी वोकेबलरी वन एटी वर्ड्स नहीं इंप्रूव हुई है हमारी वोकेबलरी अराउंड फाइव हंड्रेड वर्ड्स से इंप्रूव हो गई है यू नो वॉट इज द रीजन द रीजन इज रूट वर्ड अब स्यूडो मुझे कहीं भी मिलेगा ना मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली क्लिक कर जाएगा कि स्यूडो का मीनिंग क्या होता है स्यूडो का मीनिंग फॉल्स होता है मुझे कहीं भी एनओ आई एन एन एम एन वाई एम मिलेगा ना मुझे ऑटोमेटिकली क्लियर क्लिक कर जाएगा मेरे नाम से कि एन एम और एन वाई एम का मीनिंग क्या होता है नेम होता है शेमफुल गाय ऑफ अ फैमिली एकदम सही आकाश सिंह लाइक अभिषेक बच्चन ऐसा नहीं है आकाश चलिए अगले वर्ड पे आते हैं एंड 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 आर नेक्स्ट वर्ड इज इग्नोमिनेट इग्नोमिनेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी इनोमिनेट इनफैक्ट इनोमिनेट का मीनिंग क्या होता है कहने से अगर मैं बोलूँगी इसका मीनिंग बिल्कुल सेम होता है जिस वजह से वर्ड का मीनिंग एनोनिमस होता है तो क्या मीनिंग हो गया एनोनिमस ए नाम से पहले मतलब नो नेम इनोमिनेट का मीनिंग भी क्या हो गया कोई नाम ही नहीं है उस चीज़ का पता ही नहीं है किसने लिखी है किसने बोली है किसने गाई है फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी र्यूमर्स आती हैं वो रूमर्स क्या होते हैं पता ही नहीं चलता किसने फैला दी किसने बोल दिया ऐसा किसने कर दिया ऐसा वॉट इज इट इनोमिनेट अच्छा अगला वर्ड बड़ा अच्छा है अगला वर्ड बहुत अच्छा है और जो स्टूडेंट्स हैं ना सबसे ज़्यादा ये वर्ड अपने स्कू स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में यूज़ करते हैं और स्पेशली टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी क्रिप्टोनिम का मीनिंग क्या होता है इतनी मैंने हिंट दी आप लोगों को कि बच्चे ना बच्चे स्कूल बच्चे स्कूल के बच्चे कॉलेज के बच्चे बहुत यूज़ करते हैं क्रिप्टोनिम्स वो हर टीचर का एक क्रिप्टोनिम बना के रखते हैं और उसी क्रिप्टोनिम की हेल्प से वो बातें करते हैं क्रिप्टोनिम का मीनिंग क्या हो गया एंड इफ आई से क्रिप्ट जो वर्ड है उसका मीनि ये भी हमारा एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सीक्रेट क्रिप्ट वर्ड का मीनिंग होता है सीक्रेट क्रिप्टोनिम का मीनिंग क्या हो गया क्या हो गया बताइए क्रिप्टो नेम इज वॉट इट इज सीक्रेट नेम आप किसी का सीक्रेट नाम रख दो रखते होंगे फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है वेन आई वॉज इन कॉलेज मैं कॉलेज में थी तो हमारे एक सर थे ही वॉज वेरी हेल्दी वो बहुत हेल्दी थे और बहुत ना ऐसे 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 करके चलते थे तो हम उनका उनका नाम हमने रखा हुआ था निकनेम भटूरा एंड जब भी वो आते थे ना वी यूज टू टॉक ऑफ छोले भटूरेज एंड छोला भटूराज एंड ऑल सो वट वॉज इट क्या था वो इट वॉज़ अ क्रिप्टोनेम आपने भी किसी ना किसी टीचर के नाम ऐसे रखे होंगे कोड नेम एंड बस मैं प्रे कर करूँ मेरा कोई नाम ऐसा ना रखा हो स्कूल टाइम में ज्यादा होता था कॉलेज टाइम में ज्यादा होती थी ये सारी चीज़ें सो क्रिप्टोनेम का मीनिंग क्या हो गया सीक्रेट नेम बहुत बार जो हमारे फॉर एग्जाम्पल मिशन होते हैं फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे मिशन ऐसे होते हैं जो फॉर एग्जाम्पल टेरोरिस्ट की एक्टिविटीज को बंद करना है ख़त्म करना है उनको मिटा देना है अब उन मिशन के नाम कैसे रखे जाते हैं उन मिशन के नाम कैसे रखे जाते हैं क्रिप्टोनिम्स रखे जाते हैं रॉ एजेंट्स के नाम उनके एक्चुअल नाम नहीं होते हैं उनको उनकी आइडेंटिटी को दुनिया से बचाया जाता है क्या रखा जाता है क्रिप्टोनिम्स रखे जाते हैं क्रिप्टोनिम का मीनिंग क्या हो गया क्रिप्टोनिम का मीनिंग क्या होता है सीक्रेट नेम ओके लखन पवार दीपाली सभी लोग हंस रहे हैं नहीं सर का नाम मैं नहीं बताऊंगी यहाँ पे वैसे आप लोग जानते भी नहीं होंगे वो सिर्फ उस कॉलेज में ही पढ़ाते हैं अभी भी पढ़ाते हैं इनफैक्ट िस वायरस हमने नाम रखा अच्छा वायरस राइट थ्री इडियट्स में वायरस रखा हुआ था नाम थ्री इडियट्स मूवी में उन्होंने अपने सर का नाम क्या रखा हुआ था क्रिप्टो क्या रखा हुआ था वायरस कि हम वायरस वायरस बोलते रहते थे क्रिप्टो करेंसी भी होती एकदम सही चीज़ सीक्रेट करेंसी चलिए अगले वर्ड पे आते हैं अगला वर्ड है हमारा होमो निम होमो वर्ड का मीनिंग क्या होता है दो वर्ड्स होते हैं पहला वर्ड होमो और दूसरा रूटवर्ड हेटरो एक रूटवर्ड होता है होमो और एक रूटवर्ड होता है हेटरो होमो का मीनिंग क्या होता है होमो का मीनिंग होता है सेम और हेटरो का मीनिंग क्या होता है हेटरो का मीनिंग होता है डिफरेंट होमो मीन्स एक जैसा हेटरो द अलग अलग तो होमोनिम का मीनिंग क्या हो गया अच्छा वी कॉल्ड टेडी बियर सब अपने पुराने पुराने दिन याद कर रहे हैं कि हम किसको क्या बुलाते थे चलो होमो का मीनिंग मुझे भी एक बहुत फनी इंसिडेंट याद आ गया है जिसकी वजह से मेरी स्माइल कंट्रोल नहीं हो रही है बट आई वुड बी एबल टू शेयर इट सो लेट्स 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 कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर यहाँ पे हम सभी लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं होमो का मीनिंग क्या हो गया है होमो का मीनिंग हो गया है सेम नेम सेम नेम का मतलब क्या है ऐसे वर्ड्स जिनका नाम सेम है जिनका प्रोनउंसिएशन भी सेम है बट उनका मीनिंग एकदम अलग अलग है होमोनिम्स का मीनिंग क्या है फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दो वर्ड्स लिखे और वो दोनों वर्ड्स आपस में होमोनिम्स हैं आई हैव रिटन टू वर्ड्स एंड टू वर्ड्स आर होमोनिम्स ऑफ ईच अदर एक मैंने लिखा लाई और एक और लिखा लाई एक लाई का मीनिंग होता है झूठ बोलना और दूसरे लाई का मीनिंग होता है लेटना दोनों आपस में क्या है एकदम सेम नाम है बट मीनिंग अलग अलग है दोनों आपस में क्या है बोथ ऑफ देम आर होमोनिम्स दोनों के दोनों होमोनिम्स हैं कोई बात नहीं जो लेट आए हैं बाद में देख सकते हैं इस क्लास को फिर से अगला वर्ड हमारा आता है आर नेक्स्ट वर्ड इज एक्रोनिम मतलब स्टूडेंट्स आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया केवल 47 स्टूडेंट्स वाचिंग है अब ना पता है मुझे ऐसा लगता है कि 100 स्टूडेंट्स तो कम से कम क्लास में होने चाहिए तभी क्लास पढ़ाने में अभी पढ़ने में अभी नॉलेज की जो ट्रांसफर होता है सबसे अच्छा होता है तो so, जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी भी वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज शेयर तेजल पटेल प्रैक्टिस और प्रैक्टिस जो है वो होमोनिम्स नहीं है क्योंकि स्पेलिंग अलग अलग है स्पेलिंग भी सेम होनी चाहिए प्रोनांसिएशन भी सेम होना चाहिए बस मीनिंग अलग होना चाहिए ऐसे वर्ड का अभी मैं आप लोगों को अगली क्लास में बताऊंगी दो तरह के वर्ड्स और होते हैं एक होते हैं होमोफोन्स और एक होते हैं होमोग्राफ्स उनमें क्या होता है स्पेलिंग डिफरेंट हो सकती है बट होमोनिम्स में स्पेलिंग जो है एकदम सेम ही होनी चाहिए चलिए अगले वर्ड पे आते हैं और हमारा अगला वर्ड है और नेक्स्ट वर्ड इज एक्रोनिम एक्रोनिम एक्रो ए से क्या लग रहा है एवरीविएशन ए फॉर एवरीविएशन ए फॉर एप्पल नहीं बोल रही हूं वो बच्चों को सिखाते हैं दिस इज ए फॉर एवरीविएशन तो अगर मैं किसी चीज की शॉर्ट फॉर्म लिख दू फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मैंने क्या लिखा किसी शॉर्ट फॉर्म फॉर ई पी एफ ओ जिसका एग्जाम आपका परसों है तो ये क्या है दे आर एक्रोनिम्स एक्रोनिम का मीनिंग क्या होता है एवरीविएटेड वेर इनिशियल लेटर्स ऑफ वर्ड्स आर यूज टू फॉर्म एन एवरीविएटेड फॉर्म होमोनिम्स हाँ, का मीनिंग एकदम सही सेम साउंड होता है तो एक्रोनिम का एक्चुअल मीनिंग क्या हो गया एक्रोनिम का मीनिंग क्या हो गया इट इज अ नेम जहाँ पर हम क्या करते हैं इनिशियल लेटर्स को यूज करते हैं इनिशियल लेटर्स को यूज करते हैं वर्ड्स के और इन इनिशियल लेटर्स से हम क्या बनाते हैं वी फॉर्म एवरीविएटेड फॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ दीज इनिशियल लेटर्स इन इनिशियल लेटर्स की हेल्प से हम लोग एवरीविएटेड फॉर्म्स बनाते हैं अब ये तो सिनोनिम तो आप सभी को पता है बचपन से एग्जाम में पूछ रहे हैं कि इस वर्ड का सिनोनिम बता दो इस वर्ड का एंटेनिम बता दो सिनोनिम और एंटेनिम क्या मीनिंग्स हैं सिनोनिम अब देखो यहाँ पे भी रूट वर्ड है दो वर्ड्स होते हैं एस वाई एन और एस वाई एम बहुत सारे वर्ड्स करेंगे एस वाई एन और एस वाई एम के भी सिनर्जी करेंगे सिम्बायोटिक करेंगे इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग होता है टुगेदर, एक साथ या फिर सिमिलर सेम तो सिनोनिम का मीनिंग क्या हो गया सिनोनिम का मीनिंग क्या हो गया सेम मीनिंग बिल्कुल सेम मीनिंग हो बिल्कुल एक जैसा मीनिंग हो दैट इज वॉट दैट इज सिनोनिम्स आई होप सभी को समझ में आ रहा है सेम वर्ड एकदम सही राजू कुमार आकांक्षा तिवारी मैम नेम का भी सिनोनिम हो सकता है हाँ अगर उस नेम का कोई मीनिंग है तो उसका सिनोनिम हो सकता है फॉर एग्जाम्पल आकाश का सिनोनिम क्या होगा अंबर आकाश अंबर सेम है जल का सिनोनिम क्या होगा नीर बहुत ज्यादा हिंदी हो गई आई थिंक चलिए अगले वर्ड पे आते हैं चलिए अब ना हम एक इट्स टाइम फॉर टू टेक बाकी के वर्ड्स हम कल की छः बजे वाली क्लास में करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हर क्लास में क्विज़ भी होगा वर्ड्स भी पढ़ेंगे जिससे कि दोनों की दोनों चीज़ें बैलेंस हो सके हो सके तो क्या सारे के सारे स्टूडेंट्स क्विज के लिए रेडी हैं आर यू गाइस रेडी फॉर द क्विज़ चलिए यस लेट अस मूव टू द क्विज़ नाउ ये वर्ड्स हम कल की क्लास में कवर करेंगे इट्स टाइम फॉर वोकैबुलरी क्विज नाउ एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन टेल मी द आंसर सभी लोग मुझे आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का अभी तक मुझे किसी भी स्टूडेंट का आंसर नहीं मिला है चलिए लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को देखते हैं तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे भी दिया है एरोनियस एरोनियस का मीनिंग क्या है एरोनियस नाम से समझ में आ रहा है एरर एरर का मतलब क्या है ऐसी चीज़ जो सही नहीं है क्या है इनकरेक्ट है आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट अगर मैं ऑप्शंस को देखूँ ठीक है तेजल पटेल आई विल सेंड दी फिक्सड प्रिपोजेशन पीडीएफ मुझे बस एक बार रिमाइंडर दे देना दे टेलीग्राम ग्रुप मैसेज पे मैं फिक्स प्रिपोजेशन का पीडीएफ आपको आज शाम तक इंग्लिश में मंसल पे सेंड कर दूंगी चलो डिस्ग्रेसिव डिस्ग्रेसिव का मीनिंग क्या है डिस्ग्रेसिव बेंड हो जाना भटक जाना कंफ्यूज पता ही होगा आप सभी को इनपेनेट्रेबल जिसको पेनेट्रेट नहीं कर सकते जिसके अंदर नहीं जा सकते तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट लखन का आंसर सही है विक्रम सिंह शिवानी सभी का आंसर सही है हाँ मैडीगोश ईपीएफओ का एग्जाम भी है मुझे पता है परसों आज रात को 9 बजे में अन अकेडमी पे क्लास लेने वाली हूँ और उसमें आपको मैं सारे के सारे टिप्स स्ट्रेटजीज बताने वाली हूँ तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं शुड अटेंड द क्लास एट नाइन टी उसको मैंने पूरा उसी चीज के लिए डेडिकेट किया है चलिए दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन बताइए क्या आंसर होगा ओके सो मैनी स्टूडेंट्स हैव गिवन मी दी आंसर बहुत सारे बच्चों ने दिया है हाँ मेरे प्रीवियस वीडियोज देखने के लिए इस इस, इस चैनल पर प्ले लिस्ट में चले जाओ प्ले लिस्ट में मेरे सारे की सारी वीडियोज की प्ले लिस्ट बनी हुई है एक्सपोज का मीनिंग क्या होता है ही एक्सपोज द स्कैम स्कैम को एक्सपोज कर दिया एक्सपोज का मीनिंग क्या होता है सामने लेके आना सामने लेके आना मतलब रिवील कर देना किसी चीज को ही रिवील्ड द स्कैम स्कैम को रिवील कर दिया अब अगर मैं आपको दो वर्ड्स पूछूं, एक वर्ड है कोवर्ट और एक वर्ड है ओवर्ट इन दोनों वर्ड्स में से कौन से कौन वर्ड का मीनिंग होता है एक्सपोज कौन बताएगा वो कैबनरी रिवाइज करवाना भी मेरा टास्क है तभी तो वर्ड्स याद होंगे ऐसे ऐसे पूछते रहूंगी तो दो वर्ड्स हैं एक वर्ड है कोवर्ट दूसरा वर्ड है ओवर्ड दोनों में से एक्सपोज मीनिंग किसका होता है कोवर्ट क्या मीनिंग था छुपा हुआ हिडन चीज छुपी हुई है तो उसके ऑपोजिट का मीनिंग क्या हो जाएगा एक्सपोज जो चीज सामने आई हुई है क्या मैं बोल सकती हूं एक्सपोज का एक सिनोनिम और क्या हो जाएगा यहां से हमने क्या देखा रिवील्ड वो चीज सामने ला चुके हैं वो चीज ओवर्ट है वो चीज एक्सपोज है कीर्ति का आंसर एकदम सही है प्रवेंद्र का आंसर भी एकदम सही है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर थ्री ओके okay, कितने बच्चों ने मुझे आंसर बता दिया फ्लैग्रेंट का मतलब क्या होता है बहुत ही बुरा बहुत ही खराब बहुत ही बेकार चलो सीक्रेट से कोई लिंक नहीं है वर्थलेस से कोई लिंक नहीं है नोबल से कोई लिंक नहीं है तो कौन सा वर्ड बचा ग्लेयरिंग ग्लेयरिंग का मीनिंग भी क्या होता है ग्लेयरिंग वर्ड के दो मीनिंग्स होते हैं पहला मीनिंग क्या होता है चमकता हुआ शाइन करता हुआ सन क्या है ग्लेयरिंग है दूसरा मीनिंग क्या होता है बहुत ही खराब बहुत ही बुरा तो दूसरा मीनिंग इसका क्या है सिनोनिम है तो ग्लेयरिंग इज द राइट आंसर विक्रम सिंह शिवानी रंजीत प्रिंसी आकांक्षा नहीं आकांक्षा का तो गलत है आंसर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर टी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ जी क्या आंसर होगा ग्लेरिंग वर्स प्रेग्नेंट मनोरंजन एकदम सही फिलंथ्रॉपी फाइल फाइल एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग है लव एंथ्रोपो एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग है मैनकाइंड तो ऐसा इंसान जो लोगों को मदद करता है लोगों से प्यार करता है उसे फिलिन्थ्रॉपिस्ट बोलते हैं और वो लोगों से प्यार करता है लोगों के बारे में सोचता है तो लोगों को क्या देता है लोगों को चैरिटी देता है रतन टाटा बहुत बड़े फिल्म हैं इन फैक्ट रिलायंस सिस्टम भी बहुत फिल्म थ्रोपी से दे ऑल्सो गेव आर लॉर्ड ऑफ चैरिटी तो फिल्म थ्रोपी का मीनिंग क्या हो गया चैरिटी फैक्सीनेशन का मीनिंग क्या होता है किसी से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाना किसी के ख्यालों में डूब जाना दैट इज फैक्सीनेशन मदर टेरिसा एकदम सही रंजीत कुमार चैरिटी इज द राइट आंसर चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर फाइव नाउ एंड दिस इज द क्वेश्चन च वर्ड मीन्स दी सेम एज मेलिशियस अभी जो मेलीशियस वर्ड है कहाँ से आया मेला मैला वर्ड का मीनिंग क्या है बहुत ही बुरा बैड सारे वर्ड्स देखो स्पाइटफुल का मीनिंग भी क्या होता है बहुत ही बैड बहुत ही ज्यादा ईवल ऐसा इंसान जिसके इंटेंशंस बहुत ईवल हो जिसके अंदर की सोच बहुत बुरी हो वो किसी गलत मकसद से ही वो काम को कर रहा हो उस इंसान को क्या बोलते हैं स्पाइटफुल बोलते हैं या उस इंसान को क्या बोलते हैं मेलिशियस बोलते हैं आपने सुना भी होगा मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स जो मतलब जो वायरसेस होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम पे अटैक करते हैं उनको क्या बोला जाता है उनको बोलते हैं मेलिशियस सॉफ्टवेयर क्यों क्योंकि उनका इंटेंशन खराब होता है वो ईवल होते हैं वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम से डेटा निकालने के लिए होते हैं आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए चलो बहुत सारे बच्चों का सही निकला है शिवानी विक्रम सिंह आप सभी का आंसर सही है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके विच वर्ड मीन्स द ऑपोजिट ऑफ यूनिटी यूनिटी मतलब एकता एकता किसी लड़की के बारे में बात नहीं कर रही हूँ एकता का मीनिंग क्या है एकता का मीनिंग है बोलते ना एकता इतनी एकता में शक्ति दैट वाली एकता मतलब यूनिटी हार्मनी हारमनी वहाँ से हो जाती है चलो देखते हैं ऑपोजिट बताना है अब डिस्कॉर्ड का मतलब क्या है टेंशन होना आपस में कोई आपस में बनना नहीं यूनिटी नहीं होना बिल्कुल भी एकता नहीं होना वो कुछ कह रहा है मैं कुछ और कह रही हूँ व्हाट इज इट डिस्कॉर्ड ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर बाकी सारे वर्ड्स देखो स्टिमुलेशन स्टिमुलेट कर देना बिल्कुल ऐसा इन्वायरमेंट बना देना जैसे रियल लाइफ का इन्वायरमेंट हो कोई लिंक ही नहीं है कंसेंट राज़ी दे देना घर वालों ने आपको कंसेंट दे दिया है कि आप अपने दोस्त के यहाँ रुककर कर दस दिन तक पढ़ाई कर सकते हो कंसेंट का मतलब क्या होता है राज़ी दे देना निग्लेक्ट कर देना कोई लिंक ही नहीं है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर सुजाता आशुतोष आकांक्षा आप सभी के आंसर्स एकदम एकदम ठीक हैं लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर सेवेंथ अब ये वर्ड तो हमें देखा देखा लग रहा है ये वर्ड ये वर्ड देखा देखा लग रहा है इसके बहुत सारे स्टोन पिछली क्लास में पढ़े थे सूद रिलैक्स पैसिफाई कंफर्ट किसी चीज़ को रिलैक्स कर देना काम डाउन कर देना ट्रांक्यूलाइज कर देना कंफर्ट दे देना क्या हो गया इसका ऑपोजिट ऑपोजिट क्या हो गया इंक्रीज तो कोई ऑपोजिट नहीं बना कंफर्ट तो मीनिंग ही बन गया ऑपोजिट की बात करनी है डिलाइट खुश कर देना वो भी एक तरीके का सिनोनिम बन गया तो ऑपोजिट क्या बन गया एग्रोवेट किसी की सिचुएशन खराब सिचुएशन को और बढ़ा देना सूद कर दिया रिलैक्स कर दिया एग्रोवेट कर दिया मतलब और ज्यादा बढ़ा दिया उसकी टेंशन को राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी आकांक्षा गौतमी मनोरंजन दीपाली आप सभी के आंसर एकदम सही है दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन Which वर्ड मीन्स द ऑपोजिट ऑफ डिजोनेंस डिजोनेंस discord अभी पड़ा था एजोनेंस होता है राजी राज़ी सब कुछ कर देना डिजोनेंस होता है विचार अलग अलग होना दूर दूर होना डिस्क का मीनिंग ही वैसे भी क्या होता है नो no. इसका मीनिंग क्या होता है नो हारमिनी नो एजोनेंस कोई हारमिनी ही नहीं है कोई आपस में कह सकते हैं यूनिटी ही नहीं है शांति ही नहीं है तो ऑपोजिट क्या हो गया हारमोनी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर Akansha Tiwari, your answer is correct. Ranjit Kumar, your answer is also correct. This is question number 9 on your screen. स्केप्टिक इज मोस्ट डिसिमिलर टू स्केप्टिक का मीनिंग क्या होता है स्केप्टिक का मीनिंग होता है डिसबिलीवर ऐसा इंसान जिसे किसी चीज पर भरोसा नहीं होता ऐसा इंसान जो चीज़ों से को के ऊपर विश्वास ही नहीं करता तो अपोजिट क्या हो जाएगा बिलीवर ऐसा इंसान जो हर चीज़ के ऊपर विश्वास कर लेता है आराम से लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे देन आई विल आस्क्यू योर स्कोर्स फैलसी इज मोस्ट डिसिमिलर टू फैलेसी वर्ड भी हम कर चुके हैं अपने रूट वर्ड की क्लास में तो आई थिंक इसका आंसर सभी बच्चे मुझे एकदम सही बताएंगे फैलेसी का मीनिंग क्या है झूठ फैलेसी का मीनिंग क्या है हिपोक्रेसी फैलेसी का मीनिंग क्या है होना कुछ और दिखाना कुछ और तो ऑपोजिट क्या हो गया ऑपोजिट इज वॉट ट्रुथ ऑपोजिट बताना है ऑपोजिट इज वॉट ट्रुथ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जल्दी से मुझे स्टूडेंट अपना स्कोर बताइए आपने दस क्वेश्चन किए आप लोगों का कितना कितना क्या क्या स्कोर रहा एंड आई वॉन्ट विथ कमिंग लेक्चर्स जैसे जैसे हमारी वोकेब्लरी की क्लास होती जा रही है आपका ये स्कोर इंप्रूव होता हुआ जाना चाहिए और अगर किसी भी एग्जाम में कोई भी वोकेबलरी का क्वेश्चन आता है कभी भी गलत नहीं होना चाहिए कभी भी गलत नहीं होना चाहिए वोकेबलरी का क्वेश्चन अगर किसी भी एग्जाम में वो आता है तो जल्दी से मुझे स्कोर्स बता दीजिए रंजीत कुमार नाइन ग्रेट लखन सिक्स वेरी गुड प्रिंसी एट ग्रेट बहुत अच्छा स्कोर है अच्छा कोई ऐसा भी है लेट अस स्टार्ट विद वर्ड्स हमने पिछली क्लास में कल की क्लास में 185 वर्ड्स कर लिए थे नाउ दिस इज वर्ड नंबर 186 ये वर्ड सभी को पता होगा एंटोनिम सभी को पता है एंटोनिम का मीनिंग क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं इस वर्ड सिनोनिम क्या है इस वर्ड का एंटोनिम क्या है वॉट डू तो यू मीन बाय एंटोनिम एंटोनिम का मीनिंग क्या हो गया एंटी एंटी का मीनिंग क्या होता है वो मेरे एंटी हो रखा है वो मेरे अगेंस्ट हो रखा है वो मेरे ऑपोजिट हो रखा है अगेंस्ट कह सकती हूँ ऑपोजिट कह सकती हूँ और ये जो रूट वर्ड है हमारा निम निम रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है एन वाई एम निम निम मनोरंजन अन अक, अकेडमी प्लस में मेरी क्लास नहीं थी अन अकेडमी पर ही थी कल वाली क्लास में आप सभी को अवेलेबल है वो क्लास अन अकेडमी प्लस में थी बट इट इट वॉज अवेलेबल फॉर एवरी वन निम एन वाई एम निम का मीनिंग क्या होता है इट इज़ एन ए एम ई निम नेम तो एंटोनिम का मीनिंग क्या हो गया कैन आई से ऑपोजिट नेम किसी का उल्टा नाम या किसी वर्ड का एंटेनिम क्या होता है ऑपोजिट गुड का एंटेनिम बैड बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन नेम है हाँ मनोरंजन ने ने बोला एंटी नेशनल भी होता है एंटी का मीनिंग क्या होता है सम जो एकदम सही ना करे चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट वर्ड इज क्रिप्टोग्राफी अगर मैं आपको बोलूं दो रूट रूटवर्ड्स हैं यहाँ पे हमारे एक रूट वर्ड है क्रिप्ट वी हैव वन रूट वर्ड एंड दैट रूट वर्ड इज क्रिप्ट क्रिप्ट का मीनिंग होता है सीक्रेट या फिर कह सकते हैं कोड या फिर कह सकते हैं हिडन ग्राफ भी हमारा एक रूट वर्ड है और ग्राफ रूट वर्ड का मीनिंग होता है टू राइट समथिंग किसी चीज को लिखना अभी हम ग्राफ के भी बहुत सारे वर्ड्स करेंगे जैसे जैसे हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते जाएंगे तो क्रिप्टोग्राफी का मीनिंग क्या हो गया क्रिप्टोग्राफी ग्राफ इज टू राइट क्रिप्ट सीक्रेट कोड्स तो क्रिप्टोग्राफी क्या हो गया राइटिंग ऑफ सीक्रेट कोड्स सीक्रेट कोड्स को लिखना मतलब क्या करना क्रिप्टोग्राफी करना अगला वर्ड है क्रिप्टिक क्रिप्टिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है कैन एनी वन ऑफ यू गेस गेस कर सकते हो आपके सामने वर्ड आया क्रिप्टिक और आपको क्रिप्ट रूट वर्ड पता है क्रिप्ट जो रूट वर्ड होता है उसका मीनिंग होता है सीक्रेट या हिडन या फिर कोड में लिखा हुआ तो क्रिप्टिक वर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा अगर मैं बोलूँ आपके सामने पेपर आया और इतना ज़्यादा वो चीज़ क्रिप्टिक थी कि आपका वो एकदम खराब हो गया आपको एक शीट मिली वो इतनी ज़्यादा क्रिप्टिक थी कि आप उसको सॉल्व ही नहीं कर पाए क्रिप्टिक का मीनिंग क्या हो गया क्रिप्टिक का मीनिंग क्या हो गया यस टेल मी क्रिप्टिक का मीनिंग क्या हो गया कैन आई डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड ऐसी चीज़ जिसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड उसको हम क्या बोल सकते हैं क्रिप्टिक बोल सकते हैं अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए एग्जाम में क्वेश्चन आए कि क्रिप्टिक का सिनोनिम लिखना है क्रिप्टिक का सिनोनिम लिखना है हमने या फिर क्रिप्टिक का सॉरी सिनोनिम ही लिखना है हमने पिछली क्लास में एक वर्ड किया था आप लोगों को याद हो तो कैन आई राइट क्रिप्टिक का सिनोनिम क्या वेग हो सकता है क्या क्रिप्टिक का सिनोनिम एम्बिगुअस हो सकता है याद है दोनों वर्ड्स हमने पिछली क्लास में किए थे क्रिप्टिक का वेग भी हो सकता है क्रिप्टिक का सिनोनिम एम्बिकुअस भी हो सकता है क्यों क्योंकि दोनों दोनों ना भाई मुझ समझ में ही नहीं आ रहा था तो क्लियर भी नहीं है ना तो क्या होगा ये दो सो सिनोनिम्स हो गए एक सिनोनिम क्या होता है एक सिनोनिम और क्या होता है एपस्ट्रूस ये भी सिनोनिम ही है इसका भी मीनिंग क्या है एप्सट्रूस का भी मीनिंग बिल्कुल सेम है क्या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एक बार इसको जरा हम रब कर देते हैं एबस्ट्रूस का मीनिंग भी बिल्कुल ही सेम है एब का मीनिंग भी क्या है बिल्कुल ही सेम है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वेग एम्बिगुअस एब स्क्रिप्टिक ये सारे आपस में क्या है ये सारे के सारे वर्ड्स आपस में सिनोनिम्स हैं अब अगर मैं आपसे पूछूं इसका एंटेनिम क्या होगा पढ़ा चुकी हूं वो वर्ड पढ़ा चुकी हूँ इस वर्ड का एंटेनिम बताइए क्या होगा कितने स्टूडेंट्स देख आई वॉन्ट टू सी कितने स्टूडेंट्स बता सकते हैं इसक्रिप्टिक या एप्सूज या वेग या एम्बिगस का अगर मैं आपसे एंटेनिम पूछूं एंटेनिम का मतलब क्या हो गया ऐसी चीज जो एकदम आराम से समझ में आ रही है हमने पिछली क्लास में पढ़े थे कुछ वर्ड्स फॉर एग्जांपल ल्यूसिड फॉर एग्जांपल पेल्यूसिड ये दोनों वर्ड्स क्या हो गए ये दोनों के दोनों वर्ड्स इस वर्ड के एंटेनिम हो गए एंटेनिम का मतलब क्या है जो बिल्कुल ऑपोजिट हो अगर क्रिप्टिक क्लियर नहीं है तो ल्यूसिड एकदम क्लियर है अगर एब्सट्रूस क्लियर नहीं है तो पेल्यूसिड एकदम क्लियर है देखो एक वर्ड से ही ना ऐसे लिंक करते 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 vocabulary इंक्रीज होती है एक वर्ड पढ़ा उस वर्ड का सिनोनिम पढ़ा उसका एंटेनेम पढ़ा ऐसे धीरे 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 धीर, लिंक करते 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 हमारी मोकेबलिरी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि कोई हमें बीट ही नहीं कर पाएगा हाँ कॉम्प्रिहेंसिबल भी कीर्ति जोशी ने एकदम सही बोला क्लियर क्रिस्टल क्लियर ल्यूसिड पेलोसिड मनोरंजन ने एकदम सही बोले क्या ये सारे के सारे वर्ड्स क्लियर है अब मैं चाहती हूँ कि क्रिप्टोलॉजी जो वर्ड है वो आप लोग मुझे बताओ आप लोगों को दोनों के दोनों रूट वर्ड्स पता है क्रिप्टोलॉजी के आप लोगों को दोनों के दोनों रूट वर्ड्स पता है स्टूडेंट्स प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए वी ओनली हैव थर्टी वन स्टूडेंट्स राइट नाउ वॉचिंग हियर एंड मतलब मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि सारे के सारे स्टूडेंट्स प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और शेयर करके बाद ही आप कॉमेंट्स भी कर दीजिएगा सो दैट आई कैन थैंक यू बट एटलीस्ट हंड्रेड स्टूडेंट्स तो होने चाहिए क्लास में ओके सो क्रिप्टॉलॉजी का मीनिंग क्या हो गया लॉजी लॉजिक का मीनिंग क्या था वर्ड वॉज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लॉजी लॉजिक वर्ड का मीनिंग था स्टडी और क्रिप्ट का मीनिंग है हिडन कोड्स तो कैन आई से क्रिप्टॉलॉजी क्या हो गया स्टडी ऑफ सीक्रेट कोड्स सीक्रेट कोड्स की जो पढ़ाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम क्रिप्टोलॉजी बोलते हैं जब आप किसी उसमें जाते हो फॉर एग्ज़ाम्पल आप के एजेंट बनना चाहते हो तो उनका एक सब्जेक्ट ही होता है क्रिप्टोलॉजी, जहाँ पर उन्हें क्या सिखाया जाता है कि इस कैसे कोड्स को लिखते हैं कैसे कोड्स को ट्रांसमिट करते हैं कैसे कोड्स को समझते हैं आर ऑल दी वर्ड क्लियर टू एवरी वन एकदम लव वर्मा एकदम सही बोला है स्टडी ऑफ कोड लैंग्वेज इज क्रिप्टॉलॉजी चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं अब ये दोनों वर्ड्स तो हमने बहुत देखे हैं आप जब व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भी भेजते हो तो वहां पर क्या लिखा हुआ आता है कि योर मैसेजेस आर नाउ एंड क्रिप्टेड मतलब क्या है फॉर एग्जाम्पल ये एक सर्वर है दिस इज मोबाइल नंबर वन दिस इज मोबाइल नंबर टू व्हाट्सएप पे जब हम मैसेज भेजते हैं तो मैसेज कैसे जाता है इस मोबाइल से इस सर्वर में जाता है इस सर्वर में स्टोर होता है और फिर इस सर्वर से इस मोबाइल टू पे जाता है तो अब यहाँ से अगर ये सर्वर चोरी हो गया तो आपके तो सारे व्हाट्सएप मैसेज चले जाएंगे और आप लोग तो पता नहीं क्या क्या लोगों को व्हाट्सएप मैसेज इस पर भेजते हो अपने पासवर्ड्स अपनी आई सब कुछ भेज देते हो तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है इसके लिए सोल्यूशन क्या है सोल्यूशन ये है कि जब ये मैसेज यहाँ से यहाँ जा रहा होगा तो हम इस मैसेज को क्या कर देंगे एनक्रिप्ट कर देंगे कि अगर बीच में कोई पकड़ भी ले तो उसको समझ में ही ना आए कि हमने क्या लिखा था और जब ये मैसेज इस सर्वर से इस मोबाइल में जा रहा होगा हम यहां पे इस मैसेज को क्या कर देंगे डिक्रिप्ट कर देंगे कि मैसेज मोबाइल नंबर टू वाले को समझ में आ जाए कि वो मैसेज था क्या तो एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट क्या समझ में आए एनक्रिप्ट का मीनिंग क्या हो गया कन्वर्जन ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनक्रिप्ट एनक्रिप्ट का मीनिंग क्या है कन्वर्जन ऑफ ओरिजिनल मैसेज टू ओरिजिनल मैसेज को हमने किस चीज में कन्वर्ट किया कोड्स में ओरिजिनल मैसेज को हमने कोड्स में कन्वर्ट किया डिक्रिप्ट का मीनिंग क्या हो गया कोड्स को हमने ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट किया अगर हम ओरिजिनल मैसेज को कोड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो एनक्रिप्ट है डिक्रिप्ट क्या है कोड को हम ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट कर रहे हैं एनकोड और डी इसको एनकोड भी बोलते हैं एनक्रिप्ट को और डिक्रिप्ट को डी भी बोलते हैं चलो अगला वर्ड ये वाला वर्ड तो सभी लोग बता दोगे चलो बताओ ये वाले वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्रिप्टोजूलॉजी लॉजी का मीनिंग क्या है स्टडी जू का मीनिंग क्या है एनिमल्स क्रिप्ट का मीनिंग क्या है हिडन तो क्रिप्टोजूलॉजी का मीनिंग क्या हो गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रिप्टोजूलॉजी कैन आई से लॉजी का मीनिंग था स्टडी क्रिप्ट का मीनिंग था हिडन या सीक्रेट और जू का मीनिंग था एनिमल्स सो व्हाट इज क्रिप्टोजूलॉजी क्रिप्टोजूलॉजी क्या हो गया क्रिप्टोजूलॉजी इज स्टडी ऑफ हिडन एनिमल्स जब हम ऐसे एनिमल्स की स्टडी करते हैं जो हमें हमें जिनके बारे में पता ही नहीं है फॉर एग्जाम्पल डायनोसॉर फॉर एग्जाम्पल यूनिकॉर्न फॉर एग्जाम्पल ड्रैगन फ्लाई ऐसे एनिमल्स थे नहीं थे भाई हमने तो नहीं देखे जब ऐसे एनिमल्स की कोई पढ़ाई करता है ऐसे एनिमल्स के बारे में कोई पढ़ता है तो उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं वट डू वी कॉल दैट स्टडी वी कॉल दैट स्टडी एज क्रिप्टोजूलॉजी उस स्टडी को हम क्रिप्टोजूलॉजी बोलते हैं मनोरंजन सिंह डीई डी का मीनिंग क्या होता है डी ई डी का मीनिंग होता है बाई अच्छा कल्प्रिट अगला वर्ड जो है हमारा दैट इज कल्पा सी यू एल पी ए कल्पा हिंदी वाला कल्पा नहीं इंग्लिश वाला कल्पा सी यू एल पी ए कल्पा कल्पा का मीनिंग क्या होता है फॉल्ट गलती भूल रॉन्ग डूइंग ऑफेंस ये सारे के सारे मीनिंग्स होते हैं कल्पा के कल्पा का मीनिंग क्या है कोई गलती कोई गड़बड़ कोई मिस्टेक कोई रॉन्ग डूइंग तो कल्परिट किसको बोलते हैं हमने बहुत बार सुना है ही इज द कल्परेट शी इज द कल्परेट राम इज द कल्परिट रावण इज द कल्परिट कल्परिट का मीनिंग क्या हो गया वॉट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कल्परिट कल्परिट का मीनिंग क्या हो गया कैन आई से रॉन्ग डूअर ऐसा इंसान जिसने गलती की है वो क्या है वो कल्परिट है कैन आई से ऑफेंडर ऑफेंडर ऐसा इंसान जिसने गलती की है वो क्या है वो हमारा कल्परेट है एक्यूज कह सकते हैं एकदम सही जिसको एक्यूज किया गया है जिसके ऊपर इंजाम लगाया गया है कल्पेबल कौन होगा अगर मैं बोलूँ राम इज कल्पेबल राम जो है कल्पेबल है तो कल्पेबल का मीनिंग क्या हो गया कल्पेबल मतलब उसके ऊपर इंजाम लगाया जा सकता है यहां पे तो इंजाम लगा दिया और कल पेबल का मीनिंग क्या हो गया उसके ऊपर इंजाम लगाया जा सकता है अभी तक इंजाम लगाया नहीं है बट उसके ऊपर इंजाम लगाया जा सकता है वो क्या है ही इज वॉट आई से ही इज ब्लेमेबल उसके ऊपर एग्जाम लगाया जाता है वो ब्लेमेबल है वो ब्लेम वर्दी है वो डिजर्विंग ब्लेम है ही डिजर्व्स ब्लेम वो डिजर्व करता है ब्लेम को हाँ विक्रम सिंह ने एकदम बोला अपराधी कह सकते हैं हम कल्परेट को और कल्पेबल को हम क्या कह सकते हैं जिसके ऊपर इंजाम लगाया जा सकता है जो इंजाम को डिजर्व करता है कि ये इंजाम तो उसके ऊपर ही लगना चाहिए शिवानी ने एकदम सही बोला पनिशेबल चलिए अगले वर्ड पे आते हैं एंड आर नेक्स्ट वर्ड इज इनकल्पेट और एक्सकल्पेट इनकल्पेट का मतलब क्या है किसी के ऊपर इंजाम लगा देना एक्सकल्पेट का मीनिंग क्या है किसी के ऊपर इंजाम हटा देना In, का मतलब अंदर उसको उसको इंजाम के कटघरे में अंदर ले गए एक्सकल्पेट उसको बाहर निकाल दिया तो इनकल्पेट का मीनिंग क्या हो गया टू ब्लेम कर देना कि वो गलती तो उसी ने की थी और एक्सकल्पेट का मीनिंग क्या हो गया टू फ्री समवन फ्रॉम ब्लेम टू फ्री फ्रॉम ब्लेम कि उसने कोई गलती नहीं की थी वो तो कुछ और हो गया था उसको एक्सकल्पेट किया जाता है कल्पे इनकल्पेट ब्लेम लगा दिया एक्सकल्पेट ब्लेम हटा दिया अब अगर मैं आपको बोलूँ ये तीनों के तीनों वर्ड्स कौन कौन से तीनों वर्ड्स इनक्रिमिनेट इम्पीच इम्प्लिकेट ये तीनों के तीनों वर्ड्स इज इनकल्पेट के ही सिनोनिम्स हैं ये तीनों के तीनों वर्ड्स हमारे इनकल्पेट वर्ड के ही सिनोनिम्स हैं मतलब इनक्रिमिनेट क्रिमिनेट क्रिमिने, क्रिमिनल घोषित कर दिया उसे मतलब उसके ऊपर क्या लगा दिया उसके ऊपर ब्लेम लगा दिया उसको इम्पीच कर गया ये इम्पीच तो इतना ज़्यादा कॉमन वर्ड है स्टूडेंट्स आपको बहुत जगह मिलेगा कितने सारे प्रेसिडेंट्स को इम्पीच कर दिया गया था बहुत सारे रूरल्स को इम्पीच कर दिया जाता है इम्पीच इम्पीच वर्ड का मीनिंग क्या होता है इम्पीच वर्ड का मीनिंग क्या होता है टू पुट ब्लेम ऑन समवन किसी के ऊपर कोई ब्लेम लगा देना किसी के ऊपर कोई चार्ज लगा देना कि ये काम तुमने ही किया है दैट इज़ वॉट वो वर्ड क्या है इम्पीच प्रेसिडेंट्स को इम्पीच सही प्राइम मिनिस्टर्स को इम्पीच किया गया है प्रेसिडेंट्स को इम्पीच किया गया है मतलब उनके ऊपर ब्लेम लगाया गया है कि ये जो हुआ था वो आपकी वजह से हुआ था इम्प्लिकेट का मीनिंग भी इनकलपेट वाला है बिल्कुल सेम है क्या हो गया टू ब्लेम समन किसी के ऊपर ब्लेम लगा देना इसको मैं और क्या कह सकती हूँ टू अक्यूज सम वन किसी को क्या कर देना किसी के ऊपर अक्यूजल लगा अक्यूज करना किसी को कि ये गलती तो तुम्हारी ही तुम्हारी है तो सभी लोग बोलेंगे इनकल्पेट के तीन हमने कौन कौन से पढ़े इनक्रिमिनेट इमिकेट समझ में आ रहा है सभी को हा इम्पीचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपको बहुत बार रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में और आपको बहुत बार पैसे मिलने वाला है चलिए अगले वर्ड पे आते हैं अगला वर्ड है इंडिक्ट अगर मैं बोलूं इंडिक्ट का मतलब भी बिल्कुल सेम है जो अभी हम पढ़ते आ रहे हैं किसी को क्या कर देना किसी को एक Accuse करना किसी के ऊपर ब्लेम लगाना किसी के ऊपर चार्ज लगाना एकदम वही मीनिंग है इंडिक्ट का भी जो अभी बाकी सारे वर्ड्स का मीनिंग था इम्प्लीकेट इनक्रिमिनेट और इंडिक्ट का भी एकदम वही मीनिंग है अब 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 अगर मैं इन वर्ड्स के ऑपोजिट वर्ड्स की बात करूं इफ आई टॉक ऑफ ऑपोजिट वर्ड्स तो क्या होगा लाइक धोनी इन वर्ल्ड कप अगर मैं इनके ऑपोजिट की वर्ड्स की बात करूं तो तीनों के तीनों वर्ड्स क्या हैं एक्सोनरेट एब्जॉल्व एंड अगर मैं बोलूं एक हमारा वर्ड अभी हमने क्या पढ़ा था एक्स अभी हमने जो वर्ड पढ़ा था क्या पढ़ा था यहाँ पे एक्सकल्पेट ये तीनों के तीनों वर्ड्स हमारे एक्सकल्पेट वर्ड के एक बार साफ लिख लेते हैं थोड़ा सा ये तीनों के तीनों वर्ड्स हमारे एक्सकल्पेट वर्ड के ही सिनोनिम्स हैं जैसे अभी हमने इनकल्पेट वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम्स पढ़े वैसे ही हमारे एक्सकल्पेट वर्ड्स के भी ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं कौन कौन से वर्ड्स हमारे एक्सकल्पेट वर्ड के सिनोनिम्स हैं एक्जोनरेट एब्जॉल्व एंड एक्वेट एब्जॉल्व बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बहुत बार एग्जाम में आता है एब्जॉल्व कर दिया गया मतलब उनके ऊपर जो ब्लेम लगाया गया था उस ब्लेम से उन्हें फ्री कर दिया गया उसको एक्वेट कर दिया गया मतलब उनके ऊपर जो ब्लेम लगाया गया था उससे उन्हें एक्ुट कर दिया गया मतलब क्या है टू फ्री देम फ्रॉम ब्लेम उस ब्लेम से उन्हें क्या कर दिया गया उस ब्लेम से उन्हें फ्री कर दिया गया कौन कौन से वर्ड्स और एक्विट चलिए एक टेबल की हेल्प से याद करते हैं हमने कौन कौन से वर्ड्स पढ़े हमने एक वर्ड पढ़ा इनकल्पेट और दूसरा वर्ड हमने क्या पढ़ा दूसरा वर्ड हमने पढ़ा एक्सकल्पेट इनकल्पेट के कौन कौन से सिनोनिम्स हमने पढ़े इनकल्पेट का एक सिनोनिम क्या था इनक्रिमिनेट एक और सिनोनिम क्या था इनकल्पेट का इंडिक्ट एक्सकल्पेट के कौन कौन से पढ़े? पड़े एक्सोनरेट एब्जॉल क्या किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई भी डाउट है अच्छा एक और हमने यहां पे पढ़ा था इम्पीच तो ये सारे के सारे मीनिंग्स अलग है और ये सारे के सारे एकदम ऑपोजिट हैं. सैफ अली खान वॉज एक्ट क्टेड फ्रॉम ब्लैक बग केस एकदम सही ब्लैक बग केस से उनको एकदम फ्री कर दिया गया इमपीच इंक्रिमिनेट इंडिक्टकल्पिट सारे वर्ड्स का मीनिंग सेम है ऐसे ही इन सारे वर्ड्स का मीनिंग एकदम सेम है ऑफेंडर का सिनोनेम बताओ चलो अब मुझे अभी हमने पढ़ा था आज के एग्जाम में क्वेश्चन आए सपोज कि ऑफेंडर वर्ड का सिनोनेम क्या होता है सो वॉट इज दिनोनेम ऑफ ऑफेंडर अभी पढ़ के आए अगर ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा हो कैन आई सी कल्पेबल या फिर कल्पेरिट राइट आंसर क्या हो जाएगा कल्पेट ऑफेंडर मीन्स वीन्स कल्पेट यस एक्वेड इज मोस्टली यूज इन कोर्ट केसेज एक्वेड हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं कोर्ट केसेस में एकदम सही चीज चलिए आगे अगले वर्ड पे आते हैं अगला जो रूट वर्ड हम कर रहे हैं और जिस रूट वर्ड के हम वर्ड्स कर रहे हैं द नेक्स्ट रूट वर्ड इज प्री अगला जो हमारा रूट वर्ड है वो है प्री प्री का मीनिंग क्या होता है सभी को पता है बैंकिंग में प्रिलिम्स होता है आईबीपीएस पीओ प्रिलिम्स होता है एसबीआई पीओ क्लर्क प्रिलिम्स होता है प्रिलिम्स प्रिलिम्स का मीनिंग क्या होता है प्री का मीनिंग क्या होता है बिफोर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्री बिफोर तो प्रसीड का मीनिंग क्या हो गया दैट प्रसीड्स इट मतलब क्या प्रसीड का मीनिंग कहना है इसे कम्स बिफोर अगर कोई चीज किसी चीज को प्रसीड करती है इसका मतलब क्या है वो चीज उसके जस्ट पहले आती है प्रसीड्स का मीनिंग क्या हो गया उसके पहले आना प्रसीड्स प्रीवियस बिफोर एकदम मनोरंजन बाग एकदम आपने सही बोला है शिवानी राव ने बहुत अच्छा सेंटेंस हमें बना के दिया है कि जो ईव टीसिंग है वो कल्पेबल है एकदम सही एंड दी इनक्रिमिनेटेड आर एलिजिबल फॉर कैपिटल पनिशमेंट राइट एकदम बहुत अच्छे शिवानी राव अब पहले चलो हेराल्ड वर्ड को छोड़ो पहले ही वाला वर्ड करते हैं प्री डेट इस वर्ड का मीनिंग बता सकते हो कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्री डेट दोनों वर्ड्स आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है प्री भी बहुत अच्छे से पता है बिफोर डेट भी बहुत अच्छे से पता है डेट का मतलब होता है टाइम तो प्री डेट का मीनिंग क्या हो गया प्री डेट का मीनिंग क्या हो गया समथिंग दैट हैपेंस बिफोर टाइम ऐसी चीज़ जो टाइम से पहले हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं प्री डेट समथिंग दैट हैपन्स बिफोर टाइम टाइम से जो चीज पहले हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं वॉट डू वी कॉल इट वी कॉल इट प्री डेट अच्छा एक वर्ड होता है जिसका इससे कोई भी लेना देना नहीं होता वो वर्ड हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा भी था प्री इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है इस चीज से कोई भी लेना देना नहीं है और ये वर्ड हमने पहले पढ़ा भी है अपनी क्लास में जब हम पढ़ रहे थे दो तरह के कार्निवोरस होते हैं एक प्रीडेटर होता है एक स्कैवेंजर होता है वॉट डू मीन बाई प्रीडेटर प्रीडेट का तो मीनिंग था कोई चीज जो डेट से पहले होती है लेकिन प्रीडेटर का मीनिंग क्या होता है वन विच रन एंड कैचेस इट्स ओन प्रे वन विच रंस एंड कैचेज इट्स ओन प्रे ऐसा जानवर जो भाग के अपना शिकार खुद करता है फॉर एग्जाम्पल लायन फॉर एग्जाम्पल टाइगर वो क्या है वो क्या है दैट इज प्रीडेटर वो हमारा प्रीडेटर है कोई भी लिंक नहीं है प्रीडेट से चलो प्रेसिपिटेट का मीनिंग बताओ प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेशन आपने शायद केमिस्ट्री में कभी पढ़ा होगा प्रेसिपिटेशन का मीनिंग क्या होता है अब देखो आ प्रियार है प्री आ रहा है मतलब कुछ पहले है मतलब प्रेसिपिटेट का मीनिंग क्या हो गया हैपेंड बिफोर टाइम ऐसी चीज़ देखो डेट भी आ रहा है डी ए टी ई का डेट भी आ रहा है प्री का पहले भी आ रहा है तो प्रेसिपिटेट का मीनिंग क्या होता है प्रेसिपिटेट का मीनिंग होता है ऐसी चीज़ जो टाइम से पहले हो जाए बिल्कुल प्री डेट वाला मीनिंग है आई कैन से प्री डेट का एक सिनोनिम प्रेसिपिटेट भी होता है प्रेसिपिटेट भी होता है प्रेसिपिटेट का मीनिंग भी क्या हो गया ऐसी चीज़ जो समय से पहले हो जाए ऐसी चीज़ जो समय से पहले हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं प्रेसिपिटेशन भी क्या होता है जब सॉलिड से कोई सॉरी लिक्विड से कोई चीज़ सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं एकदम केमिस्ट्री की लैंग्वेज है बट अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज बात करूँ इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँ तो प्रेसिपिटेट का मीनिंग क्या होता हैपेंड बिफोर टाइम या हैपनिंग बिफोर टाइम ऐसी चीज जो टाइम से पहले हो जाए कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है मनोरंजन राजू दे हंट देमसे वो अपने आप को हंट करते हैं शिवानी राव उसका मतलब क्या वो दे हंट देमसे वो अपने आप को ही हंट कर लेते हैं नहीं दे हंट फॉर देमसे वो अपने आप के लिए हंट करते हैं चलिए अगले वर्ड पे आते हैं नेक्स्ट वर्ड इज प्रेक्ल्यूड प्रेक्ल्यूड का मीनिंग कोई बता सकता है प्री से ही रिलेटेड है क्योंकि प्री यहाँ पे आ रखा है प्रक्ूड का मीनिंग होता है किसी चीज़ को होने से रोकना कोई चीज़ को पहले ही आपने उसके होने से पहले ही रोक दिया फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लग रहा था कि आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे आप एग्ज़ाम फेल हो जाओगे आपने पहले ही मेहनत करके उस चीज़ को रोक लिया तो आपने क्या किया वॉट हैव यू डन यू हैव प्रिक्लूडेड योर फेलियर आपने अपने फेलियर को प्रिक्लूड कर लिया आपने अपने फेलियर को होने से रोक दिया प्रिक्लूड का मीनिंग क्या होता है प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग बिफोर हैंड पहले ही किसी चीज को रोक दिया वो प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग बिफोर हैंड पहले ही किसी चीज को रोक लेना दैट इज वॉट उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम प्रिक्ल्यूड बोलते हैं वी कॉल इट प्रिक्लूड प्री इंक्लूड हाँ प्री अज्यूम चलिए अब वर्ड वर्ड पे आते हैं हेराल्ड हेराल्ड में प्री तो नहीं है बट इसका मीनिंग बहुत कुछ प्री से रिलेटेड है हेराल्ड का मीनिंग क्या होता है हेराल्ड का मीनिंग होता है किसी को पहले से ही क्या दे देना वार्निंग दे देना इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं फोर वार्निंग एफ ओ आर ई डब्ल्यू ए आर एन आई एन जी हेराल्ड वॉट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हेराल्ड हेराल्ड द मीनिंग इज किसी भी इंसान को फोर वार्निंग दे देना यू हैव ऑलरेडी वार्न दैट पर्सन दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन कुछ होने वाला है एंड यू शुड टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स बिफोर दैट और आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की ज़रूरत है दैट दिस वॉट द वर्ड इज द वर्ड इज हेराल्ड हेरल्ड मीन्स फोर वार्निंग दैट मीन्स वी आर गिविंग वार्निंग टू अ पर्सन बिफोर द ऑप्करेंस ऑफ दैट थिंग किसी चीज़ के होने से पहले ही अगर हम किसी इंसान को वार्निंग देते हैं दैट द वर्ड द वर्ड इज नोन एज हेराल्ड आई होप दिस वर्ड इज क्लियर टू ऑल येस मनोरंजन योर आंसर इज एप्सल्यूटली करेक्ट लेट अस मूव टू अदर वर्ड्स नाउ बाकी के वर्ड्स पे आते हैं चलो ये वाले वर्ड का मीनिंग बताओ पहले दो प्रीजुडिस बहुत कॉमन वर्ड है बहुत 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 ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है ये वर्ड प्रेजुडिस वी शुड नेवर बी प्रेजुडिस हमें कभी भी प्रेजुडिस्ट नहीं होना चाहिए वी ऑल नो बहुत सारे लोग पहले से ही ओपिनियन बना लेते हैं दे बिकम प्रेजुडिस की इंग्लिश जो है बहुत डिफिकल्ट है और इंग्लिश में मार्क्स लाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है उनका ये क्या होता है उनका ये प्रेजुडिस होता है उनका ये क्या होता है उनका ये प्री डिस्पोजिशन होता है नाउ कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्री डिस्पोजिशन और प्रेजुडिस क्या मीनिंग हो गया प्रेजुडिस का कैन आई से पहले से ही उन्होंने ओपिनियन बना लिया इसका मतलब क्या है फॉर्मिंग एंड ओपिनियन बिफोर हैंड बिना उस चीज़ को फील किए बिना उस चीज़ के ऊपर मतलब बिना उस चीज़ को कह सकते हैं यूज़ किए या बिना उस चीज़ के ऊपर रिसर्च किया पहले से ही एक ओपिनियन बना लो कि वो चीज़ ऐसी है क्या हुआ प्रीडिस आई से प्री डिस्पोजिशन प्रेजुडिस का ही एक सिनोनिम है प्री डिस्पोजिशन पहले से ही हमने अपना एटीट्यूड बना लिया कि ये चीज तो वैसे ही होती है पहले से ही बहुत सारे लोगों ने हमको बोला कि इंग्लिश डिफिकल्ट है इंग्लिश डिफिकल्ट है वैकैबुलरी लर्न करना बहुत मुश्किल है पहले से ही हमने अपना ही एटीट्यूड बना लिया द वर्ड इज प्री डेस्पोडिशन एन वट डज इट मीन इसका मीनिंग क्या हो गया मीनिंग इज सेम फॉर्मिंग एंड ओपिनियन बिफोर हैंड पहले से ही हमने ये ओपिनियन अपना बना लिया है कि येस दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट मेनी स्टेट्स विच आर हिट बाय हैव इफ द मेंटेनेंस वॉज वेल इनफ एकदम सही चीज एकदम सही किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट यहां तक अगला वर्ड नेक्स्ट वर्ड इज प्रीसेज अगर मैं बोलूं अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था प्रीसेज का ही सिनोनिम पढ़ा था एंड दैट वर्ड वाज हेराल्ड अभी हमने एक वर्ड पढ़ा प्रीसेज प्रीसेज का ही सिनोनिम था हेराल्ड इफ आई से फोर वार्निंग प्रीसेज का मतलब क्या हो गया कैन आई से फोर वार्निंग पहले से ही हमें एक वार्निंग मिल गई पहले से ही हमें इंट्यूशन हो गया कि दिस थिंग इज गोइंग टू हैपन वॉट इज इट किसी चीज को फोरटेल करना आई कैन से फोटेल समथिंग किसी चीज के बारे में पहले से ही पता लग जाना वॉट इज इट वॉट इज इट इट इज इट इज वॉट प्री नाउ आई से ये दोनों के दोनों वर्ड्स जो है प्रोग्नोस्टिकेट और प्रेसियंट ये दोनों के दोनों वर्ड्स जो हैं क्या है का ही सिनोनिम्स है तो कहना ऐसे इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग भी क्या होता है किसी चीज को पहले से ही बता देना प्रोग्नोस्टिकेट कर देना प्रेसाइंट और वन हो फोटल ऐसा इंसान जो फोर्टल करता है किसी चीज को पहले से ही बता देता है बहुत सारे लोग होते हैं अंदेशा हो जाता है कि दिस और दैट थिंग इज अबाउट टू हैपन ये चीज़ होने वाली है क्या है इन तीनों के दिनों वर्ड्स का मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है अब प्रिसियंट इज अ प्रोग्नोस्टिक प्रिसियंट का एग्जैक्ट सिनोनिम की बात करूं तो क्या होगा प्रोग्नोस्टिक प्रोग्नोस्टिक इंसान कौन होगा ऐसा इंसान जो पहले से ही फोटल कर दे पहले से ही बता दे कि दिस थिंग इज अबाउट टू हैपन ये चीज़ हमारी होने वाली है तो आप देख रहे होंगे सारे के सारे वर्ड्स में या तो प्री आ रहा है या प्रो आ रहा है और इन दोनों के दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है बिफोर तो अगर एग्जाम में कोई भी ऐसा वर्ड आए जिसमें प्री आ, आ जाए या प्रो आ जाए आप कुछ ना कुछ उसका मीनिंग बिफोर से ही रिलेट करोगे कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को आई होप नहीं है चलिए अगले वर्ड पे आते हैं नेक्स्ट वर्ड इज प्री कॉन्सीव प्री कॉन्सीव का मीनिंग भी क्या हो जाएगा पहले से ही कॉन्सीव कर लेना पहले से ही पता लग जाना कि क्या होने वाला है पहले से ही एक एटीट्यूड बना लेना अपने मन में कि ये चीज़ होने वाली है प्री कॉन्सीव का मीनिंग भी क्या कहना है से फिर से वही चीज़ हो गई इसका मीनिंग भी फॉर्मिंग एंड ओपिनियन बिफोर हैंड पहले से ही एक ओपिनियन बना लेना कि ये चीज तो ऐसे ही होती है वॉट इज प्री कॉन्सीप्ट इट इज ऑल्सो फॉर्मिंग एंड ओपिनियन बिफोर हैंड पहले से ही हमने एक ओपिनियन बना लिया कि ये चीज होने ही होने वाली है प्री प्रो दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है प्री और प्रो दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है बिफोर चलो एक वर्ड एक चीज बताती हूँ बचपन से पढ़ते आ रहे हो प्रोनाव बचपन से पढ़ते आ रहे हो प्रोनाउ या फिर बचपन से पढ़ते आ रहे हो प्रेपोजिशन इसमें भी तो प्री प्रो आ रहा है इसमें भी तो और प्रो आ रहा है।, तो है तो कहना ऐसे ये मीनिंग सेम है एक का मीनिंग एकदम सेम है दूसरे का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है प्रेपोजिशन का मीनिंग क्या है ऐसा वर्ड जो किसी वर्ड से पहले लग के किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लग के उस वर्ड की पोजिशन बताए यहाँ पे क्या आ रहा है प्रोनाउन अब प्रो का एक और मीनिंग होता है प्रो का मतलब केवल और केवल बिफोर नहीं होता है. प्रो का मीनिंग इन प्लेस ऑफ भी होता है तो यहाँ पे प्रो का मीनिंग क्या है ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह लगता है नाउन के प्लेस पे लगता है दिस कम्स बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू इंडिकेट दी पोजिशन बट दिस कम्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन ये नाउन से पहले आता है पोजिशन बताने के लिए बट ये नाउन की जगह पर आता है प्रेडिक्ट आई होप सारे के सारे स्टूडेंट्स को पता है प्रिडिक्ट का मीनिंग क्या होता है आप अपने रिजल्ट प्रिडिक्ट करते हो हम लोग एग्जाम के बाद कट ऑफ प्रिडिक्ट करते हैं प्रिडिक्ट का मीनिंग क्या हो गया प्रिडिक्ट का मीनिंग क्या हो गया डिक्ट पता है डिक्ट भी एक रूट वर्ड है अभी हम डिक्ट के भी बहुत सारे वर्ड्स करने वाले हैं डिक्ट का मीनिंग क्या होता है डिक्टेटर डिक्शन डिक्ट वॉट डू मीन बाय डिक्ट कैन यून ऑफ यू टेल मी मतलब रूटवर्ड इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना ये आपकी वोकेबुलटी को बहुत इंक्रीज कर देगा अगर आपको रूटवर्ड समझ में आ रहे हैं तो डिक्ट का मीनिंग होता है टेल प्री का मतलब क्या है पहले तो प्रडिक्ट का मीनिंग क्या हो गया टू टेल समथिंग बिफोर इट एक्चुअली हैपन या फे टू टेल समथिंग और कब बता रहे हैं उस चीज को बिफोर द एक्चुअल अकरेंस उस चीज के एक्चुअल होने से पहले ही अगर हमने उस चीज़ को बता दिया है तो हम मतलब क्या कर रहे हैं वॉट आर वी डूइंग वी आर प्रोडिक्टिंग समथिंग हम किसी चीज़ को प्रिडिक्ट कर रहे हैं हाँ शिवानी ने मुझे एकदम सही बोला है कि डिक्ट का मीनिंग टू टेल होता है किसी चीज़ को बोलना होता है एंटीसिपेट एंटिसिपेट का मीनिंग क्या होता है मेरा एंटिसिपेशन ये है कि 90% ऑफ माय स्टूडेंट्स दिस टाइम विल क्लियर एसबीआई क्लर्क मीन्स या फिर नाइन्टी परसेंट ऑफ माई स्टूडेंट्स दिस टाइम विल क्लियर ईपीएफओ एग्जाम प्रस एग्जाम जो कल है एंटिसिपेट करने का क्या मतलब हो गया वॉट डू यू मीन बाई the word anticipate? कितने स्टूडेंट्स बता सकते हैं मुझे anticipate का मीनिंग क्या है मैं anticipate कर रही हूँ मैं anticipate कर रही हूँ कि 90% परसेंट बच्चे तो ई पी एफ ओ का एग्ज़ाम मेरा निकाल लेंगे क्या कर रही हूँ मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैंने अभी निकाला नहीं है पहले से ही अपने मन में ये बात सोच ली है कि इतने बच्चे निकाल लेंगे Anticipate का मीनिंग क्या हो गया Anticipate का मीनिंग हो गया एक्सपेक्ट अगले वर्ड पे आते हैं नेक्स्ट वर्ड इज प्रशन प्री फिर से प्री आ गया प्रीमोनिशन पहले से ही पहले से ही क्या हो जाना पहले से ही इंट्यूशन हो जाना मुझे इंट्यूशन हो रहा है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है एंड आई विल गेट टेलीग्राम मैसेजेस फ्रॉम ऑल ऑफ यू व्हाट आई हैव आई हैव अ प्रीमोनिशन प्री का मीनिंग क्या हो गया आई एम प्रडिक्टिंग कह सकते हैं मुझे इंट्यूशन हो रहा है मैं ये चीज़ एंटिसिपेट कर रही हूँ मैं ये चीज़ प्री कंसीव कर रही हूँ सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है क्योंकि इन सारे के सारे वर्ड्स में वर्ड जो है हमारा एक ही है और क्या वो वर्ड है दैट रूट वर्ड इज़ प्री वो जो हमारा वर्ड है वो प्री है फोर्सी कह सकते हैं एकदम एकदम सही सो ज्यादा सिंग इज सींग एक्सपेक्ट एकदम सही एकदम करेक्ट स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक भी कर दो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइक करना भूल जाते हैं वीडियो को तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो ऑल्सो एंड शेयर भी करते जाओ अब ये आपके लिए एक क्विज का क्वेश्चन है एलियास का मीनिंग क्या होता है और मैं आपको एक हिंट दे रही हूं इसका जो सिनोनिम होता है वो कॉग्नोमेन होता है इसका जो नहीं सोग्नोमेन नहीं सॉरी इसका जो सिनोनिम होता है वो सियोडोनिम होता है नाउ दिस इज अ क्वेश्चन कि एलियास का मीनिंग क्या था मतलब आई वॉन्ट टू चेक ऑल्सो कि आप लोग पिछला याद ऐसा तो नहीं है कि नए नए वर्ड्स पढ़ते जा रहे हो पीछे वाली सीरीज के वर्ड्स भूलते जा रहे हो नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए मैंने आपको इतना बता दिया कि एलियास का जो सिनोनिम होता है वो स्यूडोनिम होता है तो एलियास का मीनिंग क्या है न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा ये वर्ड यूज आपको मिलेगा एलियास राम एलियास श्याम एलियास एलियास का मीनिंग क्या हो गया कैन आई से कि ये एक क्या हो गया ये एक फॉल्स नेम हो गया ये एक क्या हो गया ये एक सियडो नेम हो गया ऐसा नाम जो एक्चुअल नहीं है बस रखा गया है किसी इंसान ने वो नाम को रख लिया है वो क्या है वॉट इज इट इट इज एलियास फॉल्स नेम एकदम सही फॉल्स नेम मतलब ऐसा नाम जो एक्चुअल नहीं है एक्चुअल तो उसका कोई और नाम था बट अब वो इस नाम से जाना जाता है फॉर एग्जाम्पल अक्षय कुमार हिज एक्चुअल नेम वॉज राजीव भाटिया तो वॉट इज इट एलियास ओ माई गॉड प्रशर सिंह निमिषा मैम अलियास लेडी शशि थरूड़ ओ माई गॉड चलिए अस हाँ इंट्यूशन का मीनिंग क्या होता है जॉली क्वेश्चन इंट्यूशन मीन्स पहले से ही अंदेशा हो जाना किसी बात का कि दिस थिंग विल इट मुझे क्या हो रहा है मुझे एक इंट्यूशन हो रहा है राजू कुमार एकदम सही बोल रहे हैं डुप्लीकेट नेम चलिए अगले वर्ड पे आते हैं अगला वर्ड है हमारा स्यूडोगी अब इस वर्ड को तो आराम से बता दोगे दोनों रूड वर्ड्स बहुत बार करे हुए हैं गैमी भी किया हुआ है स्यूडो भी किया हुआ है सियोडोगी का मीनिंग क्या हो गया बहुत सारी मूवीज में होती है सीडोगैमी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हैं शादी कर लेते हैं और फिर उसके बाद डिवॉर्स कर लेते हैं सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए दे डू स्यूडोगी सियडोगी का मीनिंग क्या हो गया वॉट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्यूडोगी स्यूडो स्यूडो वर्ड का मीनिंग क्या है झूठा फॉल्स गैमी का मीनिंग क्या है शादी गैमी के बहुत सारे वर्ड्स किए थे हमने फर्स्ट सीरीज में गैमी इज मैरिज स्यूडो इज झूठा तो स्यूडोगी का मीनिंग क्या हो गया व्हाट डू यू मीन बाय इज फॉल्स मैरिज झूठी शादी आकांक्षा तिवारी ने मुझे एकदम सही आंसर दिया है कृतिका प्रसाद साहू का भी एकदम सही आंसर है अगले वर्ड पे आते हैं अब अगला वर्ड बड़ा अच्छा वर्ड है एंड द नेक्स्ट वर्ड इज परजॉ कितने बच्चे मुझे सॉरी पर, परज्यूरी का मीनिंग बता सकते हैं आप लोगों ने देखा है मूवीज़ में मैंने तो मूवीज़ में देखा है कभी एक्चुअल में नहीं देखा कि क्या होता है कोर्ट में जब कोर्ट का केस चल रहा होता है या कोर्ट का सीन चल रहा था फॉर एग्जाम्पल जॉली एल मूवी थी क्या होता है उस टाइम पे लोग ना ऐसे शपथ रख के खाते हैं शपथ खाते हैं हाथ खात रख के गीता पे मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा और फिर भी वो बंदा झूठ बोल देता है और फिर भी वो बंदा झूठ बोल देता है उसने क्या किया उसने परजुरी अटेम्प्ट की नाउ कैन एड यून ऑफ यू टेल मी द मीनिंग ऑफ द वर्ड परजुरी परजुरी का मीनिंग क्या हो गया झूठ बोल दिया और किस चीज के बाद झूठ बोला झूठ बोला शपथ लेने के बाद आफ्टर टेकिंग एन ओथ उसने एक शपथ ली और शपथ को लेने के बाद झूठ बोल दिया परजुरी का मीनिंग क्या हो गया परजुरी इज लाइंग आफ्टर टेकिंग एन ओथ शपथ लेने के बाद झूठ बोल देना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बहुत बार एग्जाम्स में आता है परजुरी कसम तोड़ना आकांक्षा तिवारी एकदम सही बोल रही है अच्छा यहाँ से ये जो वर्ड्स हमारे स्टार्ट हुए हैं हमारा अगला रूट वर्ड क्या है हमारे दो रूट वर्ड्स हैं यहाँ पे जे यू आर ज्योर जे यू आर ई ज्योर का मीनिंग क्या होता है ओथ जे यू आर ज्योर का मीनिंग होता है ओथ और जे यू डी जुड या जे यू एस जस का मीनिंग क्या होता है टू जज समवन किसी को जज करना जे यू डी जड और जे यू एस जस का मीनिंग होता है किसी को जज करना और जे यू आर ई ज्योर का मीनिंग क्या होता है कोई शपथ लेना कोई ओथ लेना परज्यूरी इज लाइंग आफ्टर टेकिंग एंड ओथ एकदम सही बोला हाँ डिसीव करना हम बोल सकते हैं यस yes, प्रपेश वाड़ा खिलाफी अच्छा उसको हिंदी में ये बोलते हैं आई एम नॉट श्योर ऑफ इट लाई ऑफ गीटा फॉलिशमैन चलो अगले वर्ड पर आते हैं नेक्स्ट वर्ड इज एडजोर एडजोर का मीनिंग क्या होता है किसी दूसरे इंसान को ना शपथ खिलवा देना किसी दूसरे इंसान से शपथ ले लेना कि भाई तुझे ऐसा करना ही करना है क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज्यादा बहुत ज़्यादा ये एडज वाला गेम खेलती हूँ मैं क्या बोलती हूँ आप लोगों से प्रॉमिस लेती हूँ कि आज से आप लोग बहुत मेहनत करोगे जब भी मेरा मोटिवेशनल कोई सेंशन होता है या जब भी मैं मुझे ऐसा फील होता है कि बच्चों को मोटिवेशन का जरूरत है मेरा सबसे एक ऐसा सेंटेंस जो मैं हर स्टूडेंट से चाहती हूँ क्या कि आप लोग मुझे प्रॉमिस करो कि आप लोग आज से बहुत मेहनत करोगे इतना इतना टाइम दोगे एक हिंदू एरिटोरियल पढ़ोगे एक आर्टिकल पढ़ोगे वॉट इज इट वट एम आई डूइंग आई एम एडजोर कर रही हूँ क्या होता है वर्ड एडजोर टू पुट या फिर किसी इंसान को मैं किसी काम को करने के लिए बोल रही हूँ और करने के लिए भी कैसे अर्नेस्टली बोल रही हूँ उसे शपथ खिला रही हूं कि वो काम तुम्हें करना ही करना है इमोशनल अत्याचार कह रहे हैं प्रपोष कुमार या फिर मैं इसको क्या कह सकती हूँ टू पुट टू ओथ थोड़ी और अच्छी भाषा में बोलू तो क्या बोल सकती हूँ किसी को दिलवाना किसी को बोलना कि तुझे आई शपथ है कि तुझे ये तू बहुत मेहनत करेगा ही करेगा माँ की कसम करवाते हैं बहुत से लोग कि मम्मी कसम खा तो वॉट इज इट वॉट इज इट इट इज वॉट इट इज एट ज्योर क्यों क्योंकि ज्योर का मीनिंग क्या है जोर वर्ड का मीनिंग है ओथ जोर वर्ड का मीनिंग है ओथ सभी को आई होप समझ में आ रहे हैं सारे के सारे वर्ड्स इतना नोट कर लिया चलो अब ये बाकी सारे वर्ड्स जुडिशियस सेगेशियस ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे सिनोनिम्स हैं कोई मुझे जुडिशियस वर्ड का मीनिंग बता सकता है अच्छा आकांक्षा ने मुझे एक और बहुत अच्छा वर्ड दिया है एंड दैट वर्ड इज एडजन कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एडजन द कोर्ट इज एडज कोर्ट को एडजर्न किया जाता है क्लास को एडजर्न किया जाता है मीटिंग को एडजर्न किया जाता है वॉट डू यू मीन बाई एर्जेंट एर्जेंट का मीनिंग अगर मैं फ्रेजल वर्ब लिखूँ तो क्या लिख सकती हूँ ब्रेक ऑफ ब्रेक ऑफ का मीनिंग क्या बोल सकती हूँ सस्पेंड थोड़ा सा और क्या बोल सकती हूँ क्लोज सस्पेंड किया जाता है क्लोज किया जाता है इसका मतलब क्या है अभी के लिए बंद कर दिया गया है बट थोड़े टाइम बाद या इस डेट को फिर से हियरिंग होगी अभी क्लास आज ऑफ कर दी गई इसका अगला पार्ट कल की क्लास में होगा एडजर्न का मीनिंग क्या है एडजर्न का मीनिंग क्या है ब्रेक ऑफ ब्रेक ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग भी एडजर्न होता है किसी चीज को कुछ क्षण के लिए या कुछ समय के लिए रोक देना दैट इज एडजर्न पोस्टपोन कर देना एकदम सही कह सकते हैं स्थगित कर देना रोकना थोड़े टाइम के लिए पूजा सैनी एकदम सही समन बिफोर द कोर्ट वो तो कोर्ट के सामने लेके जाना होता है एडजर्न नहीं होता वो बच्चे वो चलिए अब ये सारे के सारे वर्ड्स जुडिशियस सेगेशियस और वर्ड्स लिखती हूँ मुझे आप लोग मीनिंग बताओगे मैं सिर्फ सिनोनिम्स आपको बता रही हूँ मैंने लिखा श्रीड ऐसे ही तो वोकैबुलरी इंप्रूव होगी ऐसे रटवाने से थोड़ी ना होगी वोकैबुलरी इंप्रूव आप लोग मुझे मीनिंग बताओगे मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को वर्ड बता रही हूँ श्र्यूड ये सारे वर्ड इन्हो ने आपको कह रही हूं कैनी प्रूडेंट अब मुझे वर्ड का मीनिंग बताओ इन में से किस वर्ड का मीनिंग क्या है श्रूड कैनी प्रूडेंट मीनिंग क्या हुआ वॉट इज द मीनिंग इसका मीनिंग क्या हो गया ऐसा इंसान जो बहुत क्या है लॉजिकल है ऐसा इंसान जो बहुत क्या है रैशनल है ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा क्या यूज़ करता है उसके अंदर हाँ होशियार है एकदम कह सकते हैं कॉमन सेंसिकल है कॉमन सेंस बहुत ज़्यादा यूज़ करता है अपना दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ करता है उस इंसान को हम क्या बोलते हैं उसको हम जुडिशियस सेगेशियस श्र्यूड कैनी प्रूडेंट रैशनल लॉजिकल बोलते हैं आप सारे के सारे स्टूडेंट्स मेरे जितने भी हैं ऑल ऑफ़ देम आर वॉच ऑल ऑफ देम आर श्रीड सारे के सारे श्रूड हैं सारे के सारे कैनी हैं सारे के सारे प्रूडेंट हैं सारे के सारे सगेशियस हैं सारे के सारे जुडिशियस हैं रेशनल एकदम सही आकांक्षा वाली में एकदम और इंटेलिजेंट भी कह सकते हैं राइट right, होशियार भी कह सकते हैं कौन कौन से वर्ड्स लिखे हुए हैं प्रूडेंट लिखा हुआ है रेशनल लिखा हुआ है इन दोनों का वर्ड का मीनिंग भी मैं क्या लिख सकती हूँ कैन आई राइट कैनी कैन आई राइट जुडिशियस इन वर्ड्स का मीनिंग भी क्या है इन वर्ड्स का मीनिंग भी हमारा जुडिशियस है चलिए अब हमने अब हमने बहुत सारे वर्ड्स पढ़ लिए हैं नाउ इट्स टाइम फॉर द क्विज अब हमारा क्विज का टाइम है आप लोगों की वोकेबलरी को चेक करने का टाइम है सो ही वी आर विद द क्विज ये वर्ड्स हम कल की क्लास में करेंगे इट्स टाइम फॉर वोकेबलरी नाउ एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर वन ऑन यीन इसका आंसर बताइए विच वर्ड मीन्स the opposite of हाँ कनिंग भी कह सकते हो क्लेवर कह सकते हो shrewd कह सकते हो यस मनोरंजन यू shrewd स्टूडेंट चलो विच मीन्स opposite ऑफ impartial इम्पार्शियल का मीनिंग क्या है कोई पार्शियलिटी नहीं करना ऑपोजिट बताना है तो कंप्लीट से तो कोई लिंक ही नहीं है unbiased का मीनिंग भी क्या होता है impartial ही होता है ये क्या हो गया ये तो सिनोनिम हो गया तो ये भी आंसर नहीं है अभी हमने क्या वर्ड पढ़ा था प्रेजुडिस्ट वर्ड पढ़ा था प्रेजुडिस का मीनिंग क्या है पहले से ही कोई ओपिनियन बना लेना और फिर उस ओपिनियन के अकॉर्डिंग काम करना मैंने पहले से ही ओपिनियन बना लिया इंग्लिश डिफिकल्ट है मैं पार्शियल हो गई मैं इंग्लिश बहुत कम पढ़ रही हूँ आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी एडोडाइट का मीनिंग क्या होता है अ वेरी स्कॉलरली पर्सन अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन ऐसा इंसान साइंस बहुत ज़्यादा नॉलेज है कीर्ति राजू विक्रम सिंह दिशा तिवारी आप सभी का आंसर सही है प्रपेश कुमार साहू चलिए अगला क्वेश्चन बताइए ऑपोजिट बताना है ब्रिटल का ब्रिटल का मतलब क्या होता है जो टूट जाए ब्रिटल का मतलब जो टूट जाए ऑपोजिट क्या होगा जो टूटे ना फ्लेक्सिबल ब्रिटल कांच ब्रिटल होता है कांच गिरता है टूट जाता है ऑपोजिट क्या हो गया फ्लेक्सिबल जो डिसफ्लेक्सिबल होगी वो टूटेगी ही नहीं प्लास्टिक फ्लेक्सिबल होती है टूटती नहीं है रबर फ्लेक्सिबल होती है टूटती नहीं है शिवानी दिशा हर्षी परपेश सभी का आंसर एकदम सही है ब्रेकेबल तो मीनिंग हो गया तो ये तो ऑपोजिट है नहीं ग्रेटिंग का मीनिंग क्या होता है हम ग्रेट करते हैं किसी चीज़ को घिसना कोई लिंक ही नहीं है थिन पतला कोई लिंक ही नहीं है आंसर इज ऑप्शन नंबर ए Next question on the screen is here. आंसर होगा सॉलिडिटी का सॉलिडरिटी ये वाला वर्ड तो हमने किया भी था अपनी क्लास में भी किया था पिछली क्लास में भी किया था सॉलिडाइरिटी का मीनिंग मीनिंग क्या होता है यूनियन ऑपोजिट बताना है ऑपोजिट क्या होगा यूनियन तो मीनिंग मीनिंग हो गया चला गया डिसयूनिटी यूनिटी का ऑपोजिट क्या होता है डिसयूनिटी एकदम सही आंसर है लैक्सिटी का मीनिंग क्या होता है केयरलेसनेस केयरलेसनेस केयरलेस हो कोई रिजिडिटी का मीनिंग क्या होता है टफ टफनेस तो ये दोनों तो कोई लिंक ही नहीं है आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन ए स्क्रीन ये तो बता दोगे आई थिंक आराम से अभी पढ़ के आए हैं जुडिशियस अभी क्या पढ़ा था मीनिंग क्या पढ़ा था प्रूडेंट चलो थैंक यू प्रपेश जुडिशियस का मीनिंग क्या पढ़ा था अभी प्रूडेंट ऑपोजिट क्या हो जाएगा इम्प्रूडेंट जुडिशियस का मीनिंग जब प्रूडेंट था ऑपोजिट क्या हो गया इम्प्रूडेंट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी पोलिटिक्स मतलब क्या जो बहुत जल्दी लीगल एक्शन लेता हो कोई लिंक ही नहीं है पार्शियल आप लोगों को पता ही है अनरिस्ट्रेन इसके ऊपर कोई बंधन ना हो रिस्ट्रेन ना हो कोई लिंक ही नहीं है आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन क्या होगा हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल थ्योरीज पढ़ी होंगे हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे स्कूल में स्कूल में हाइपोथेटिकल का मीनिंग क्या था ऐसी चीज़ जो एक्चुअल में नहीं है रियलिटी में नहीं है सिर्फ हमारे इमेजिनेशन में है फॉर एग्जाम्पल आइडियल गैसेस कभी किसी ने केमिस्ट्री पढ़ी हो तो आइडियल गैसेस कॉन्सेप्ट क्या है हाइपोथेटिकल है इमेजिनरी है तो मीनिंग डिसिमिलर बताना है डिसिमिलर बताना है ये तो मीनिंग ही हो गया ये तो चला गया क्रिटिकल इंपॉर्टेंट क्रिटिकल से कोई लिंक ही नहीं है स्पेसिफिक नहीं क्या ऑपोजिट हो गया एक्चुअल नहीं मीनिंग नहीं बताना बच्चों क्या बताना है डिसिमिलर टू बताना है ऑपोजिट बताना है ऑपोजिट बताना है तो ऑपोजिट क्या होगा एक्चुअल होगा ऑपोजिट इमेजिनरी नहीं होगा इमेजिनरी तो मीनिंग है भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो इ is इज मोस्ट सिमिलर टू हाइपोथेटिकल कंडीशन एकदम सही Eccentric eccentric का मीनिंग क्या होता है ऐसा इंसान जो बहुत अजीब हो स्ट्रेंज हो इकऑर्स का सिनोनिम होता है क्यूर एक ऑर्स का सिनोनिम होता है पैक्यूलियर इन सभी वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है स्ट्रेंज ये सारे आपस में सिनोनिम्स हैं तो eccentric का सिनोनिम क्या हो गया पेक्यूलर स्ट्रेंज अजीब फ्रूगल का मीनिंग क्या होता है जो बहुत सोच समझ के चीज़ें करता हो बहुत ज़्यादा ध्यान लगा के चीज़ें करता हो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली चीज़ें करता हो नॉर्मल तो अपोजिट है सिलेक्टिव कोई लिंक ही नहीं है आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी गौतमी पूजा शिवानी विक्रम सभी का आंसर एकदम सही है दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन क्या आंसर बताइए प्रीडेसर मींस पहले का तो अगला वाला क्या होगा अपोजिट क्या हो जाएगा उसका सक्सेसर प्रीडेसर का अपोजिट क्या हो जाएगा सक्सेसर <tell noise> प्रीडेसर मींस उससे पहले का सक्सेसर क्या हो गया उसके बाद का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हां पूरा का पूरा कट ऑफ पूरा का पूरा एनालिसिस क्या कट ऑफ हो सकता है क्या कितना कुछ हो सकता है सब कुछ आज हम रात को 9 बजे करेंगे इसी चैनल पे करेंगे पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे वर्ड्स के साथ वर्ड्स को याद करते हैं नए नए वर्ड्सों को सीखते हैं और 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 अपनी वकेबलरीरी को इम्प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़ सकें और ये वोकेबलरी सेशंस जो मैं कर रही हूँ ये ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकें जल्दी से जिन जिन स्टूडेंट्स ने शेयर किया है वो जल्दी से कमेंट भी कर दीजिए और मुझे बता दीजिए कि यस आपने शेयर कर दिया है शुभम परे तो आपका 95 फाइव अटैम्प्ट है बहुत बहुत अच्छा अटैम्प्ट है बट एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए एक्यूरेसी अच्छी होगी तो इट इज़ अ वेरी वेरी वेरी, वेरी गुड अटैम्प्ट चलिए नाउ लेट अस डिस्कस दी वर्ड्स वर्ड्स को हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कल की क्लास में भी जो शाम को छह बजे हुई थी उसमें भी मैंने आपको इन दोनों के दोनों वर्ड्स का मीनिंग बताया था प्रूडेंट और रैशनल इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है जल्दी से आप ही लोग मुझे बताओगे प्रूडेंट और रैशनल लवली एक बार रिफ्रेश कर लो तो वीडियो भी आ जाएगी आपके पास आई थिंक बाकी स्टूडेंट्स लोग तो मुझे देख पा रहे हैं या सिर्फ ऑडियो आ रहा है ऑडियो और वीडियो दोनों आ रहा होगा लवली यू प्लीज रिफ्रेश इट रिफ्रेश कर लो या फिर चैनल पर दोबारा जाके वीडियो ओपन कर लो तो आपको दिख जाएगी चलिए प्रूडेंट और रैशनल दोनों के दोनों वर्ड्स का हमने मीनिंग किया था और इसके हमने बहुत सारे सिनोनिम्स भी किए थे कल की क्लास में प्रूडेंट का मीनिंग क्या होता है क्या मैं बोल सकती हूँ ऐसा इंसान जो लॉजिकल होता है ऐसा इंसान जो कॉमन सेंस यूज करता है सबसे ज़्यादा इसको हम बोल सकते हैं कॉमन सेंसिकल होता है ऐसे इंसान को हम कैनी भी बोलते हैं सी ए डबल एन वाई कैनी ये सारे के सारे वर्ड्स हमने कल की क्लास में कल की क्लास में किए थे केयरफुल होता है एकदम सही ऐसे इंसान को हम केयरफुल भी बोल सकते हैं जो ऐसा इंसान जिसमें कॉमन सेंस है जो अपने सेंसेस को यूज़ कर पा रहा है ऐसा इंसान जो चीज़ों को यूज़ करके अपने सेंसेस को यूज़ करके कोई ना कोई डिसीजन लेता है उस इंसान को हम प्रूडेंट बोलते हैं रैशनल बोलते हैं रूट वर्ड से हमने जो वर्ड किया था वो किया था जुडिशियस बोलते हैं ऐसे इंसान को हम जुडिशियस भी बोलते हैं तो कौन कौन से सिनोनिम्स हैं आपस में व कौन कौन से सिनोनिम्स हैं आपस में प्रूडेंट रैशनल जुडिशियस लॉजिकल कैनी केयरफुल ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं अब अगर आपके एग्जाम में वर्ड आता है इम्प्रूडेंट और इस क्वेश्चन का मतलब ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही ले रही हूं एक वर्ड था इम्प्रूडेंट इस वर्ड का आपको क्या बताना था इस वर्ड का आपको एंटेनेम बताना था इम्प्रूडेंट का एंटेनिम बताना था और ऑप्शन था जुडिशियस तो कहना है इससे इम्प्रूडेंट जो वर्ड था मेरा उसका जो एंटेनेम था वो जुडिशियस एकदम सही था इम्प्रूडेंट का एंटेनिम क्या होगा जुडिशियस हाँ एक और पूजा सैनी ने एक और वर्ड एकदम सही बोला सेगेशियस एक हमने वर्ड कल की क्लास में सेगेशियस भी किया था उस वर्ड का मीनिंग भी एकदम सेम है वेरी गुड स्टूडेंट्स आप लोगों की मुझे लग रहा है वोकेबलरी बहुत बहुत इंक्रीज होती जा रही है आप अब किसी इंसान को बोल रहे हो किसी की तारीफ करोगे तो क्या बोलोगे ही इज अ वेरी सेगेशियस पर्सन सेगेशियस का मीनिंग क्या हो गया सेगेशियस जुडिशियस सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग है प्रूडेंट केयरफुल तो इम्प्रूडेंट का एंटेनेम ये सारे के सारे इंप्रूडेंट के एंटेनेम से क्या मैं कह सकती हूँ जब इन सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग प्रूडेंट है और जब प्रूडेंट का एंटेनिम इम्प्रूडेंट है तो ये सारे के सारे वर्ड्स भी इम्प्रूडेंट के एंटेनिम हो गए आकांक्षा तिवारी एकदम सही नॉट केयरफुल समझ में आ रहा है सभी को चलिए अगला वर्ड देखते हैं अब अगर मैं आप लोगों को बोलूँ ये तीनों के तीनों वर्ड्स भी आपस में सिनोनिम्स हैं अगले तीन वर्ड्स मैंने यहाँ पे कौन से लिखे हैं आई हैव रिटन सब्जगिच आई हैव रिटन वैंक्विश एंड आई हैव रिटन सबड्यू सब सब का मीनिंग क्या होता है सब का मीनिंग क्या होता है सब ऑर्डिनेट सब क्या होता है सब का मतलब क्या होता है किसी को नीचे लेके आना किसी की पोजिशन को लोअर डाउन कर देना और जे यू जी जग या जे यू जे यू आर डी क्या मीनिंग था इनका मीनिंग था कुछ ना कुछ किसी के को डिसीजन लेना तो सब्जगेड वैंकवेड सब का मीनिंग क्या मैं कह सकती हूँ किसी को ओवर पावर करना सब्जुगेट vanquish और सबड्यू तीनों के तीनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है किसी को ओवर पावर करना किसी के ऊपर अपनी चलाना किसी को मजबूर कर देना कि वो सरेंडर कर दे सरेंडर कर दे मतलब सब्जुगेट आपने उसको कर दिया आपने उसको वैंक्विश कर दिया आपने उसको सबड्यू कर दिया एकदम सही आकांक्षा तिवारी अंडर लोअर पोजिशन हाँ क्या कह सकते हैं किसी को ओवर पावर करना या किसी के ऊपर क्या कर लेना किसी को कॉन्कर कर लेना आपने उसको कॉन्कर कर लिया आपने उसको ओवर पावर कर लिया अब वो इंसान आप ही की बात मानेगा जो आप बोलोगे वो वही करेगा राजा लोग क्या करते थे द किंग्स यूज टू कॉन्कर द किंग्स यूज टू सबड्यू द किंग्स यूज टू वैंक्विश द किंग्स यूज टू सब्जुगेट हाँ डोमिनेट भी बोल सकते हैं डोमिनेट करना ओवर पावर करना का मतलब ही क्या है डोमिनेट करना चलिए आप लोग भी बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स बता रहे हैं ग्रेट क्या ये पांचों के पांचों वर्ड्स एकदम क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्जुगल कॉन्यूबियल मैट्रीमोनियल अगर मैं बोलू ये तीनों वर्ड एकदम सेम है कौन सी ओ एन कौन कौन एक रूट वर्ड होता है और सी ओ एन कॉन का मीनिंग क्या होता है सी ओ एन कॉन का मीनिंग होता है टुगेदर टी ओ जी ई टी एच ई आर टूगेदर मतलब एक साथ तो कॉन्जुगल जन्मों जन्मों के साथ ही क्या हो गया मीनिंग क्या हो गया कॉन्ज्यूबल इसका तो मीनिंग सबको पता होगा आई एम प्रटी श्योर इस वर्ड का मीनिंग तो सबको पता होगा और हर किसी में आप में से इन साइट्स को भी विजिट किया होगा कभी मैट्रीमोनियल साइट्स को भी विजिट किया होगा कौन सी सबसे अच्छी मैट्रीमोनियल साइट है मेरे को तो याद शादी डॉट कॉम राइट मैट्रीमोनियल कॉन्यूबियल कॉन्ज्यूगल क्या मीनिंग हो गए इन तीनों के तीनों वर्ड्स के कैन आई से इन तीनों तीनों वर्ड्स के मीनिंग हो गए रिलेटेड टू मैरिज ऐसी चीज जो किस चीज़ से रिलेटेड है जो शादी से रिलेटेड है रिलेटेड टू मैरिज इट इज़ कॉन्जुगल मीन्स इट इज रिलेटेड टू मैरिज इट इज कॉन्जल इट मींस इट इज रिलेटेड टू मैरिज इट इज मैट्रिमोनियल मीन्स इट इज रिलेटेड टू मैरिज शादी से ये तीनों की तीनों चीजें हमारी रिलेटेड है करूंगा मैम जॉब के बाद अच्छा जॉब के बाद आज की कल की लव स्टोरीज की रथा जन्मों जन्मों तरह जन्मों जन्मों के साथ ही है क्या बात है क्या बात है तो तीनों के तीनों वर्ड्स हमारे क्या दिखाते हैं तीनों के तीनों वर्ड्स हमारे दिखाते हैं कि समथिंग विच इज रिलेटेड टू मैरिज एक वर्ड होता है अगर मैं रूट वर्ड की बात करूँ ना यहाँ पे एक वर्ड होता है मैरिटी वॉट इज अ वर्ड द वर्ड इज मैरिटी और इस मैरिटी वर्ड का मीनिंग होता है शादी एम ए डबल आर आई ए जी एच मैरिज इस मैरिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है शादी अच्छा मैं एक सेंटेंस एक वर्ड लिख रही हूँ मुझे बताना उस वो वर्ड का मीनिंग क्या हुआ मैंने एक वर्ड लिखा मैरिटी साइड और एक वर्ड मैंने लिखा मैट्री साइड तो हम वो कैबलरी इंजॉय करते हुए पढ़ोगे मस, मस्त मस्त होके पढ़ोगे एकदम सीखने के उससे पढ़ोगे ना तो आराम से हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे वर्ड्स मैडी घोष सिंग मैम मैट्रीमोनियल इज इक्वल टू फेसबुक या फेसबुक पर शादियाँ होती हैं फेसबुक पर तो अफेयर्स चलते हैं शादियाँ तो बहुत कम होती हैं आई थिंक चलो बताओ. Mat ये बताओ मैरिटी साइड और मैट्री साइड इन दोनों वर्ड का मीनिंग क्या होगा मैरिटी साइड मैरिटी साइड तो सभी को समझ में आ रहा है मैरिटी साइड क्या हो गया किलिंग ऑफ मैरिज साइड भी एक रूट वर्ड है सी आई डी साइड सुसाइड पैट्रीसाइड हर्बिसाइड पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड राटिसाइड रोटी साइड साइड भी एक वर्ड है साइड का मीनिंग क्या है साइड का मीनिंग है टू किल साइड का मीनिंग है किसी को किल कर देना मैरिटी का मीनिंग क्या है मैरिटी का मीनिंग है मैरिज शादी तो मैरिटी साइड का मीनिंग क्या हो गया मैरिटी साइड का मीनिंग क्या होगा ऑफ मैरिज अब मैरिज को मार देना का मतलब क्या हो गया डिवोर्स डिवोर्स कर देना किसी रिलीजन में डिवोर्स कैसे हो जाता है तीन बार बोल दिया तलाक 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 और मैरिज का क्या हो गया मैरिज की डेथ हो गई क्या कमिट कर दिया व्हाट है उस इंसान ने क्या किया मैरिटी साइड किया और अगर मैं इस मैट्री साइड की बात करूं अब ये मैट्री इस मैरिटी जैसा नहीं है ये मैट्री का मीनिंग क्या है ये मैट्री का मीनिंग है मदर ये मैट्री का मीनिंग है मदर तो मैट्री साइड क्या हो गया किलिंग ऑफ मदर पैट्री साइड क्या होता है किलिंग ऑफ फादर मैट्री इज एंड मैरिडी साइड इज एंड मैरिज एकदम सही बोला टी विज ने बिल पास हो गया कौन सा बिल पास हो गया बच्चे डिवोर्स एकदम सही हाँ बिल पास हो गया है हाँ वो एकदम सही बात आपने बोली है चलिए अब आगे आते हैं अगला वर्ड है जुडिशियल ये तो आपने बहुत बार सुना है अगर आप द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ते हैं हर कुछ ना कोई आर्टिकल ऐसा आता ही आता है जिसमें ये वर्ड दे रखा होता है जुडिशियल द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वर टेकिंग प्लेस जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जुडिशियल जुडिशल जज से रिलेटेड मतलब कहना है समथिंग विच इज रिलेटेड विद लीगल थिंग्स जुडिशियल का मतलब क्या है लीगल प्रोसीडिंग्स जजमेंटल जजमेंटल मत बन जाओ डोंट बिकम टू मच जजमेंटल जजमेंटल वर्ड का मीनिंग क्या हो गया जजमेंटल वर्ड का मीनिंग क्या हो गया जजमेंटल इज हम जजमेंटल होते हैं मतलब हम बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा चीजों को एनालाइज करते हैं चीजों को एनालाइज करने के बाद हम उसके बारे में क्या बनाने लग जाते हैं अपने या फिर उस चीज को लेने में अपने डिसीजंस बनाने लग जाते हैं ही इज बिकमिंग वेरी जजमेंटल नाव अडेज वो आजकल बहुत जजमेंटल हो रहा है इसका मतलब क्या है वो जो उसके दिल से आवाज आ रही है उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है चलिए अगले वर्ड पे आते हैं नेक्स्ट वर्ड इज़ डी जी और अब आप मुझसे बोलोगे मैम ये क्या लिखा हुआ है ये हमें इंग्लिश तो लग नहीं रही बट बच्चों ऐसे वर्ड्स बैंकिंग एग्जाम्स में बहुत बार आते हैं बहुत बार आते हैं और ये कुछ लीगल वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में हूबहू यूज़ होते हैं जिनको हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है वो डायरेक्टली बिल्कुल वैसे के वैसे ही हमने इंग्लिश में यूज़ किए हैं डी जी और डी फैक्टो कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी दी मीनिंग आप में से कोई स्टूडेंट मुझे डीजे और डिफैक्टो का मीनिंग बता सकता है अगर मैं आपको एग्जाम्पल दू कि डीजे और क्लास जो है वो छह बजे स्टार्ट होनी चाहिए थी डीजे और बट स्टार्ट हुई छ पांच पे डी फैक्टो कोई मुझे बता सकता है डीजे और डिफैक्टो का मीनिंग क्या है डी जॉर और डी फैक्टो का मीनिंग कहना डी जॉर का मतलब है बाय लॉ लॉ के हिसाब से या प्रिंसिपल के हिसाब से क्लास छ बजे स्टार्ट होनी चाहिए थी बट डी फैक्टो डी फैक्टो का मतलब क्या है बाय फैक्ट्स फैक्ट्स बट फाक्स के हिसाब छ पांच पे स्टार्ट हुई बिकॉज दे आर आर सर्टन टेक्निकल इशू तो डी जॉर और डी फैक्टो का मीनिंग सभी को समझ में आया अब अगला वर्ड आता है कॉर्पस ज्यूरिस कॉर्पस ज्यूरिस का मीनिंग क्या होगा ये एक लीगल वर्ड है अच्छा ये लीगल वर्ड ज्यादा ही लीगल हो गया इतना हम इंग्लिश में यूज नहीं करते हैं तो वी कैन लीव दिस वर्ड अदरवाइज हमें इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग तो पता है अगर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूं कि इन दोनों वर्ड्स में जो हमारा रूट वर्ड यूज हुआ है वो रूट वर्ड क्या है कॉर्पस कॉर्प कॉर्प का मीनिंग क्या था कैनए से बॉडी ज्यूरिस ज्यूर का मीनिंग क्या है कैन ऐ से जज तो कॉर्पस ज्यूरिस का मीनिंग क्या हो गया बॉडी ऑफ जजेस जजेस जब किसी जिसको जज कर रहे हैं वर्ड इज ए कारपोरेज बट बहुत ज्यादा लीगल वर्ड हो गया इतना ज्यादा लीगल वर्ड हम यूज नहीं करते अगला वर्ड जो रिक्शन पहले क्या होता था पहले अब नहीं होता अब जीरो एफ आई आर आ गई है पहले क्या होता था फॉर एग्जाम्पल कोई इंसिडेंट हुआ आपका पर्स चोरी हुआ आप किसी पुलिस स्टेशन में गए रिपोर्ट लिखवाने पुलिस वाला क्या बोल रहा है कि ये वाला जो एरिया है ना ये हमारे अंडर नहीं आता दिस इज नॉट अंडर आर ज़ूरिडिक्शन आपकी रिपोर्ट कहीं और जाके होगी नाउ कैन एनी वन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ द वर्ड ज़ूरिडिक्शन अब कोई मुझे ज्यूरिडिक्शन का मीनिंग बता सकता है कि ये वाला जो एरिया है वो हमारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता दैट इज वाई आपकी एफ आई आर यहां नहीं होगी आपको कहीं और जाके या रोहिणी वाले एरिया में जाके वहां पे आपको एफ आई आर लिखवानी पड़ेगी जूरिडिक्शन जूरिडिक्शन का मीनिंग क्या हो गया जूरिडिक्शन का मीनिंग क्या हो गया एरिया या दी वेयर लॉज आर एप्लीकेबल वो एरिया या वो टेरिटरी जहाँ पर हमारे जो लॉज हैं वो एप्लीकेबल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम जूरस बोलते हैं वी कॉल इट जूरस गवर्निंग एरिया क्या मैं कह सकती हूँ गोवा वॉज नॉट अंडर इंडियाज जुरोडिक्शन बिफोर सम टाइम कुछ टाइम पहले या बहुत सारा टाइम पहले गोवा जो था वो इंडिया के जुरोडिक्शन में नहीं आता था बाद में गोवा को ऐड किया गया इंडिया के जुरुडिक्शन में तो जुरोडिक्शन का मतलब क्या होता है गवर्निंग एरिया एकदम सही वो एरिया या वो टेरिटरी जहां पर हम अपने रूल्स लगा सकते हैं अंडर एरिया एकदम बहुत बच्चों ने एकदम सही बोला है अगला वर्ड जस्टिफिकेशन मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं एक वर्ड होता है हमारे पास एक्सक्यूज और दूसरा वर्ड होता है हमारे पास जस्टिफिकेशन वी हैव वन वर्ड एक्सक्यूज और दूसरा वर्ड होता है जस्टिफिकेशन क्या आप मुझे इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग बता सकते हैं या इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग में डिफरेंस बता सकते हैं आई वॉन्ट टू सी हू कैन टेल मी दो वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं एक वर्ड लिखा है एक्सक्यूज और एक वर्ड लिखा है जस्टिफिकेशन आप क्लास में नहीं आए आप सारी क्लासेस में आ रहे थे एक या दो क्लासेस में आप नहीं आए आपने मुझे क्या बोला मैम मैं सोता रह गया एक्सक्यूज है जस्टिफिकेशन है वॉट इज इट आपने बोला मैम मैं सोता रह गया इसलिए मैं क्लास में नहीं आया इज इट एन एक्सक्यूज और अ जस्टिफिकेशन इट इज़ एन एक्सक्यूज और आपने बोला मैम मेरा ई पी एफ ओ का एग्जाम था मैं ई पी एफ ओ का एग्जाम देने गया था इसलिए मैं क्लास में नहीं आया इट इज अ जस्टिफिकेशन कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी नाउ व्हाट इज एन एक्सक्यूज और व्हाट इज़ अ जस्टिफिकेशन कोई मुझे बता सकता है कि अब एक्सक्यूज क्या है उसका एक्सक्यूज में और जस्टिफिकेशन में क्या डिफरेंस है जस्टिफिकेशन एक तरह का एक्सक्यूज ही है लेकिन, लेकिन जस्टिफिकेशन जो होता है वो कोई पॉजिटिव रीजन देता है कोई वैलिड रीजन देता है एक्सक्यूज आप अपनी गलतियों के लिए देते हो एक्सक्यूजेस में थोड़ा सा नेगेटिविटी आती है लेकिन जस्टिफिकेशन जब हम किसी चीज के लिए देते हैं हम उसको सही समझ के देते हैं एकदम सही जस्टिफिकेशन को हम एक्सप्लेनेशन भी बोल सकते हैं लेकिन एक्सक्यूज क्या हुआ एक्सक्यूज नेगेटिव हो गया क्या दोनों वर्ड्स का में डिफरेंस एकदम क्लियर है ये दोनों वर्ड्स का डिफरेंस कब काम में आता है जब क्लोज टेस्ट आता है क्लोज टेस्ट में दोनों ही वर्ड्स दे रखे होते हैं एक्सक्यूज भी दे रखा होता है जस्टिफिकेशन भी दे रखा होता है हमें समझ में ही नहीं आता एक्सक्यूज लगाएं या जस्टिफिकेशन लगाएं अब अगर वो नेगेटिव बात बोल रहा है कोई सिली सा बात बोल रहा है तो एक्सक्यूज होगा और अगर वो वैलिड रीज़न दे रहा है तो वो क्या होगा तो वो जस्टिफिकेशन होगा लॉजिकल रीज़न दे रहा है तो दोनों वर्ड्स आई होप सभी को एकदम क्लियर है लेट अस लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ अगला वर्ड है हमारा सैंक्शन सैंक्शन से करने से पहले हमें एक वर्ड देखना है एस ए सी और एस ए एन सी टी एस ए सी और एस ए एन सी टी ये दोनों के दोनों हमारे नेक्स्ट रूट वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग क्या होता है जिनका मीनिंग होता है किसी चीज को प्योरिफाई करना किसी चीज़ को पवित्र कर कोई पवित्र चीज़ ऐसे सी और ऐसे एन सी टी दोनों ही दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है कोई पवित्र चीज़ कोई होली चीज़ इसका मतलब क्या है ये सारे के सारे वर्ड्स किससे रिलेटेड हैं ये सारे के सारे वर्ड्स किसी चीज़ को पवित्र करने से किसी चीज़ की अच्छी होलीनेस को बात करने से डेडिकेटेड हैं डू नॉट मेक एक्सक्यूज बट गिव मी जस्टिफिकेशन फॉर योर डीड एकदम सही प्रवेश कुमार एकदम राइट एक्सक्यूज मी प्लीज वो अलग है हाँ एक्सक्यूज मी प्लीज़ का मतलब क्या है आप कुछ काम कर रहे हो मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा और इस चीज़ के लिए मुझे एक्सक्यूज कर दो एंड आई विल गो अवे अच्छा सैंक्शन और सैंक्शन का यूसेज आया था आज के मॉक में बेटा ये वोकेबलरी सब जगह मिलेगी ये टॉप फाइव हंड्रेड वर्ड्स कर लिए ना ये सब जगह मिलने वाले हैं आप लोगों को आप लोग ना जब मॉक दे रहे होगे जब रियल एग्जाम दे रहे होगे तब आपको याद आएगा अरे निमिषा मैम ने ना ये वाला वर्ड पढ़ाया था और ये वर्ड आता है वोकैबलरी की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है चलो सैंक्शन की बात करते हैं सैंक्शन वर्ड का मीनिंग क्या है सैंक्शन कर देना किसी चीज को मतलब किसी चीज को ग्रांट कर देना किसी चीज को अप्रूव कर देना सैंक्शन वर्ड का मीनिंग क्या है किसी चीज को ग्रांट कर देना किसी चीज को अप्रूव कर देना किसी चीज को देने में मना मत करना ग्रांट कर देना अप्रूव कर देना अगर मैं और वर्ड्स की बात करूं ऑथोराइज कर देना किसी चीज़ को कन्फर्म कर देना किसी चीज़ को फेवर कर देना व्हाट इज इट दैट इज सैंक्शन सैक्टेड सेक्रेड मुझे यहाँ से याद आया मेरे स्कूल का नाम था सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और जब हम बहुत छोटे छोटे थे हमें इस वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता होता था सेक्रेड सेक्रेड वर्ड का मीनिंग क्या है अच्छा मैं एक सेंटेंस बोलूँ आफ्टर रीडिंग दिस वर्ड आई एम बिकमिंग नोस्टैल्जिक कैन एनी वन एक्सप्लेन मी टेल मी द मीनिंग ऑफ द वर्ड नोस्टैल्जिक जैसे ही मैंने ये वर्ड पढ़ा मैं क्या हो गई मैं नोस्टाल्जिक हो गई मुझे पुराने अपने स्कूल के दिन याद आ गए जब मेरे स्कूल का नाम सेक्रेड हार्ट हुआ करता था और मुझे वो नाम का मीनिंग भी नहीं पता होता था वॉट इज द मीनिंग इस बात का मीनिंग क्या हुआ नोस्टालजिक का मीनिंग क्या हुआ नोस्टाल्जिक को तो ऐसी वोकैबलरी बढ़ेगी ऐसे ही मैं अपनी पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों की वोकैब्लरी को इम्प्रूव करने की नोस्टाल्जिक का मीनिंग क्या हुआ पुराने दिन याद करना रिवाइविंग पास्ट मेमरीज एकदम सही बात रिमेंबर पास्ट प्रपेश कुमार ने एकदम सही बोला पास्ट को याद करना क्या वर्ड क्या वर्ड मैंने अभी यूज़ किया वॉट वर्ड हैव आई है जस्ट नाउ द वर्ड इज़ नोस्टैल्जिक नोस्टैल्जिक पुरानी चीज़ों को याद करना रिटर्न टू पास्ट एकदम सही नोस्टैल्जिया नोस्टैल्जिया मतलब क्या होता है पुरानी चीज़ें याद आना शॉक्ड नहीं एस्टॉनिशिंग आंसर नहीं है शॉक्ड आंसर नहीं है हाँ लॉन्गिंग फॉर द पास पुरानी चीजें याद करना पुरानी चीज फ्लैशबैक में चले जाना वॉट इज नोस्टैलजिक हाँ सेक्रेड तो के वर्ड पे थे हम सेक्रेड वर्ड का मीनिंग क्या हुआ सेक्रेड वर्ड का मीनिंग हुआ किसी चीज को प्योरी कोई चीज प्योर हो कोई चीज होली हो कोई चीज पायस हो, हो, हो। तीनों वर्ड्स का मीनिंग एक एकदम सेम है प्योर होली पायस पायस की स्पेलिंग क्या लिखी है मैंने पी आई ओ यू एस प्योर होली पायस पवित्र का मतलब क्या है सेक्रेड सेक्रेड हार्ट मतलब पवित्र दिल होली हार्ट सेक्रेड सेक्रेड का मीनिंग क्या है कोई चीज जब पवित्र हो सिंह सैंक्शन मीन्स ग्रांड बट सेंशन मीन्स बैन प्रोहिबिशन प्रतिबंध नहीं सैंक्शन का भी वही मीनिंग होता है सैंक्शन एक वर्ब है और सैक्शन जो है प्रपेश जैसा नाउन वो नाउन है सैक्शन दे देना मतलब कुछ सेंक्शन दे दिए गए मतलब कुछ चीजों को अलाउ कर दिया गया उन सेंक्शन्स को पायस एकदम सही बोला प्रपेश ने प्योर भी लिख सकते हैं प्योर होली पायस अगला वर्ड है सैक्रोसेंट क्या मैं इसे सैक्रोसेंट इसमें तो दोनों वर्ड्स आ गए सैक भी आ गया सेंट भी आ गया सैक्रोसेंट सैक sac भी आ गया सेंट भी आ गया तो मीनिंग कुछ और हो ही नहीं सकता मीनिंग वही होगा जो सेक्रेड का मीनिंग है तो क्या मैं कह सकती हूं ये एक सिनोनिम है सेक्रेट का दिस इज अनोनेम ऑफ सेक्रेट सेक्रेड सेक्रोसेंट दोनों वर्ड्स का मीनिंग एकदम सेम है एकदम पवित्र एकदम होली एकदम पायस गीता इज भगवत गीता क्या है एकदम पवित्र है क्या है सेक्रोसेंट है भगवत गीता, द गीता इज सेक्रेट सेक्रेड है एकदम पवित्र है हो गंगा इज अ सेक्रेड रिवर एकदम सही मनोरंजन अगले वर्ड पे आते हैं सेक्रीफाइस ये तो आप सभी को पता है सोल्जर्स सेक्रीफाइस देयर लाइफ्स फॉर द गुड ऑफ द कंट्री अभी हम एक बहुत कुछ क्लासेस से पहले एक ना हम पैराजल कर रहे थे तो उसमें एक वर्ड आया था सेक्रीफिशियल ऑफरिंग सेक्रीफिशियल ऑफरिंग्स मतलब ऐसा कुछ दिया गया जिसको सेक्रीफाइस करके दिया गया है तो सेक्रीफाइस का मीनिंग क्या हो गया टू सेक्रीफाइस वर्ड का अगर मैं एग्जैक्ट मीनिंग लिखू टू गिव समथिंग किसी चीज को दे देना और क्यों दे देना क्योंकि आप उसे क्या समझते हो होली रीजंस की वजह से या रिलीजियस रीजंस की वजह से या फिर पैट्रियाटिक रीजंस की वजह से जब आप किसी चीज़ को दे रहे हो पेट्रियोटिक रीजन्स की वजह से अगर आपके अंदर देशभक्ति है आप भगवान के लिए कुछ कर रहे हो आप किसी भी बहुत अच्छे रीज़न की वजह से जब कुछ देते हो आप उसको क्या बोलते हो आप उसको सेक्रीफाइस बोलते हो सैक्रिफाइस हमेशा और हमेशा रिलीजियस रीजन्स की वजह से पायस रीजन्स की वजह से या अच्छे रीजन्स की वजह से होगा कोई चोर आया उसने आपको डरा धमका के आपको बोला कि अपने अपने गले की चेन दे दे तो उसको सेक्रीफाइस नहीं बोलोगे यू विल नॉट कॉल इट अ सेक्रीफाइस क्योंकि वो आपने प्रेशर में किया था बट अपने मन से जो कुछ देते हो अपने मन से देने वाली चीज को क्या बोलते हैं अपने मन से देने वाली चीज को हम सेक्रीफाइस बोलते हैं वी कॉल इट सेक्रीफाइस किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट यहां तक हाँ एकदम सही। नॉट ऑलवेज सेक्रीफाइस गिव देना हमेशा नहीं होता कब देना होता है जब हम अपने मन से किसी को कोई चीज देते हैं चलिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने वीडियो शेयर नहीं किया केवल और केवल थर्टी फोर स्टूडेंटिंग नाउ प्लीज शेयर दिस वीडियो सो दैट एटलीस्ट हंड्रेड स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हो जाए चलिए लेट एस मूव टू द नेक्स्ट वर्ड एंड द नेक्स्ट वर्ड इज सेक्रिलिज का मीनिंग क्या है अभी एक ना सबरीमाला टेम्पल का केस था जिसमें विमेन की एंट्री को क्या माना जाता था उस टेम्पल में वेमेन की जो एंट्री होती थी उसको क्या माना जाता था वॉट वॉज इट अगर मैं बोलूँ सेक्रिलिज ब्लास्मी प्रोफेनिटी तीनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है आई नो आप सभी लोग मुझे बता पाओगे एग्जाम्पल मैंने दिया है आप लोग मुझे वर्ड का मीनिंग बता पाओगे आई हैव रिटन थ्री वर्ड्स ओवर हियर आई हैव रिटन सेक्रिलेज आई हैव रिटन ब्लास्मी आई हैवि रिटन प्रोफेनिटी क्या होगा इनका मीनिंग बैन किया जाता था उनके एंट्री को क्या माना जाता था कि अगर वो एंटर कर रही है इसका मतलब क्या है कि वो हमारे भगवान को डिसरिस्पेक्ट कर रही है वो हमारे भगवान को इ दे रही है उनके लिए हमारे मन भगवान के मन में बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है सॉरी उनके मन में वो हमारे भगवान को रिस्पेक्ट ही नहीं करती हैं इसलिए वो इस रूल को फॉलो नहीं कर रही हैं तो ये तीनों के तीनों वर्ड्स क्या हैं इन तीनों के तीनों वर्ड्स का मीनिंग एकदम एकदम सेम है तीनों के तीनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है ब्लास्ट वेमी प्रोफेनिटी सेक्ट मतलब किसी तरह का डिसरिस्पेक्ट करना किसी को और ये डिसरिस्पेक्ट मोस्टली हम किन किन मैटर्स में यूज़ करते हैं रिलीजियस मैटर्स में हम ये डिसरिस्पेक्ट यूज़ करते हैं और ऐसे केसेस इंडिया में बहुत बार सामने आए हैं बहुत बार सामने आए हैं amazon पर अभी एक हाल फिलहाल ही एक ऐसा केस हुआ था जहाँ पे उसने डोर मैट्स पे जो वॉशरूम के डोर मैट्स होते हैं उस पर गणेश जी की फ़ोटो लगा के सेल किया था सो वट वॉज इट वो किसका एग्जाम्पल था इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लास्टेमी वो किसका एग्जाम्पल था इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेनिटी वो किसका था इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ सैक्रिलिज आप पवित्र कह सकते हैं sacrilege का था प्रोफेनिटी एकदम बोल सकते हैं किसी का का रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना डिसरिस्पेक्ट करना क्लियर सभी को चलिए अगले वर्ड दोनों वर्ड्स, तीनों वर्ड्स वही लिखे हुए हैं बिल्कुल सेम वही लिखे हुए हैं तीनों के तीनों वर्ड्स का मीनिंग आप सभी को पता है, तीनों तीनों है? ब्लास्टेमी प्रोफेनिटी क्या मैं बोल सकती हूं अब तीनों वर्ड्स का मीनिंग क्या मैं बोल सकती हूं डिसरिस्पेक्ट ये सारे वर्ड्स आपस में क्या है तो इतना कॉमन है ना आप मॉक टेस्ट देते होंगे आपको बहुत बार ये वर्ड सामने आया होगा आपने इतने सारे पेपर्स दिए होंगे बहुत बार ये वर्ड आप लोगों के सामने आया होगा और इन सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग एकदम एकदम सेम है किसी को रिस्पेक्ट नहीं देना और स्पेशली कौन से मैटर्स में रिलीजियस मैटर्स में स्टूडेंट्स प्लीज वीडियो को लाइक like कर दो 34 फोर स्टूडेंट्स आर वॉचिंग राइट नाउ केवल 22 टू लाइक्स किए हैं जो जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो को लाइक like नहीं किया है प्लीज लाइक इट सो दैट हमें भी फील हो कि हाँ आप लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है और हम ऐसी वीडियोस लेके आते रहें आए दिन नए वर्ड आ रहे हैं मॉक्स में हाँ तभी तो हम रोज रोज नए वर्ड सीखते भी जा रहे हैं इतना मैं हंड्रेड परसेंट कह सकती हूँ ये थाउजेंड वर्ड्स कंप्लीट कर लोगे तो इसके बाहर से कोई वर्ड नहीं मिलेगा क्योंकि तो ये थाउजेंड वर्ड्स ना मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड्स हैं और हमारे एग्जाम में मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड्स ही आते हैं चलिए आगे बढ़ा जाए मनोरंजन ने एक सेंटेंस बनाया है इट इज रपेश साहू ने बनाया है इट इज़ अ ब्लास्फेमी फॉर वेमेन टू एंटर हाजी अली दरगाह एकदम सही चलिए अगर सॉरी अभी हमारे दो वर्ड्स बचे हैं यहाँ पे सैक्रामेंट सेक्रामेंट का मीनिंग क्या होता है सैक्रामेंट का मीनिंग होता है अगर मैंने कुछ गलती कर दी है तो मैं उस बारे में क्या ले रही हूँ मैं अपने आप को पनिशमेंट दे रही हूँ आई एम गिविंग अ काइंड ऑफ सेल्फ पनिशमेंट टू माई सेल्फ इसको हिंदी में वो बोलते हैं पश्चाताप इन हिंदी इट इज नोन एज पश्चाताप पश्चाताप का मतलब क्या है मैंने कुछ गलत किया है मुझे अंदर से फील हो गया है मैंने ये गलत किया है और अब मैं पश्चात पश्चाताप में अपने आप को कोई ना कोई दंड दे रही हूँ आई एम पनिशिंग माई सेल्फ वॉट एम आई डूइंग आई एम डू गिविंग अ सेल्फ पनिशमेंट टू माई सेल्फ व्हाट इज इट दैट इज सेक्रमेंट वो वर्ड हमारा क्या है वो वर्ड हमारा क्या है सेक्रामेंट है दैट इज सेक्रमेंट सेल्फ पनिशमेंट एकदम सही चलो अगले वर्ड पे आते हैं एंड आर नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्सिक्रेट कॉन्सिक्रेट वर्ड का मीनिंग क्या होगा अभी हमने एस ए सी पढ़ लिया ऐसे का मीन एस ए सी का मतलब क्या था प्योरीफाई करना कॉन्सिक्रेट वर्ड का मीनिंग होता है किसी को ब्लेस करना किसी को प्योरीफाई करना वॉट डू मीन बाय कॉन्सिक्रेट कॉन्सिक्रेट वर्ड का मीनिंग होता है किसी को ब्लेस करना किसी को प्योरीफाई करना

पहले के ऋषि मुनि क्या करते थे पहले के ऋषि मुनि या तो कॉन्सिक्रेट करते थे या तो क्या बोलते थे उसे ब्लेसिंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? या तो वरदान देते थे या फिर क्या करते थे पहले के ऋषि मुनि पहले के ऋषि मुनि डेसिक्रेट करते थे या तो श्राप देते थे दे यूज टू ईदर कॉन्सिक्रेट और दे यूज टू डेसिक्रेट कॉन्सिक्रेट अस फॉर एस बी आई क्लर्क मीन्स एग्जाम माई गुड विशेज माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू गाइस एकदम एकदम सही है मेरी गुड विशेज आप सभी के साथ डेसिक्रेट का मीनिंग क्या होगा स्पॉन्स इस वर्ड का मैं एक और सिनोनिम की बात करूं दैट इज वेंडलाइज डेसिक्रेट करना डेसिक्रेट करने का मीनिंग क्या है किसी को स्पॉइल कर देना किसी को पनिशमेंट का दे देना किसी को के बारे में बुरा बुरा बोल देना किसी इंसान को ऐसे कर देना कि उसके साथ बुरा ही बुरा हो किसी को वैंडलाइज कर देना किसी को स्पॉइल कर देना नेगेटिव वर्ड है डेसिक्रेट कॉन्सिक्रेट कैसा वर्ड है कॉन्सिक्रेट जो है वो हमारा पॉजिटिव वर्ड है इट इज अ पॉजिटिव वर्ड कर्स कर्सन एकदम सही कॉन्सिक्रेट कर्स एकदम सही वेंडेलाइज कर देना चलिए अगला वर्ड सेंचुरी ये वर्ड तो सभी को पता है सेंटरी सेंचुअरी वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरीज होती है बर्ड सेंक्चुरीज होती है सेंक्चुरी का वर्ड का मीनिंग क्या होता है वॉट डू यू मीन बाय द वर्ड सेंचुरी आई हैव बीन विद यू सिंस एस बी आई टू पॉइंट सैंकुरी वर्ड का मीनिंग क्या है सेंचुअरी वर्ड का मीनिंग क्या है क्या मैं बोल सकती हूँ एक तरह का शेल्टर होता है एक तरह का होली प्लेस होता है पवित्र जगह होती है जहां पे हम लोगों को क्या देते हैं हम लोगों को शेल्टर देते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब क्या है हम एनिमल्स को शेल्टर दे रहे हैं बर्ड सेंचुरी का मीनिंग क्या है हम उनको शेल्टर दे रहे हैं एकदम सही एकदम सही बात बच्चों ने बोला है अभरण्य इतनी हिंदी मुझे नहीं आती है प्रवेश एक कह सकते हैं एक तरह से क्या कह सकते हैं अ सेफ प्लेस ऐसा प्लेस जो एकदम क्या है ऐसा प्लेस जो एकदम सेफ है अ सेफ प्लेस इज नोन एज वॉट इज नोन एज सेंटरी इज नोन एज सेंटरी चलो सेंटिटी सेंटिटी सैंक्ट फिर से आ गया सैंक्ट वर्ड का मीनिंग हम सभी को पता है सैंक्ट वर्ड का मीनिंग क्या है सैंक्ट वर्ड का मीनिंग क्या है होलीनेस पवित्रता तो सेंटी वर्ड का मीनिंग क्या हो गया पवित्रता प्योरिटी कह सकते हैं ब्लेसडनेस कह सकते हैं बिल्कुल ब्लेस्ड रहना पवित्र रहना होली रहना फाई सेंकटिफाई करना किसी को कहना अगर मैं बोलूँ सेंक्टिफाई इज अनोनिम ऑफ द वर्ड कॉन्सिक्रेट आप लोग मुझे सैंक्टिफाई वर्ड का मीनिंग बताओगे आई नो हिंदी मुझे हिंदी बहुत अच्छे से आती है बट इतनी ज्यादा अच्छे से नहीं आती कि मैं बिल्कुल ही उस वर्ड का हिंदी बता पाऊँ ओके वॉट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेंकटिफाई सेंट्टिफाई वर्ड का मीनिंग क्या होता है ट वर्ड का सिनोनेम है तो सेंटिफाई वर्ड का मीनिंग क्या हो गया कॉन्सिक्रेट वर्ड का मीनिंग क्या था किसी को ब्लेस करना तो सेंटिफाई सेंटिफाई वर्ड का मीनिंग भी क्या हो गया ब्लेस किसी को ब्लेस करना चलिए अगले वर्ड पे आते हैं sanctimonious. Sanctimonious. चलो ये अब मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट भी ले लेती हूं कि आप लोग पिछले वीडियोस को कितना फॉलो करते आ रहे हो अगर मैं बोलू सैंक्टीमोनियस का मीनिंग होता है स्मग कैन यू टेल मी द मीनिंग नाउ सैंटीमोनियस वर्ड का मीनिंग होता है स्मग या फिर बोलू प्लेसिड आप कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या मीनिंग है सैंतीमोनियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है स्मग प्लास्टिट क्या मीनिंग पढ़े थे इन दोनों के दोनों वर्ड्स के मीनिंग हमने पढ़े थे पिछले से पिछली क्लास में दोनों के दोनों वर्ड्स के मीनिंग क्या है कहना है इसे सेल्फ सेटिस्फाइड जो अपने आप में ही बहुत ज्यादा सेटिसफाइड हो जिसे लगता हो वो जो कर रहा है बेस्ट कर रहा है उसे बाहर की दुनिया को देखने की जरूरत ही नहीं है वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा खुश है बहुत ज़्यादा सेटिसफाइड है सेल्फ सेटिस्फाइड भी बोल सकते हैं क्या मैं इसे बोल सकती हूँ कंटेंडेड कंटेंडेड वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है सी ओ एन टी ई एन टी ई डी कॉन्टेंटेड वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है सेटिसफाइड होना हम एकदम सेटिस्फाइड है इनफैक्ट हमें सेटिसफाइड रहना चाहिए जब हम सेटिसफाइड रहते हैं तो हम खुश रहते हैं अंदर से और हम अपनी चीज़ों को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ कर सकते हैं अगर हम सेटिसफाइड नहीं हैं तो हमारे ऊपर स्ट्रेस आता है और स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं एकदम सही बोला एक और वर्ड पूजा ने एकदम सही बोला जो हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था द वर्ड इज कॉम्प्लेसेंट कॉम्प्लेसेंट का मीनिंग भी क्या है स्मग सेल्फ सेटिस्फाइड रहना लग रहा है वो कैबलरी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है सभी की इंक्रीज हो रही है चलिए आगे आते हैं एंड आर नेक्स्ट वर्ड चलिए इन वर्ड्स को अब हम कल की क्लास में करेंगे आज की क्लास में हमने सफिशियंट नंबर ऑफ वर्ड्स कर लिए हैं नाउ इट्स टाइम फॉर वोकेबलरी क्विज अब टाइम होता है वोकेबलरी क्विज का एंड आई वॉन्ट टू सी कितने स्टूडेंट्स कितने आंसर सही देते हैं सो so words वर्ड्स विल बी डूइंग इन class. क्लास नाउ इट्स टाइम फॉर quiz नाउ एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन For the following questions, choose the word that does not belong with the others. In सारे के सारे question में ऐसा word choose करना है जो बाकी word से belong नहीं करता Rampant का मतलब क्या होता है सब जगह फैला हुआ करप्शन इज रैमपेंट इन इंडिया इंडिया में करप्शन क्या है रैमपेंट है सब जगह फैला हुआ है करप्शन इज वाइड स्प्रेड इन इंडिया वाइड स्प्रेड का मीनिंग क्या होता है सब जगह फैला हुआ है करप्शन इज परवेसिव इन इंडिया परवेसिव का मीनिंग क्या होता है सब जगह फैला हुआ है सब जगह है तो कौन सा वर्ड अलग है कौन सा वर्ड अलग है रिस्ट्रेंड रुका हुआ है सब जगह नहीं फैला हुआ आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी कितने बच्चों का सही निकला दीपाली राम सुजाता सुश्री कनिका संजीव उत्कृष्ट मनोरंजन लवली आकांक्षा योर आंसर्स आर करेक्ट आप सभी के आंसर्स एकदम सही है मेरा एक क्वेश्चन क्या मुझे इन तीनों वर्ड्स का कोई दो सिनोनिम्स और बता सकता है कैन यून यू वन ऑफ यू टेल मी टू मोर सिनोनिम्स ऑफ दीज थ्री वर्ड्स दोनों के दोनों सिनोनिम्स हमने एक क्लास में पढ़ रखे हैं कुछ तो कम हुआ है हमने दोनों के दोनों सिनोनिम्स पढ़ रखे हैं अगर मैं याद करूं अगर मैं बोलूँ गॉड इज ओमनी प्रेजेंट अगर मैं बोलूँ गॉड इज यू बी क्वेश्स दोनों के दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है ओमनी प्रेजेंट और यूबिक्वेश दोनों के दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है सर्वव्यापी सर्वव्यापी का मतलब क्या है जो सब जगह हो ओमनी प्रेजेंट का मतलब भी होता है जो सब जगह हो का मीनिंग भी होता है जो सब जगह हो परवेसिव का मीनिंग भी होता है जो सब जगह हो वाइड स्प्रेड का मीनिंग भी होता है जो सब जगह हो रैमपेड का मीनिंग भी होता है जो सब जगह हो एसबीआई टू थाउजेंड सेवेंटीन के पेपर में ये वर्ड था बहुत सारे बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया है पैन का मीनिंग भी ऑल होता है एकदम सही राम गुप्ता ने एक और वर्ड ऐड कर दिया ओमनी का मीनिंग ऑल था पैन का मीनिंग भी ऑल है। चलो अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन सेम है आपको बताना है कौन सा वर्ड लिंक नहीं करता चलिए कितने स्टूडेंट्स ने बताया सही आंसर ओमनी था ओमनी सी एंट था बस था हमने बहुत सारे वर्ड्स किए थे इसी की पिछली सीरीज में चलो समिट एक्मे तीनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है सबसे ऊंचा पिनेकल समिट एक्मे तीनों आपस सारे के सारे वर्ड्स आपस में सिनो से कहने से पिनेकल एक्मे समिट और एक और वर्ड में लिख दू जो यहां पे नहीं लिखा हुआ जेनिथ इन सभी वर्ड्स का मीनिंग क्या है इन सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग है सबसे ऊंचा सबसे ऊंची पोजिशन अगर मैं लोएस्ट पॉइंट की बात करूं लोएस्ट पॉइंट इनका एंटेनिम क्या होगा इन सारे के सारे वर्ड्स का एंटेनिम क्या होगा इन सारे के सारे वर्ड्स का एंटेनिम होता है नादिर नादिर का मीनिंग क्या होता है सबसे लोएस्ट पोजिशन सबसे नीचे वाली पोजिशन ये सारे हैं टॉप मोस्ट पोजिशन आप सभी को यहां पहुंचना है आप सभी को कहां पहुंचना है आप सभी को यहां पहुंचना है यू हैव टू रीच टू दिनकल और नादिर से उठना है पिनकल पे पहुंचना है तो आंसर क्या हो गया कौन सा अलग सा वर्ड है पेरिजी ये एक जोग्रफिकल टर्म है आप लोगों ने शायद जोग्राफी में कभी पढ़ा हो तो अर्थ ना एक एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है रिवॉल्व करती है जहां मिलती है किसी एक्सेस पर्टिकुलर को पैरिजी बोलते हैं किसी मतलब मेरे साथ कंप्लीट तो जोग्राफिकल वर्ड कोई भी लिंक ही नहीं है यहां पे नादिर शाह याद आ गए उत्कृष्ट को दैट इज समथिंग डिफरेंट समथिंग डिफरेंट वो हिंदी वाले होंगे या उर्दू वाले होंगे ये इंग्लिश वाला नादिर है चलिए अगले वर्ड पे आते हैं एंड दिस इज द नेक्स्ट वर्ड ऑन योर स्क्रीन ट्राई इट इसका आंसर बताइए चलो इस वर्ड का आंसर भी बहुत सारे बच्चों ने मुझे बता दिया होगा पैंडमोनियम हमने वर्ड किया था सब जगह हल्ला गुल्ला है सब जगह शोर है शराबा है लोग एक दूसरे के ऊपर चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं पैंडिमोनियम यही सेम मीनिंग होता है बेडलैम का भी सब एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं चीख रहे हैं सेम मीनिंग क्या है बेडलैम का भी है यही सेम मीनिंग होता है ट्यूमुलट का सब एक दूसरे के ऊपर चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं इसका मतलब क्या है इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग तो एकदम सेम है यही वर्ड अलग है सो सही आंसर क्या हुआ आ राइट आंसर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी चलिए जल्दी से बाकी के क्वेश्चन भी करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत कमी है चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से ये सारे के सारे वर्ड्स भी हमने अपनी क्लासेस में पढ़े थे हाँ रिपोस्ट का मीनिंग क्या होता है रिपोस्ट का मीनिंग होता है किसी एक्टिविटी से फ्रीडम ले लेना कोई एक्टिविटी नहीं करना रेस्ट कर लेना बिल्कुल अलग था इसमें देखो सोमनोलेंट सोपोरिफिक हाइपनोटिक तीनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है नींद ड्राउजी फील करना नींद ही नींद आना तो ये तीनों के तीनों वर्ड्स तो सेम है बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड क्या है स्टिम्युलेटिंग जो आपको स्टिम्युलेट कर दे अंदर से जगा दे ये तो तीनों सला रहे हैं और ये क्या कर रहा है जगा रहा है आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ जी बताइए क्या आंसर होगा हाँ नींद से कंसर्न है एकदम सही बोला कॉम्प्राइज दिस बुक कम्प्राइजेज ऑफ दिस बुक इज कम्पोज ऑफ दिस बुक कॉन्स्टिट्यूट तीनों वर्ड का मीनिंग एकदम सेम है तो ऑपोजिट क्या लग रहा है एक्सक्लूड ये सारे तो इंक्लूड है इनका मीनिंग ऑपोजिट वर्ड कौन सा है ऐसा वर्ड कौन सा है जिसका मीनिंग इसमें लिंक्ड नहीं है दैट वर्ड इज एक्सक्लूड सो आंसर क्या हो गया द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है सुशीला रक्षा सुजाता सभी लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी योर स्कोर्स आप लोगों के स्कोर्स क्या रहे आउट ऑफ फाइव कितने बच्चों के कितने क्वेश्चन सही निकले वॉट आर योर स्कोर्स इन दिस क्वेश्चन यही स्कोर मुझे बताते हैं कि बच्चों की वोकेबरी इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही क्या स्कोर मनोरंजन टू नॉट अ गुड स्कोर अब कुछ क्वेश्चन हैं जहाँ पे वोकेबलरी का यूज होता है एंड दैट इज़ इन फ्लिप क्या बोलते हैं फिलर्स फिलर्स में भी हमारा वोकेबलरी का क्वेश्चन आता है अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे इस क्वेश्चन का जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो क्योंकि ये होमवर्क का क्वेश्चन है कल की क्लास में हम ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हम बहुत टाइम के बाद मिले अच्छा जी जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो होमवर्क आप लोग को बताना है कि क्या आंसर होगा ये वर्ड हम कर चुके हैं ये वर्ड भी हम कर चुके हैं ये वर्ड भी हम कर चुके हैं इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग आपको ऑलरेडी पता होगा सुजाता का आउट ऑफ रहा वेरी गुड रघा शनान्या फाइव आउट ऑफ फाइव वेरी गुड बहुत से बच्चों का फाइव आउट ऑफ फाइव रहा है ग्रेट ग्रेट वेरी गुड स्टूडेंट्स चलिए अगला क्वेश्चन ये है ये वर्ड भी हम कर चुके हैं इनमें से कुछ वर्ड्स भी नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एक्जोनरेट इज मोस्ट सिमिलर टू एक्जोनरेट भी हम कर चुके हैं ओके okay. सो स्टूडेंट्स तीन क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए हैं वो तीनों के तीनों क्वेश्चंस आप लोग करेंगे आई होप सभी की वोकेबलरीरी इंप्रूव हो रही है कीप ऑन लर्निंग न्यू वर्ड्स मैं नई नई ट्रिक्स आपको बताती रहूंगी रूट वर्ड की हेल्प समझाती रहूंगी बस हमारा टारगेट क्या है कि वोकेबलरी की वजह से हमारा इंग्लिश में मार्क्स कम नहीं होने चाहिए वोकेबलरी हमारी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हम कुछ भी पढ़ें रीडिंग कॉम्प्रीहशन पढ़ें चाहे क्लोज टेस्ट पढ़ें चाहे फिलर्स पढ़ें चाहे हम पैराजंबर्स पढ़ें हमें वो पूरा का पूरा समझ में आए और पूरा का पूरा समझ में आएगा तो हम मार्क्स को आराम से गेन कर ही लेंगे मार्क्स हमारे ऑटोमेटिकली अच्छे आ ही जाएंगे अगर हम बहुत अच्छे से उस चीज को समझते हैं तो सो लेट लेट अस अस एंड द क्लास नाउ एंड द सेशन नाउ आज का सेशन हम एंड कर रहे हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि इंडिया के बेस्ट से बेस्ट फैकल्टीज उनको पढ़ाए तो वो आज के आज ही अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे सब्सक्रिप्शन ले, ले लेंगे पूरे अन अकाडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे कहीं भी आपसे कोई कोड पूछा जाए आप फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं आप पेड बैचेस देखना चाहते हैं आपसे कोड पूछा जाएगा आप कोड में लिखेंगे निमेशा आपकी फ्री क्लासेस ओपन हो जाएंगी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा आज अन अकेडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर ऑफर चल रहा है ट्वेंटी डिस्काउंट का पता नहीं ऑफर कब खत्म हो जाए तो मेक श्योर sure कि आप आज के आज सब्सक्रिप्शन ले लें ये फी स्ट्रक्चर अगर बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आई होप सभी को पता है बैंकिंग में बैक टू बैक एग्जाम्स हैं एस बी आई क्लर्क आ चुका है आई बी पी एस पी ओ आपका है आई बी पी एस क्लर्क का मेन्स है आर आर बी के मेन्स हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप आज के साथ सब्सक्रिप्शन ले लें और अपनी तैयारी स्टार्ट करें सब्सक्रिप्शन कम से कम चौबीस महीने या बारह महीने का लेना क्योंकि ये दोनों आपको सबसे सस्ते पड़ते हैं आइकॉनिक लोगे आपको बुक्स भी मिल जाएंगी कोड आपको क्या यूज़ करना है निमेशा एन आई एम आई एस एच ए इस कोड को यूज़ करोगे आज ऑफ़र चल रहा है आपको ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा जैसे ही सब्सक्रिप्शन लो परफेक्शन बैच में डेली लाइव आना स्टार्ट करना साढ़े आठ बजे कंप्लीट ग्रामर का बैच आपको देखना स्टार्ट करना है आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा क्वांट्स रीजनिंग जी ए बी ए इंग्लिश सबके बेस्ट से बेस्ट फैकल्टीज़ मिलेंगे एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी इसके पी के लिए लास्ट थ्री मंथ्स हिंदू की वो कैप के लिए लास्ट सिक्स मंथ्स हिंदू की वो कैप के लिए आप ये एडिटो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो आपको सारी पी डी एफ्स यहाँ मिल जाएंगी चलिए ओके बाय बाय एवरी